हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में तो अभी हम पंद्रह प्रैक्टिस सेट का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो रहमांशु क्लासेस का है और ये अभी आपका जो बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड है और ये एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है लास्ट टाइम में आप लोग डिविज़न के लिए इसे देख सकते हैं और इसमें पंद्रह सौ प्लस जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे देख सकते हैं ये रहमांशु सर के द्वारा दिया गया प्रैक्टिस सेट है और ये पेड कोर्सेज का है ठीक है तो इसे हमने परचेज किया था आप सभी के लिए ताकि आप लोगों को इसे हेल्प मिल सके और ये हमारा मास्टर वीडियो होगा तो आज इसे हम मास्टर वीडियो के थ्रू पंद्रह सौ प्रश्न को यानी पंद्रह प्रैक्टिस सेट यानी हर एक प्रैक्टिस सेट में सौ प्रश्न देखने को मिलेंगे इसे हम देखेंगे और जहाँ भी लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहिए मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो इसे आप लोग माइंड ना करें और हमारे कमेंट बॉक्स में सही चीज़ ज़रूर बताएं ताकि मैं उस चीज़ को जान के पिनअप अपने कमेंट में पिनअप कर दूं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को समाप्त होने के बाद हम इस वीडियो का पी भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे तो जिन लोगों को अभी इसका पी चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग पी भी ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट वन देखते हैं और प्रैक्टिस सेट वन में सौ प्रश्न होने वाला है तो पहला प्रश्न है आपका गीता गोपीनाथन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तो गीता गोपीनाथन जो थी वह आईएमएफ में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय थी सही है ये जो है आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी ये भी सही है और गो, गीता गोपीनाथन का जन्म जो है उन्नीस में कोलकाता में हुआ था यह भी सही है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से जो कौन सा कथन सत्य है तो तीनों कथन जो है आपका बिल्कुल सत्य है अब आ गया आई की बात तो बात की बात करते हैं तो आई का स्थापना कम हुआ था तो आई का जो स्थापना हुआ था ये उन्नीस में हुआ था इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वंशीगटन वा, डीसी में है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है उसके बाद बात करते हैं इसमें टोटल सदस्य देश की संख्या कितनी है तो सदस्य देश की संख्या एक है और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है तो अंडोरा है और इसके आईएमएफ के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है क्रिस्टीना जॉर्जिवा वर्तमान में इसके आईएमएफ के अध्यक्ष हैं तो ये कुछ पॉइंट हैं आईएमएफ के बारे में जिसे हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दक्षिण कोरिया की हॉकी टीम ने किसको पेनाल्टी शूट आउट में हराकर एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है तो इसका करेक्ट आंसर है जापान को हराकर अगला प्रश्न है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई अधिनियम उन्नीस की कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई अधिनियम उन्नीस की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी में मेट्रो की उनसठ किलोमीटर लंबी कौन सी लाइन पर चालक रहित ट्रेन संचालन शुरू किया गया है तो डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में मेट्रो की उनसठ किलोमीटर लंबी पिंक लाइन की चालक रहित ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२२ का पुरुष एकल किताब किसने जीता है तो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन दो का अगला प्रश्न देखिए छ नंबर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल के विजेता ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इसलिए बाटी ने किसे हराकर यह खिताब जीता है तो डेनियल कॉलिंस को हराकर इसलिए बाटी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है अगला है सरकार ने बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में क्रिप्टो करेंसिंग पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है तो सरकार ने बजट जो सत्र जो अभी इक्कीस बाईस आया था उसमें क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले आय पर तीस प्रतिशत का टैक्स लगाया है अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी तो क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक मुद्रा का मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना था फर्स्ट देश जो था वो अल सलवाडोर था कौन सा अल सलवाडोर एंड सेकेंड अभी फिलहाल में जो मान्यता दिया है वो देश आपका है ये देश अफ्रीकी गणराज है कौन सा अफ्रीकी गणराज और बिटकॉइन का खोज किसने किया था तो सतोशी सतोषी नाको तोम जो है वो जापान के थे उन्होंने बिटकॉइन का खोज किया था उसके बाद देखिए आठ नंबर प्रश्न है आठ नंबर प्रश्न है कि डियांगो गास्त्रिया कहाँ स्थित है डियांगो गास्त्रिया जो है ये स्थित है हिंद महासागर में आठ नंबर का प्रश्न आंसर ए हो जाएगा अगला प्रश्न देखिएगा कि सुमेलित कीजिए सबसे पहले सुमेलित करना है क्षेत्र दिया हुआ है और जनजाति सहारा जनजाति जो है ये कहां होती है तो सहारा जनजाति बद्दू कल्हारी बुशमैन कांगो नदी घाटी पिग्मी और नील नदी की घाटी फिलहाल तो ये आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस नंबर प्रश्न है कि एशिया और यूरोप की सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है एशिया और यूरोप की सीमा जो है वो बनाती है कांकेकस की पर्वत कौन सा कांकेकस पर्वत श्रृंखला बनाती है धारवार क्रम की चट्टाने मूलता है अग्नि चट्टान धारवान क्रम की धारवार क्रम की जो चट्टान होती है वो मूलतः अग्नि चट्टान होती है अगला प्रश्न देखिए बारह नंबर लक्ष्मण कुंड कहाँ अवस्थित है तो लक्ष्मण कुंड जो है ये अवस्थित है आपका मुंगेर में लक्ष्मण कुंड मुंगेर में अवस्थित है तेरह नंबर प्रश्न है बनावट के आधार पर बिहार को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है तो बनावट के आधार पर बिहार को जो है वो तीन भौतिक प्रदेश में बांटा गया है जिसमें पहला आपका हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय पथा उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग और उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसे सोमेश्वर की श्रेणी का हिस्सा कहा गया है और दूसरा आपका हो जाएगा मध्य का विशाल मैदान दूसरा क्या हो जाएगा मध्य का विशाल मैदान और तीसरा आपका हो जाएगा दक्षिण का पहाड़ी किनारा दक्षिण का पहाड़ी किनारा ये तीन जो है बिहार के भौतिक प्रदेश में बांटा गया है है नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है मिंता का लद्दाख सुमेलित है रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सुमेलित है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है ये भी सही है सेला उत्तराखंड ये आपका सुमेलित नहीं है ये सेला जो है ना ये उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में से शिला स्थित है अगला प्रश्न है पंद्रह नंबर निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं लिंबू सिक्किम बोंडा तमिलनाडु डोंगारिया कोंद उड़ीसा करबी असम तो बोंडा भी है ये भी आपका उड़ीसा का ही है ठीक है तो ये बोंडा जो है ये तमिलनाडु का ये आपका गलत दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है तो ए सी और डी यानी कि एक तीन और चार जो है ये आपका सही सुमेलित दिया हुआ है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी सोलह नंबर प्रश्न देखिए केरल का कुट्टानाड जिला में विस्तृत भूभाग भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो केरल का कुट्टानाड़ जो है ये जिला में विस्तृत भूभाग भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और ये क्षेत्र जो है धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अगला है मणिपुर की पहाड़ी से घिरा इम्फाल वेसीन एक सुंदर उदाहरण है तो इम्फाल वेसीन जो है किसका सुंदर उदाहरण है तो ये आपका हो जाएगा सरोवरी मैदान का मणिपुर पहाड़ियों से घिरा है इम्फाल वेसीन और यह जो है सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है अठारह नंबर प्रश्न देखिए भारत की निम्नलिखित नदियां में से कौन हिमाचल की सभी श्रेणियों को काटती है तो चिनाब नदी जो है ये हिमाचल की सभी श्रेणियों को काटती है उन्नीस नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट भेजता है राज्यपाल के पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बीस नंबर देखिए निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है तो सेना से संबंधित जो अधिकार है ये राज्यपाल के पास नहीं होता है क्योंकि सेना का जो प्रधान होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और ये तीनों सिधा के प्रधान होते हैं और ये देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं राष्ट्रपति अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को जो नाम से जाना जाता है वो हो जाएगा महाप्रयाण घाट ऑप्शन नंबर डी अब बात करते हैं नारायण घाट नारायण घाट जो है ये गुलजारी लाल नंदा का है गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट उदय भूमि जो है ये के आर नारायण का है के आर नारायण का है उदय घाट कर्म भूमि ये है शंकर दयाल शर्मा का शंकर दयाल शर्मा का है कर्मभूमि अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं तलाक जल वशीहत इनमें से कोई नहीं ये जो है इनमें से कोई नहीं ये मामले उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार में नहीं आते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की थी तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीमल सिंधवी ने लक्ष्मीमल सिंधवी ने जो है पंचायती पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की थी अब बात करते हैं जेवी केराव समिति जेवी के राव समिति का जो गठन किया गया था ये 25 मार्च 25 मार्च उन्नीस को इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं गरीबी उन्मूलन से, से, से इस समिति का संबंध था बात करते हैं अशोक मेहता समिति अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था दिसंबर 1977 में 1977 में इसका गठन हुआ था और अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने से संबंधित है क्योंकि जब बलवंतराय मेहता समिति को लाया गया था तो उसमें बहुत सारी कमी था जिसे पूरा करने के लिए अशोक मेहता समिति को लाया गया था अब बात करते हैं फजल अली समिति फजल फजल अली जो इसका गठन किया गया था ये किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है फजल अली आयोग और इसका गठन बाईस दिसंबर उन्नीस को किया गया था जो भाषाई आधार पर राज्य का जो राज्य जो पुनर्गठन हुआ था उसी के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था उसके बाद है 24 नंबर निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन बेरोजगारी की माप के लिए हुआ था तो बेरोजगारी की माप के लिए जो आयोग का गठन हुआ था वह आयोग है आपका भगवती आयोग निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान के निर्माता डॉ बी.आर अंबेडकर की मृत्यु हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी ये 6 दिसंबर उन्नीस को हुआ था और इनका जन्म जो है ये कब हुआ था तो 14 अप्रैल 14 अप्रैल उन्नीस सॉरी अठारह को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में ठीक है ये इनका जन्म हुआ था और भीमराव अंबेडकर की अभी एक सौ इकतीसवीं जयंती मनाई गई है कब चौदह अप्रैल को और इन्हीं के नाम से स्टेचू ऑफ नॉलेज का निर्माण महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है लातूर में ठीक है उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है छब्बीस नंबर यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है वह अधिकार कौन सा है तो जब मत बराबर की अवस्था में होती है तो वह उपाध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के मतदान कर सकते हैं सताइस नंबर देख लीजिए अब सताईस नंबर देखिए कि किस सॉरी देश के किस राज्य के सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था तो देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन बना था तो बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन बना था अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है तो भारतीय राजनीति की व्यवस्था में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च है वो है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग का पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ है तो बिहार के पटना जिले से पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत प्राप्त हुए हैं अगला प्रश्न है लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए ने बिहार के परमेश्वर लाल को उपाध्यक्ष बनाया था लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए भी दादा भाई नेहरू जी, ने तो जी ने अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है तो भक्ति शब्द का जो सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है स्वेताम उपनिषद में श्वेताम स्वरो उपनिषद में बात करते हैं मुंडको उपनिषद यहाँ से सत्यमेव जैते जो है है लिया गया है। सत्यमेव जैते कहाँ से लिया गया है मुंडको उपनिषद से कंटको उपनिषद उपनिषद क्या है ये जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और बात करते हैं वृद्ध अरनायक उपनिषद ये जो है शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है और इसके इसके जो रचयिता थे वो वैदिक ऋषि थे अगला प्रश्न देखते हैं बत्तीस नंबर दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की तो दीवाने अर्ज विभाग का स्थापना ने किया था अगला प्रश्न है सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है तो सासाराम शैली ये बिहार में है सासाराम शेरशाह का, का मकबरा भी बिहार के सासाराम में स्थित है और ये जो है अफगानी शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है अगला प्रश्न है पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत कौन आया था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो था यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था 1857 की क्रांति के वक्त निम्न लोगों में से किसे महकपरी के नाम से जाना जाता था तो 1857 की क्रांति के वक्त जो है बेगम हजरत महल को महकपरी के नाम से जाना जाता था बंगभंग आंदोलन के विरुद्ध में किस समिति का गठन किया गया था तो बंगभंग आंदोलन समिति के सॉरी बंगभंग आंदोलन के विरुद्ध में जो समिति का गठन किया गया था वो समिति था अनुशूलन समिति असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था तो असहयोग आंदोलन के समय बिहार की महिलाओं ने चरखा समिति का गठन किया था अगला है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई तो काला शोक जो था वह पाटलिपुत्र को पूरा राजधानी बनाया और तब से लेके अभी तक मगध सम्राज की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई और कालासो के शासन कालासो के के शासनकाल में जो है ए, एक कुछ और भी हुआ था जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे और वो किससे संबंधित है ये भी बताएंगे उसके बाद ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है तो ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है इसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है चंदन कास्टा पौधा आंशिक मूल परजीवी सही है कस्कुट्टा एक प्रजीवी है नेपंदीच मांसाहारी है छत्रक स्वपोशी ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है छत्रक जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि मशरूम का हम लोग सब्जी खाते हैं एज ए लाइक वैसे उसी as, उसी तरह के कया दिखता है छतरक और ये जो है खास करके आपको बरसात के दिनों में देखने को मिलेगा और ये ज्यादातर आपको किसी पेड़ के ऊपर बरसात के दिनों में निकल आता है जो व्हाइट वाइट छत्ता के जैसा होता है या फिर गोबर का जो ढेर होता है उस पर देखने को मिलता है तो ये अपना भोजन स्वपोषी यानी खुद नहीं बनाता ये दूसरे पर डिपेंड रहता है इसलिए ये स्वपोषी नहीं है अगला होगा कि निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्व मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है तो एक तो कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस अगर ये दोनों मूल तत्व हमारे शरीर में कमी हो जाता है तो हमारा हड्डी जो है वो कमजोर हो जाएगा तो ऑप्शन ए इसका कोरक्ट आंसर है अब आगे बात करते हैं डीएनए दो स्टैंडर्ड बंधे होते हैं तो डीएनए जो डबल बाउंडेड होता है उसमें हाइड्रोजन बाउंड से जुड़ा होता है डीएनए हमारा हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है यानी डबल बाउंडेड होता है अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्राणियों में से तीन जोड़ी पैर वाले प्राणी चुनिए तो तीन जोड़ी यानी पैर किसका होता है खटमल का होता है निम्नलिखित में, से कौन सा पत्ते के हरे में होता है? तो पत्ते के जो, पत्ता में जो हरा होता है वर्णक उसमें मैग्नेशियम होता है अगला प्रश्न है ट्राइटियम में ट्राइटेरियम सॉरी ट्राइटियम में प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह एक तो प्रोटोन हो जाएगा और दो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा ट्राइटियम में तो ऑप्शन नंबर इसका तो प्रकाश ऊर्जा और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है जब तापदीप्त बल्ब दीप्तमान होता है तब अगला प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ का ऊर्जा में पदार्थ जो है ऊर्जा में बदल सकता है तो आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ जो है ये ऊर्जा में बदल सकता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है तो विकृति का जो है वो कोई मात्रक नहीं होता है वल का होता है प्रतिवल का होता है और दाब का भी होता है उसके बाद नावकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है तो नावकीय विखंडन जो है ये जो होता है न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात कितने तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छप्पन तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में वरु व्यवस्थित किया था हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हाबरा कलका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है तो हाबरा कलका मेल का नाम बदलकर जो रखा गया है ये रखा गया है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जुलाई 2021 में किसने पांचवी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो पांचवी बार बने हैं उनका नाम है शेर बहादुर देउबा जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है तो मलेरिया मुक्त जो हाल ही में घोषित किया गया है ये किया गया है चीन को ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है और यह डब्ल्यू ओ के द्वारा कहा गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पी द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल पीसीस इंडेक्स में भारत का स्थान जो प्राप्त हुआ है वो एक स्थान प्राप्त हुआ है अगला देखते हैं पचपन नंबर हाल ही में चीन की नई पंचवर्षीय योजना में किस नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा यारलुंग जांगबो नदी का हाल ही में चीन की नई पंचवर्षीय योजना में यारलुंग जांगबो नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है वर्ष 2021 में किए गए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो कलिंग रत्न पुरस्कार से वर्ष 2021 में किसे सम्मानित किया गया है तो विश्वभूषण हरिश्चंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया जम्मू कश्मीर में कौन सी झील या झीलें संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जानी है तो कौन सी झील है जम्मू कश्मीर का जिन्हें संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बेरीनाग झील हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित नहीं किया गया तो बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया इसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि किसे सम्मानित किया गया तो यान मार्टल को मारिको मारिके लुकास को और जोखा अलहार्थी को इन तीनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दो में डेविड डायोप को सम्मानित नहीं किया गया अगला प्रश्न है हाल ही में हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिमाचल प्रदेश में ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किया है तो हिमाचल सबसे पहले तो ब्रज प्रहार जो है ये भारत का सैन्य अभ्यास था और हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया अब पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है तो भारत ने जो है ये अमेरिका के साथ मिलकर ब्रज प्रहार का आयोजन किया सॉरी ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किया है उसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए जो चुना गया है वो है आपके अनायमिका और 2021 में किन्हें चुना गया है ये कमेंट करके बताएंगे अगला प्रश्न है बिहार में चलो ऐप किससे संबंधित है तो बिहार में जो चलो ऐप का संबंध है ये परिवहन से है हाल ही में किस देश के सरकार ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप को निर्माण ऊर्जा द्वीप को निर्माण को मंजूरी दी है तो हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने जो है यह ऊर्जा द्वीप को ऊर्जा द्वीप निर्माण को मंजूरी दी है निम्न में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है बाकी सेना प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल ये सभी वो होते हैं कौन राष्ट्रपति उसके बाद है संविधान सभा में मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे ये हैं आपके जे.वी. कृपलानी थे अगला प्रश्न है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है तो सबसे पहले ये देखते हैं किसके लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए राज्य विधानसभा में कौन सी जाति की बात कर रही है तो ये जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 333 का प्रावधान है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है तो आर्टिकल जो है 300 सॉरी आर्टिकल 39 49 का ए ये जो है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है आर्टिकल 39 का ए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी यह किया गया था 9 दिसंबर उन्नीस को वो विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो करता है उसे सम्बरती सूची में रखा गया है ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और अवशिष्ट सूची वैसा जो इमरजेंसी में या फिर कुछ चीज़ जो नया होता है उसके लिए अवशिष्ट सूची खाली होता है अगला प्रश्न है शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे सम्बरती सूची स्थानांतरित किया गया तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था तो ये जो संविधान बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे सम्बरती सूची में स्थानांतरित किया गया दल परिवर्तन विरोधी विधेयक को किस राज्य में उन्नीस में ही अधिनियमित कर दिया गया था? दल परिवर्तन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर दल परिवर्तन विरोधी विधि को जम्मू कश्मीर राज्य में उन्नीस सौ ईस्वी में ही अधिनियमित कर दिया गया था आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने दिन के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक माह के अंदर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य में खेच खेच पालड़ी झील नामक संरक्षित जैव विविधता क्षेत्र स्थित है खेच पालड़ी झील और यह एक संरक्षित जैव विविधता क्षेत्र है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में है खेच खेचपलाड़ी सॉरी खेच पालड़ी झील नामक संरक्षित जैव विविधता क्षेत्र अगला प्रश्न है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये जो है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की विटवाटेंड ये जो है श्रेणी स्थित है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मैक्सिमम सिटिंग कोर्स किया गया ये कौन सी नदी का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी का सबसे ज़्यादा जो है ये अपनी दिशा परिवर्तित करता है उसके बाद है उसने कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल कैक्टस आदि वनस्पति को क्या कहा जाता है तो उसने कटिबंधीय मरुभूमि में मिलता है बबूल और कैक्टस इस वनस्पति को जो कहा जाता है वो जीरो फाइटा का जीरो फाइट कहते हैं अगला है हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो पहाड़ी को आपस में जोड़ती है तो हरमुज जल संधि जो है ये जोड़ती है आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हरमुज जल संधि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा गया है तो कौन सा दर्रा है भारत जिसे भारत चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा गया है तो दीफू दर्रा जो है इसे भारत चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय दर्रा कहा गया है दीफू दर्रा कांगर घाटी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है तो कांगर घाटी नेशनल पार्क जो है ये अवस्थित है आपका छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है तो विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील जो है ये अवस्थित है आपका वृद्ध हिमालय और पीड़पंजाल के बीच निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संसाधन अवस्थित तो है तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संसाधन जो अवस्थित है ये अवस्थित है हैदराबाद में अगला प्रश्न है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है विश्व में वो किस नदी पर है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्रा पर ब्रह्मपुत्रा पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है अगला है राज के लेखक कलहन के समय शासक था तो राजनी के लेखक कौन है कलहन और इसमें जो इसके सा, इसके साथ समय के शासक कौन थे तो इसके समय शासक थे गोविंद चंद्र निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है तो बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भास्कर को जाना जाता है पचासी नंबर प्रश्न देखिए चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया तो चोल सम्राज को अंततः किसने समाप्त किया था तो चोल सम्राज्य को मलिक काफूर ने अंततः समाप्त कर दिया था अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध तो था, था बुद्ध प्रतिमा के लिए अगला है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है तो मगध का जो अपरो परशुराम से सम्राट जाना जाता था, था वो सम्राट है आपका महापदम नंद जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है पांच रात्र का संबंध है पांच रात्र का सर संबंध है वो किससे है तो पंचरात्र का संबंध भगवत संप्रदाय से है नवासी नंबर प्रश्न है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है तो समाधि मरण का जो संबंध है ये हो जाएगा आपका जैन दर्शन से बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया था वो दिया था कहाँ पे श्रावस्ती में अगला प्रश्न है और सबसे पहले कहाँ दिए थे तो राजगिरी में उसके बाद है ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो था आपका ब्राह्मी लिपि आर्य शब्द इंगित करता है तो आर्य शब्द जो है यह इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य जो है प्रकीर्णन के कारण निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है तो सागर में पाया जाने वाला जो लवण है सबसे ज़्यादा वो लवण है सोडियम क्लोराइड अगला प्रश्न है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा तो इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है अब 96 देखते हैं 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है म्यूजियम म्यूजिक म्यूजिक कंस्ट्रक्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है ध्वनि के अवशोषण करना चाहिए इसका करेक्ट आंसर डी हो डी हो जाएगा म्यूजिक कंस्ट्रक्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए अगला प्रश्न है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा तत्व है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तत्व है आपका फॉस्फोरस जो हमारे शरीर में अम्लीयता और छाड़ियता के बीच को संतुलन बनाए रखता है घड़ी के स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है तो घड़ी के स्प्रिंग में जो संरक्षित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है नाइन्टी नाइन नंबर प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है तो एच टू जो है ये पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। है। अब सेट नंबर तो यहां से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 216 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया तो सबसे पहले स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का संबंध किससे है संत रामानुचार से है और इसका उद्घाटन जो किया गया है हैदराबाद में पी मोदी के द्वारा किया गया है जो कि दो फीट की ऊँची होगी उसके बाद है वेल्लोर झील तितलियों का हॉटस्पॉट बन गया किस राज्य में स्थित है तो वेल्लोर झील जो है ये तितलियों का हॉट स्पॉट बन गया है और यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है अगला प्रश्न है तीन नंबर दुनिया के सबसे बड़ी नहर लॉक का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया तो दुनिया के सबसे बड़े नहर लॉक का उद्घाटन जो है यह किया गया है नीदरलैंड में अगला प्रश्न है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये स्थापित किया जा रहा है बनाया जा रहा है लखनऊ में ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है हाल ही में नेताजी अवार्ड 2022 की घोषणा की गई यह अवार्ड किसे दिया गया तो ये अवार्ड सिंजो आवे को दिया गया जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उसके बाद है 16 जनवरी 2022 को किस राज्य ने कोक बोरोक दिवस मनाया है तो 16 जनवरी को सबसे पहले ये देखिए कि 16 जनवरी को, को कोक बोरोक दिवस मनाया गया है और कोक बोरोक दिवस जो है ये किस राज्य ने मनाया है तो ये ये राज्य का नाम है आपका ये राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा और कोक बोरोक जो है वहाँ का मूल भाषा है कहाँ का त्रिपुरा का और उसी से संबंधित है ये कोक बोरोक दिवस अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अगला प्रश्न है, है कर्पूरी ठाकुर के संबंध में क्या सही नहीं है तो कर्पूरी ठाकुर के संबंध में जो सही नहीं है वो पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है बिहार के द्वितीय उप मुख्यमंत्री थे सही दिया हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे ये भी सही दिया हुआ है आपको ढूंढना है सही नहीं है तो ये सही दिया हुआ इसका थे। जन जन नायक के नाम से प्रचलित थे ये भी सही है संविधान सभा के सदस्य थे ये कथन जो है आपका सही नहीं है कपूरी ठाकुर का संबंध संविधान से नहीं था अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर संबंधित है तो ग्रीन मफलर जो है यह संबंधित है आपका किससे ध्वनि प्रदूषण से अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए तो सबसे पहले कोट में दिया हुआ है बाल को हीरा कोट, हिंडाल को कोरबा इंडियन एल्युमिनियम कोरापुट और नाल को कहाँ पे है रेणुकूट में तो आपको सही उत्तर चुनना है तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि बाल को ये कहाँ है बाल को कोरबा में हिंडाल को, हिंडाल को जो है ये आपका हो जाएगा रेणुकूट में और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये कहाँ पे है तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड में और नालको की कंपनी कोरापुट में है नालको कहाँ पे है कोरापुट में तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा अगला देखते हैं सूची एक को सूची की दो के साथ सुमेलित कीजिए सूची एक में दिया हुआ है फेस्टिवल और किस राज्य में मनाया गया ये दिया हुआ इसे मिलान करना है तो सबसे पहले देखिए चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम जो है ये केरल में मनाया गया काल वैशाखी ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में बोरोई दो सॉरी बोरदोई शिला बोरदोई सिला जो है ये मनाया गया असम में और आम्र बौछार ये गोवा में तो आपका सभी सुमेलित है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है निम्नलिखित में से किस देश में ब्लैक पर्वत का विस्तार है तो ब्लैक पर्वत का जो विस्तार है ये आपका हो जाएगा कहाँ पे यूएसए में ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है तेरह नंबर प्रश्न है हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है तो हिमालय की जो चोटी नेपाल में स्थित नहीं है वो आपका है कामत मकालू अन्नपूर्णा माउंट एवरेस्ट सभी नेपाल में स्थित है फोबोस और डायमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं तो फोमोस और डायमोस जो है ये दोनों किसके उपग्रह हैं तो ये दोनों जो हैं आपके मंगल का दो उपग्रह है फोमोस और डायमोस चंद्रयान टू के लैंडर का नाम क्या है तो चंद्रयान टू के लैंडर का नाम है विक्रम निम्नलिखित में से कौन सा वनजीव अभ्यारण बिहार में स्थित है तो बिहार में जो स्थित है वनजीव अभ्यारण वो आपका हो जाएगा एक तो बाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है फिर राजगीर वनजीव अभ्यारण्य और कैमूर बनजीव तीनों जो है आपका सही हो जाएगा ये तीनों वनजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है एस एस डी का पूर्ण रूप क्या है एस एस डी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव एस एस डी का फुल फॉर्म है निम्नलिखित श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है तो भूरा कोयला जो है ये कहा जाता है लिंगनाइट कोयला को उन्नीस नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है तो राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जो जारी करता है ये राज्यपाल करता है भारत के संविधान में संवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है तो सूची का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी तो यह जो अस्तित्व में रही थी तीन वर्ष एक माह सोलह दिन तक भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है तो संघवाद जो है ये कनाडा से लिया गया है अगला प्रश्न है तेईस नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है तो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किस चीज़ को सुरक्षित करना है तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है जिस जिन लोगों को भारत की प्रस्तावना याद होगा उन्हें याद होगा कि व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता ये जो है सुरक्षित करना है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की आयोगता के संबंध में निर्णय लेता है तो संसद सदस्यों की आयुक्ता के संबंध में जो निर्णय लेता है वो आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की आयुक्ता के संबंध में निर्णय लेते हैं अनुग्रह नारायण सिंह के संबंध में क्या सही नहीं है तो अनुग्रह नारायण सिंह के संबंध में जो दिया है सबसे पहले संविधान सभा के सदस्य थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे यह कथन आपका सही नहीं है बिहार के वो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे और बिहार विभूति के नाम से इन्हें जाना जाता था अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा जिनकी नियुक्ति नहीं की जाती है वो है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के बाकी मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद मुख्य निर्वाचन आयोग सब ये राज्यपाल के अंदर होते हैं अगला प्रश्न है कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है तो ऑपरेशन ग्रीन को जो कार्यान्वित करता है वो आपका हो जाएगा एन ए एफ ए डी उसके बाद है एन एफ डब्ल्यू पी का तात्पर्य है एन एफ डब्लू पी का क्या तात्पर्य है तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है एन एफ डब्ल्यू पी का नेशनल फूड फॉर प्रोग्राम वर्क प्रोग्राम निम्नलिखित में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा आर आर बी कृषि अर्थ प्रबंध ये जो है आपका बिल्कुल सही है हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था कब हुआ था तो हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ था ये नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय हुआ था मगध के किस शासक ने पंचाल कोसल कुरु सुरसेन महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिलाया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापदम ने मगध शासक था या महापदम इसने पंचाल कौशल कुरु और सुरसेन महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिला लिया बत्तीस नंबर प्रश्न है चोल के किस अभिलेख से उनके स्थानीय स्वैत्त शासन के बारे में जानकारी मिलती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर चोल का जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उनमें से स्थानीय स्वैत् शासन के बारे में जानकारी मिलती है मुगल में मजनू तथा उसके साथ एक मरियल की से घोड़े को भटकते हुए चित्र को किसने बनाया तो मुगल काल में मजनू तथा उसके साथ एक मरियल से घोड़े को भटकते हुए चित्र बनाया था वो थे आपके बशावन अगला प्रश्न है लंदन से इंडियन सोशलिस्ट सोशलियो सॉरी सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था तो लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन जो किए थे वो किए थे आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तो दिया हुआ है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम अठारह ये जो है लॉर्ड लिटन के समय में उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम उन्नीस ये जो हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन इसका हो जाएगा फिर देखिए भारतीय काउंसिल अधिनियम उन्नीस ये जो हुआ था आपका लॉर्ड मिंटोन के समय में और रॉलेट अधिनियम लॉर्ड जेम्स फोर्ड के तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णाकुलर प्रेस अधिनियम यह हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम उन्नीस ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन भारतीय काउंसिल अधिनियम उन्नीस ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो और रॉलेट अधिनियम उन्नीस ये हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड अगला है एक सॉरी हाँ एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा सुक्ति उल्लेखित है एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा सुक्ति उल्लेखित है किसमें तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छंद को उपनिषद में एक एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा सुक्ति उल्लेखित है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म ए तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो बौद्ध और जैन में जो दोनों में समान जो नहीं है वो है आपका आत्मदान मतलब आत्मा से संबंधित जो है ये समान नहीं है निम्नलिखित में से किसे सॉरी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहल हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की वो था आपका बहलोल लोदी ने ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल उन्नीस को प्रथम नौजवान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया तो नौजवान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान राम सिंह ने किया है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है ये लड़ा था कुली कुतुम साकेत के साथ निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है तो दिया हुआ है ऑप्शन कबक विषाणु जीवाणु और सोबाल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु जो है वो दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है उसके बाद है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक समानता प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका केबेल आर जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है पैंतालीस नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्निश अग्निशय द्वारा श्रावित होता है तो अग्नाशय के द्वारा जो श्रावित होता है वो आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है तो जब हम किसी धनुष से तीर को छोड़ते हैं तो धनुष की जो स्थिति ऊर्जा होती है ये बदल जाती है गतिज ऊर्जा में पैंतालीस नंबर है क्षारीय धातु का आधुनिक आवर सारणी में कौन से समूह में रखा गया है तो छाड़ीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में जो रखा गया है ये रखा गया है आपका पहला समूह में निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है तो प्रोटीन फैक्ट्री जो कोशिका को कहा जाता है वो आपका राइसोसोम है राइसोसोम को कोशिका का ए, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सोसाइटर वेग ऑफ द सेल क्या हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा और एनर्जी के लिए किसने माइक्रोकॉन हो जाएगा अगला प्रश्न है मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है तो मनुष्य में पाए जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है वो है आपका हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है तो कौन सा फसल जो है वो गरीब का मित्र है तो आपका आलू जो है ये फसल को गरीब का मित्र कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन डी पर आधारित वैक्सीन है तो डी पर आधारित कोविड नाइन्टीन वैक्सीन जो है ये है आपका जैकोव डी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कम मनाया जाता है, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है हाल ही में सरकारी सेवाओं को, को एक प्रतिशत आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना तो भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक जो ट्रांसजेंडर को एक प्रतिशत आरक्षण दिया है सरकारी सेवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक सबके लिए आवास की कल्पना की गई है तो आवास की कल्पना जो की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये किया जाएगा 2022 तक समाचारों में चर्चित मिशन सहाकार 22 है तो समाचारों में चर्चित मिशन सहाकार 22 जो है इसका संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करना इससे संबंधित है पदमा सचदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी पद्मा सचदेवा तो इनका जो संबंध था वो डोंगरी भाषा के कवित्री थी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन टू जीरो का जीरो का शुभारंभ कम किया गया तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट फ्रीडम रन टू जीरो का शुभारंभ जो किया गया ये किया गया है तेरह अगस्त को सुजलाम अभियान का संबंध है तो सुजलाम अभियान का जो संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से है हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन में ध्वजवाहक समारोह में ध्वजवाहक जो थे उनका नाम था टेकचंद। सतत विकास 2021 में शीर्ष कौन सा देश है तो सतत विकास 2021 में शीर्ष स्थान जो मिला है वो फिनलैंड को मिला है अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता तो भारत ने ओलंपिक में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक उन्नीस सौ अट्ठाईस ईस्वी में जीता था जून 2021 में अधिसूचित असम के सातवें राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है तो असम के सातवें राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है सर्वप्रथम अमेरिका में जन्म लिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाए लागू किया गया था तो आर्टिकल तीन सौ छप्पन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम जो लगाया गया था पेप्सू पंजाब में लगाया गया था संसदों की आयोगता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है तो संसदों की आयोगता संबंधित विवाद पर जो निर्णय देता है वह देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस एक सॉरी निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है तो किसका संरक्षण जो है वो भारतीय नागरिक संबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन्य प्राणी का वन्य प्राणी का जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है उसके बाद प्रश्न है प्रश्न है पैंसठ नंबर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ऑप्शन नंबर ए इसका कोेक्ट आंसर है छियासठ नंबर प्रश्न देखिए कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी तृतीय क्षेत्र का अंश है तो ये क्या होता है तो जीडीपी का अंश जो है ये बढ़ता है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है तो भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का जो आधार है ये है आपका उपभोक्ता मूल सूचकांक राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है यह पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन जो है यह मिस्र का है किसका है समुद्र पतन मिस्र का है निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है तो संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है यह है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर काली मंतान जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है तो काली मंतान किस द्वीप का अंग है तो यह हो जाएगा आपका बोर्नियो का दुनिया का सबसे बड़ा यानी ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा पहले ग्रीनलैंड है इसके बाद कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका पापुआनी विश्व का सबसे बड़े घने वन विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन जो है ये हो जाएगा आपका कहाँ ब्राजील में भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं तो भूमध्य रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं वो बन, उस वन उष्ण कटबंधीय वन होते हैं नाम्रदा एव, नर्मदा एवं नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का मध्य स्थित है तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो स्थित है वो स्थित है आपका सतपुरा श्रेणी उत्तर भारत उप, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है तो उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र में सहार... के सहारे के फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। भावर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है तो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है वह है आपका त्रिपुरा हिमालयी पर्यावाची है तो हिमालयी जो है ये मध्य हिमालय का पर्यावाची है भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती है तो तीन देश ये जो है किस प्रदेश की सीमा या तीन देश से मिलती है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम सिक्किम से जो है नेपाल भूटान और चीन की सीमा लगती है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है तो भूस्ट किस भारतीय राज्य की सीमा जो है भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है तो यह है आपका मेघालय के साथ नहीं लगती है भारत का सिंदूर पश्चिम का बिंदु है तो भारत का सिंदूर पश्चिम का बिंदु है कितने डिग्री में कितने डिग्री राज्य में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अड़सठ डिग्री सात मिनट पश्चिमी राजस्थान में भारत का सिंदूर पश्चिमी का बिंदु है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत उन्नीस से उन्नीस तक हुआ था 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था तो कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया था वारधा में चौदह जून उन्नीस को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन तो आचार्य जेवी कृपला ने भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंट को क्या सुझाया था कि वो तो भारत विभाजन के विकल्प में गांधी जी ने माउंट को सुझाया था कि वो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने ने किया था तो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव था किसने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाली तो हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए द मदरलैंड पत्रिका जो निकाला गया था ये पत्रिका निकाले थे मौलाना मजरूल हक सॉरी मौलाना मजरूल हक अगला प्रश्न है आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तो कब किए थे सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा तो उड़ीसा की दीवानी जो प्रदान किया यह किया था 12 अगस्त सत्रह तो को प्राचीन नगर तक्षशिला किस के बीच स्थित है तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो है यह किस नदी के बीच स्थित है तो ये जो स्थित है आपका सिंधु और झेलम के बीच स्थित है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है तो निरंजना नदी के तट पर जो बौद्ध स्थल स्थित है वो है आपका बोध गया फ्रांसिसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की तो फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती जो भेंट किया था ये किया था साइस्ता खाने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे उसके बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर संभाली थी वो रामचंद्र विद्यावागिस थे Osionfish. किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करती है तो जो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वह निर्भर करता है उसके परमाणु संख्या पर 95 नंबर है कि, कि किसी द्रव के वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है तो किसी द्रव के जो वाष्पीकरण का दर होता है यह निर्भर नहीं करती है द्रव के संपूर्ण मात्रा पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है तो जल प्रदूषण को मापने के लिए जो जांच की जाती है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी जांच की जाती है जल प्रदूषण को मापने हेतु बायो की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है तो बायो की गति जो है ये एनिमोमीटर के द्वारा मापी जाती है अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यार घिरना आदि का केंद्र है तो भूख प्यार आदि का जो केंद्र है ये हो जाएगा आपका हमारे मस्तिष्क में ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलामस अगला प्रश्न है कि पपीते में पीला रंग का कारण क्या है तो पपीते में पीला रंग होने का कारण जो है ये हो जाएगा कैरिका जेंथेन कैरिका जेन्थेन्थन जो है ये पपीता में पीला रंग होने का कारण है नीलगाय का संबंध किस कुल से होता है तो नीलगाय का संबंध जो है ये हिरण कुल से है तो ये यहाँ प्रैक्टिस सेट दो भी समाप्त हो गया अब अगला सेट नंबर आपका तीन है सेट नंबर तीन में देखिए सबसे पहला प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है सेट नंबर तीन में कि किस भारतीय संगठन या संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ किया है तो फास्टर को जो प्रारंभ किया है वो संगठन का नाम है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फास्टर को प्रारंभ किया गया है अगला प्रश्न है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है हाँ। तो वाकिंग विद वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो है अरुंधति राय ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है तो भारत में जय हिंद सेतु जो है ये कोलकाता में अवस्थित है अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव के बारे में वैश्विक जलवायु संकट सूचकांक यानी शॉर्ट में कहें इसको जीसी सॉरी जीसीआरआई 2021 में भारत किस स्थान पर था तो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव के बारे में वैश्विक जलवायु संकट सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है ये रहा है सातवां अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये दिया गया आपका एक तो दिया गया डेविड कार्ड को दूसरा दिया गया जेसुआ एंग्रिस्ट को और तीसरा दिया गया, गया गुंडो इम्बेंस को तो उपयुक्त में से सभी जो है इसका कॉरेक्ट आंसर है छठा नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक सुभाकर घोषित किया है तो केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को जो है ये नमामि गंगे मिशन के शुभाकर घोषित किया है नमामि गंगे को सुभा किसने घोषित किया है तो मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को उसके बाद प्रश्न है आपका सात नंबर यूएस ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच को, को हराकर निम्नलिखित में से किसने यह खिताब अपने नाम किया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनियल मेदबेद जो है ये नोवाक जोकोविच को हरा कर खिताब यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है यह स्थापित किया गया है तमिलनाडु में नौ नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है तो जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी ने बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है तो बिहार का प्रेमचंद जो कहा जाता है ये अनूपलाल मंडल को कहा जाता है अगला प्रश्न है ग्यारह नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में सॉरी निम्नलिखित में से किस राज्य में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है तो जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है वो राज्य है आपका तमिलनाडु यहाँ पे जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है भारत में, भारत में में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये हैदराबाद में अवस्थित है तेरह नंबर प्रश्न है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है तो श्वेत कोयला जो कहा जाता है जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है ये है आपका सिद्रपोंग सिद्रपोंग भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है तो शीतोष्ण घास का मैदान जो नहीं सवाना नहीं है शीतोष्ण सवान शीतोष्ण जो शीतोष्ण घास का मैदान सवाना नहीं है पम्पास वेल्ड डाउंस ये तीनों जो है आपका शीतोष्ण घास के मैदान है निम्नलिखित में से निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में निवास करती है तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जो जनजाति निवास करती है वो जनजाति है आपका रिंगमा। निम्नलिखित में से नदियां का कौन सा समूह गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की तरफ आकर मिलती है तो ये जो है कमला बूढ़ी गंडक बागमती ये सभी नदियां जो हैं ये नदियां नदियां का समूह है जो गंगा की उसकी सहायक नदी में उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं तो कौन कौन नदी है एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा एक तो कमला है दूसरा बूढ़ी गंडक है और तीसरा बागमती है अठारह नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ती नहीं पाई जाती है तो प्रवाल भित्ति जो नहीं पाई जाती है वो खंभात की खाड़ी है यहाँ पे प्रवाल भित्ती नहीं पाई जाती है निम्नलिखित में से कौन सा देश की सीमा ब्लैक सी से स्पर्श नहीं करता है तो ब्लैक सी से जो देश की सीमा स्पर्श नहीं करता है वो देश है आपका बेलारूस बेलारूस जो है ये ब्लैक सी से स्पर्श नहीं करता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था तो ये हो जाएगा आपका केशवानंद भारती बाद तिहत्तर में ये उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है तो ये आपका हो जाएगा एक तो वन दूसरा झील तीसरा नदी और चौथा वन्य जीव 22 का बीस आंसर का हो जाएगा यह समूह जो है भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। वन, झील, नदी और वन्य जीव निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद उन्नीस में नहीं है तो संविधान के अनुच्छेद उन्नीस में जो नहीं है यह है आपका कोई भी वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता यह आर्टिकल उन्नीस में नहीं दिया हुआ है आर्टिकल 19 में जो है वो बाक व्यक्ति की स्वतंत्रता संघ बनाने का अधिकार कोई वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार उसके बाद देखिए 24 नंबर संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना काटा कहा जाता है तो संविधान के भाग तीन को जो है वो भारत का मैग्ना काटा कहा जाता है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है तो राज्य के विधानसभा में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो होता है आपका साठ न्यूनतम साठ होता है उसके बाद है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे ये हैं आपके सरदार पटेल संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित आर्ट है आर्टिकल तिरपन के तहत आर्टिकल फिफ्टी थ्री किस दार्शनिक ने कहा कि मानव इस जगत में आज़ाद पैदा हुआ परंतु वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो ये जो कहे थे रूसो के द्वारा कहा गया था रूसो एक दार्शनिक था जिसके द्वारा कहा गया था कि मानव इस जगत में आज़ाद पैदा हुआ है परंतु अब जंजीरों में जकड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है तो क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व धार्मिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है तीस नंबर प्रश्न है एस्टेसिपिया सॉरी एस्टेस्योप्योली अध्ययन एस्टे अध्ययन है तो एस्टे जो अध्ययन है यह राजनीतिक दलों का अध्ययन है एस्टे इकतीस नंबर प्रश्न है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राज्यों का संपर्क था किससे जावा सुमात्रा से या ताम्र लेख से दर्शाया जाता है बिहार में मिले मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है तो बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख मिला है उसकी भाषा है प्राकृत ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है तैतीस नंबर प्रश्न देखिएगा भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी तो भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत जो किया गया था यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो सेकेंड के द्वारा मध्यकाल का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है तो मध्यकाल का प्रारंभ जो है यह जो है हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद माना जाता है निम्नलिखित में से कौन हॉलैंड शैली में निर्मित इमारत है तो हॉलैंड शैली में जो निर्मित इमारत है वो है पटना कॉलेज ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है छत्तीस नंबर प्रश्न है बेदरा का युद्ध सत्रह में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था सत्रह में और इसमें अंग्रेज जो पराजित किया था किसे पराजित किया था तो अंग्रेज पराजित किया था डजों को ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गैडूनेूल का संबंध किस राज्य से है तो विद्रोही नेता रानी गैडूनेूल का संबंध जो है ये हो जाएगा आपका मणिपुर से अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है तो ज्योतिबा फुले उन्हें बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को साबंधित किए सही है छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म का एक कलंक बताया यह भी सही है उन्हें दास्ता शीर्षक से एक पुस्तिका लिखी यह भी सही है उन्हें पुनः सार्वजनिक सभा का संस्थापना की तो दिया हुआ है कि कौन सा कथन जो है ज्योतिबा फुले से सही सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है कथन सही नहीं है अड़तीस का डी अगला प्रश्न है उनचालीस नंबर कि सती प्रथा सती प्रथा पर निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो सती प्रथा पर निषेध करने वाला पहला व्यक्ति जो था ये आपका था अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है चालीस नंबर कि निम्नलिखित में से कौन आर्य समाजी था तो आर्य समाजी इसमें से कौन थे तो लाला लाजपत राय जो थे वो आर्य समाजी थे अगला प्रश्न है कि मिथिन के जलने पर क्या होता है तो मिथेन के जलने पर क्या होगा मिथिन के जलने पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है ऑप्शन नंबर डी बयालीस नंबर प्रश्न देखिए कि बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं तो बारिश जब होता है तो मिट्टी की खुशबू जो तुरंत देखिएगा तो बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है उस टाइम मिट्टी की खुशबू का तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है पेट्री चोर पेट्रीचोर जो है मिट्टी की खुशबू को कहा जाता है बारिश के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक होता है विटामिन बी विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है और विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है तो कौन सा कथन औसत्य है तो इसमें जो बी है विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक होता है ये आपका कथन जो है असत्य है बाकी सभी सही है निम्नलिखित में से किसे या किन्े पादप की खाद पैक्ट्री कहा जाता है तो पादप की खाद पैक्ट्री कौन सी होती है पत्ता होता है लीफ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है तो वास्तविक सूर्यास्त या आभासी सूर्यास्त के बीच के लगभग का अंतर जो होता है उस दोनों के बीच के समय का अंतर जो होता है वो दो मिनट का होता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है एक्रोसोम बना होता है तो एक्रोसोम जो है वो गोलजी काय का बना होता है अगला है सैंतालीस नंबर निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर जो कर देती है वो फसल आपका मटर है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है घरेलू बिजली आपूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होती है तो घरेलू बिजली आपूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति जो होती है ये होता है पचास हज अगला प्रश्न देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें प्रतिरोध सूची सूची दो से मिलान करना है तो प्रतिरोध किसका प्रतिरोध का मात्र क्या होगा प्रतिरोध का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओम। ओम, प्रतिरोध का 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 विद्युत विद्युत प्रभाव प्रभाव हो जाएगा एम्पियर वल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का हो जाएगा वॉट फिर से प्रतिरोध का ओम विद्युत प्रभाव का एम्पियर और वल का न्यूटन और पावर का ओम ऑप्शन नंबर बीस का सॉरी ओम कहते हैं पावर का वाट ये इसका करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है पचास नंबर संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है संक्रमण तत्वों के लिए तो इनमें बाह्यतम कोशों में से दो अपूर्ण होते हैं ये जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है इक्यावन नंबर है हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल्य ध्येय वाक्य फास्टर हायर स्ट्रोंगर में परिवर्तन कर इनमें क्या नया शब्द जुड़ा गया है तो फास्टर हायर स्ट्रॉगर के बाद इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है वो है टुगेदर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में देशों और उन्हें प्राप्त स्वर्ण पदकों की संख्या को सुमेलित कीजिए तो देखते हैं सबसे पहले ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है तो इसमें सबसे ज्यादा जो पदक जीता है वो कौन सा देश है और पदक तालिका के हिसाब से इसे मिलान करना है तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि चीन चीन कितना पदक तालिका जीता है अड़तीस यूएसए का यूएसए के पास जो है ये हो गया आपका उनचालीस ग्रेटेन ग्रेट ब्रिटेन के पास जो है ये हो गया आपका बाईस और जापान के पास सत्ताईस है तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है तिरपन नंबर देखिए फरवरी 2021 में केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहाँ खोला गया तो केरल का पहला सॉरी केरल का पहल मानव मिल्क बैंक ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है तो ह्यूमन मिल्क बैंक जो है ये खोला गया है केरल के एर्नाकुलम में बालिकाओं के लिए पंख अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो बालिकाओं के लिए पंख अभियान का शुरुआत किया है मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है तो ये खंडवा में किया जा रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा में सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का स्थापना किया जा रहा है अगला है मई 2021 में संपन्न हुई विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता तो मार्क्स रेलवी ने 2021 का संपन्न स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है हाल ही में किस देश ने वीवीसी वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित कर दिया तो वीवीसी वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित कर दिया है वो है चीन किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है तो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत जो की गई है ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो चुना गया है ये क्वारंटाइन को चुना गया किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु गोविंद सिंह की पुत्रों के बलिदान को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है तो किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु गोविंद सिंह के सिख सॉरी सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्र के बलिदान को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश ने संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है इसका संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन से कोई धन विधायक प्रस्तावित हो सकता है तो कोई धन विधायक जो है ये प्रस्तावित हो सकता है कब जब केवल लोकसभा में धन विधायक केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची कितने विषय हैं तो भारत के संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची में भाषा संबंधित प्रावधान है और इसमें टोटल कितने भाषा हैं तो टोटल इसमें एक मिनट टोटल इसमें कितने भाषा हैं उनतीस भाषा हैं अगला प्रश्न है सॉरी भाषा नहीं विषय कितने हैं ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो ये याद रखिएगा कि उनतीस विषय हैं भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं उनतीस विषय हैं मेरे से मिस्टेक हो गया था मैंने भाषा इसे पढ़ने लगी थी सॉरी उसके बाद है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल एक सौ दस ये जो है धन विधायक को परिभाषित करता है आर्टिकल एक सौ दस पैंसठ नंबर प्रश्न है यदि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छ माह के अंदर तिहत्तर संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया है तो पंचायती राज के लिए प्रत्यक्ष मतदान का प्रावधान किया गया है तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से सबसे पहला सड़सठ नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान मंडल का अंग नहीं है तो राज्य विधान मंडल का अंग महाधिवक्ता जो है ये नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण और बिजली निर्माण जो है ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है तो हस्तक्षेप जो सरकार नहीं करती है वो बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति इनकम निम्नलिखित में से कौन सी काली मुद्रा का अर्थ है काली मुद्रा का अर्थ है कि यह अवैध आय है जिस पर कर नहीं दिया गया है उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ड एजर्ड बाजार से संबंधित है तो गिल्ड एजर्ड बाजार से संबंधित है यह है आपका सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने की अगला प्रश्न है आपका काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब घटित हुई तो काकोरी तो ट्रेन डकैती की घटना जो हुई थी ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी किस स्थल से नृत्य मुद्रा सॉरी नृत्य मुद्रा काशी मूर्ति प्राप्त हुई है तो किस स्थल से नृत्य मुद्रा काशी मूर्ति की प्रतिमा प्राप्त हुई है तो ये जो प्रतिमा मिला है मोहन जोधरो से विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है तो विश्व शांति स्तूप जो सबसे ऊंचा कहा गया है विश्व में यह जो स्थित है यह राजगीर में स्थित है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे अठारह की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो अठारह की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड कांग्रेस से 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो जारी किया था वो किए थे कुशाण ने अगला प्रश्न देखिए इक्यासी नंबर गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था तो गुप्त वंश का वह राजा जो हुनों पर आक्रमण करने से रोका था वो था आपका स्कंद गुप्त अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है और इंडिका के लेखक कौन है मेगा मे, हाँ, उसके बाद है, सर विलियम जोन्स ने निम्न में से सबसे पहले किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वह किए थे अभिज्ञान शकुंतलव का ऑप्शन नंबर सी इसका कोरेक्ट आंसर है मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादत खां जो था ये मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था निम्न सॉरी किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा की राजधानी बनाया तो कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो निन्नोडी कुन्हा था निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडवान और निकोबार द्वीप की मूल निवासी नहीं है अंडवान निकोबार द्वीप की मूल निवासी जनजाति नहीं है वो है आपका रिंगमा बाकी जारवा ओनजे सेमपोन सभी जो है अंडवान निकोबार की है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है तो भारत के पश्चिमी तट पर जो झील स्थित है वो झील है आपका अष्टमुदी पिघलते हुए हिमनद द्वारा मिश्रित तो रूप से भारी व महीन पदार्थ का निक्षेप कहलाता है तो पिघलते हुए हिमनद द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थ का निक्षेप जो कहलाता है वो हिमोड कहलाता है हिमोड भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है तो भारत में सर्वाधिक जो वनों का विस्तार है वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में मृदा का सबसे व्यापापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है तो भारत में मृदा का सबसे व्यापापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार जो है ये है आपका जलोढ़ मृदा इक्यावन नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी एक तो आपका हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी ये छह नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं कौन कौन है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी और नामदा और ताप्ती जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती अरब सागर में गिरने वाली मात्र ये दो नदी हैं उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो कृषि क्रांति जो उपनाम दिया हुआ और उत्पादन दिया हुआ है तो गोल क्रांति का संबंध जो है गोल क्रांति का संबंध किससे है तो ये हो जाएगा आपका करा है सुमेलित नहीं है गोल क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन ये आपका सही नहीं है दूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन बदामी क्रांति मसाला उत्पादन सभी सही है ऑप्शन ए को छोड़ के तो ऑप्शन ए को छोड़ के सभी सही है तो गोल क्रांति का संबंध किससे है तो आलू से हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है तो कांच का रंग काल होता है सॉरी लाल होता है किसके कारण तो ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है तो जब हमारे मांसपेशी में हम जब हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो हमें थकावट महसूस होती है अगला प्रश्न है तापेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है तो टीबी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है ये है माइकोबैक्टीरियम निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है तो पादप हार्मोन इसमें से साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है निम्नलिखित में से किस लो अयस्क का उपयोग विद्युत उपयोग विशेष रूप से होता है तो लो अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है वो है आपका मैग्नेटाइट जिसका उपयोग विद्युत विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है मैग्नेटाइट का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है इसका क्या होता है एच इसमें कहाँ ऑक्सीजन तो कहीं नहीं आ रहा है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध है तो अर्धचालक जो हो जाएगा ये आपका जर्मेनियम एक अर्ध है उसके बाद है लास्ट प्रश्न है ये आपका प्रैक्टिस सेट तीन का चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है तो चिकित्सीय भाषा में अगर कहें तो गोल्डन आवर का संबंध जो है हृदय घात से है हर्ट से संबंधित है तो ये हमारा सौ प्रश्न प्रैक्टिस का भी समाप्त हो गया अब हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अल मुहेदे पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है तो भारत और किस देश ने तो भारत और सऊदी अरब ने मिल के अल मुहेद अल हिंद अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है तो कि भारत और किस अगला प्रश्न है दो नंबर कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो गुजरात राज्य में किया गया शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यदान पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया तो शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है यदान और यह पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया तो ये पुरस्कार दिया गया रुकमणी बनर्जी को येदान पुरस्कार सी इज चेंज मेकर परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की, की गई तो सी इज चेंज मेकर परियोजना जो है ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जस्टिस फॉर जज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है तो जस्टिस फॉर जज एन ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा है ये है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की आत्मकथा विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 निम्नलिखित में से किसने जीती तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने मैग्नस कार्लसन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर और उपविजेता कौन रहा है तो उपविजेता रहा है इयान इयान नेपो निविया जो है ये उपविजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन इसके विजेता रहे हैं अगला प्रश्न है भारत की हरना संधु को सत्तरवें मिस यूनिवर्स खिताब से 13 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया यह प्रतिस्पर्धा किस शहर में आयोजित हुई तो हरना संधु को जो सत्तरवें मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया 13 सितंबर को यह प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था इलात इजराइल में एसमार्ट निम्नलिखित में से क्या है तो स्मार्ट जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट है स्मार्ट विश्व का पहला ट्रू मिल ट्रू मिलीपेड एवं थर्टीन जीरो सिक्स वाला जीव निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया है तो ट्रू मिलीपेडिया एवं तेरह सौ वाला जीव निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया है तो इसका खोज किया गया है ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से कौन से भौतिक प्रदेश बिहार का अंग नहीं है तो कौन सा भौतिक भौतिक प्रदेश है जो बिहार का अंग नहीं है तो आरावली का पठारी प्रदेश ये जो है बिहार का अंग नहीं है शिवालिक प्रदेश गंगा मैदान छोटा नागपुर सीमांत पठारी प्रदेश सभी है अगला प्रश्न देखिए ग्यारह नंबर कह रहा है ग्यारह नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृद्ध वृत्त नहीं है तो ग्लोब पर वृद्ध वृत्त नहीं है वो साठ डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ग्रेट आर्टेजियन बेचिन किस देश में अवस्थित है तो ग्रेट आर्टेजियन बेचिन जो है ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में अगला प्रश्न है आइसोगेनिक रेखाएं हैं आइसोगेनिक रेखाएं जो हैं यह एक समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा को आइसोगेनिक रेखा कहते हैं किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया तो अपर्दन चक्र के सिद्धांत में जो परिवर्तन किए वो वैज्ञानिक है पैंक। पैंक ने अपर्दन चक्र के सिद्धांत में परिवर्तन किए भारत में वित्तवान निम्नलिखित में भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है तो भारत में विद्वान जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसमें प्राचीनतम से नवीनतम की ओर जिसका सही क्रम है वो है एक तो धारवाड़ हो जाएगा कुरप्पा विन्ध और गोडाम्बना ये इसका बिल्कुल सही क्रम है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है तो पश्चिमी घाटी से संबंधित पालकोंडा जो है ये नहीं है पश्चिमी घाटी नीलगिरी अन्नामलाई इलायची ये सब है पाटभूमि पाई जाती है तो पाटभूमि छोटा नागपुर में पाई जाती है पाटभूमि निम्नलिखित में से सॉरी भारत में निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है तो भारत के जलप्रपात में जो गोवा में स्थित है उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात ये सॉरी दूध सागर हाँ ये ये कहाँ स्थित है ये जो है गोवा में स्थित है भारत की निम्न झीलों में से कौन अशोम में अवस्थित है तो कौन सा झील जो है वो अशोम में अवस्थित है तो ये हो जाएगा चंपनाला झील चंपनाला झील जो है ये असोम में अवस्थित है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं तो भारत की नदियाँ में से जैविक मरुस्थल जो है वो है दामोदर नदी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं नीचे चार युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर के आर नारायण ये दोनों जो हैं उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे बाईस नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य नहीं है तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य में नहीं है वो हो जाएगा आपका लोक चुनाव में मतदान भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है ये भारत के संविधान का आर्टिकल किसी एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है आर्टिकल 324 सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में अनुसूची में उल्लेखित है तो टैक्स लगाने का जो अधिकार है ये किस अनुसूची में है तो ये जो है सातवीं अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सातवीं अनुसूची में शामिल है भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किए थे उनका नाम था स्वराज पार्टी उन्नीस सौ में भारत की संविधान के रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी उन्नीस में दिया था भारत में में के संविधान में निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है तो भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो आपातकाल में किसी राज्य या विधानसभा की जो अवधि है ये बढ़ाई जा सकती है संसद विधि संसद द्वारा विधि बनाकर किसने कहा था भारत एक अर्धचालक संघात्मक राज्य है किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी हियर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो राज है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का जो अंतर बिंदु है वो है आपका न्यायिक समीक्षा का अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो सम्मिलित हैं वो एक तो है धर्म प्रचार करने का अधिकार दूसरा सिख को कृपान धारण करने का अधिकार और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार ये तीनों जो है धार्मिक सुधार के अंतर्गत है धार्मिक निकायों को लोगों या धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार ये नहीं है तो आपका तीन इसमें ए जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी चरक किसके समकालीन थे तो चरक जो थे ये किसके समकालीन थे तो ये कनिष्क के समकालीन थे चरक चरक जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा महिलाओं को भी प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था तो महिलाओं को जो उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था ये चालुक्य के द्वारा अगला प्रश्न है कि किसने किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी तो सिख धर्म का स्थापना सिकंदर लोधी के शासनकाल में किए थे गुरु नानक ने चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर मधुबनी में जो किसान आंदोलन किए थे वो किए थे स्वामी विद्यानंद बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी डिटेक्टर के नाम से प्रसिद्ध थी तो डिटेक्टर के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महिला जो थी वो थी चंद्रावती देवी पटना में स्थित पटना में स्थित सीताराम आश्रम को अपनी राजनीतिक संघर्ष का केंद्र विहार के किस नेता ने बनाया था तो पटना में स्थित सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बिहार के जो नेता बनाए थे स्वामी सहजानंद के द्वारा इसे बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में कहाँ भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर उन्नीस सौ ईस्वी में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी संत रामानुआचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है संत रामानुआचार्य के बारे में इन्होंने वशुवैद का, का विचार दिया इनका जन्म सत्रह सॉरी इनका जन्म एक हज़ार सत्रह में हैदराबाद तेलंगाना में हुआ जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था तो संत नाम रामानुवाचार्य के बारे में सही जो नहीं है वो इनका जन्म दस सौ सत्रह हैदराबाद तेलंगाना में हुआ ये सही नहीं है अगला है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान जो था ये भारतीय शासक थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे चालीस नंबर प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एक तरफ भक्ति संत दिए हुए हैं दूसरे तरफ उनका दर्शन दिया हुआ इन्हें मिलान करना है तो रामानुचार्य का दर्शन जो था वो विशिष्ट द्वैंतवाद है बी होगा इसका विशिष्ट द्वयंतवाद उसके बाद बात करते हैं माधवाचार्य का एक मिनट सॉरी uh, सबसे पहले देखिए रामायण चार्ज का जो है ये हो जाएगा आपका विशिष्ट द्वैंता द्वंतवाद माधवाचार्य का कौन सा है तो माधवाचार्य का जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वैंता द्वैंतवाद उसके बाद आपका दिया हुआ है निम्बकाचार्य निम्बकाचार्य का कौन सा हो जाएगा तो निम्बका चार्ज का हो जाएगा एक मिनट इसमें आंसर गलत दिया हुआ है देखिए रामानुचार्ज का है विशिष्ट द्वंद्ववाद माधवाचार्य का है द्वैंतवाद और निम्बकाचार्य का है द्वंद दौयत और बल्लवाचार्य का हो जाएगा शुद्ध द्वैंतवाद तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है किस पौधे में प्रजनन की क्रिया पत्ती द्वारा होती है तो कौन से पौधे में प्रजनन की क्रिया जो है वो पत्ती के द्वारा होती है तो ये हो जाएगा कैक्टस कैक्टस में जो प्रजनन होता है ये पत्ती के द्वारा होता है ठोस आयोडीन का रंग होता है तो ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस जो होते हैं ये सामान्य रूप से बनते हैं किससे नाइलॉन सामान्य रूप से बनते हैं ये हाइड्रोजेल से हाइड्रोजेल से कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से बनते हैं अगला प्रश्न है चौवालीस नंबर कौन सी अंग ग्रंथी नहीं है तो पिता जो है एक अंग ग्रंथी नहीं है निम्नलिखित में से कौन एक मानव हड्डी का जोर नहीं है तो मानव हड्डी का जोर जो नहीं है वो मैक्रो नहीं है मैक्रो मानव हड्डी का जोर नहीं है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है मगर मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है हैचलिंग कहा जाता है और सैतालीस नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है तो ये हो जाएगा आपका बोस आइंस्टीन घनीभूत आइंस्टीन घनीभूत जो है ये पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है तो दिया हुआ है इसमें फ्रीक्वेंसी हज का मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला का सही है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सॉरी कंडक्टेंस सीमेंस ये भी सही है प्रेशर पास्कल ये आपका सही नहीं है ये जो दिया हुआ का रहा है कि किसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है तो प्रेशर का पासकल नहीं दाब यहाँ जो पासकल होना चाहिए अगला प्रश्न है कि मई 2021 को जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त देश की है। कौन है तो 2021 में जो फीफा फीफा विश्व कप हुआ था उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है तो बेल्जियम जो है उसमें प्रथम स्थान देश पे है हॉर्नविल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो हॉर्नविल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है वीवीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है तो ये कोनेरू हम्फी को बीबीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला का पुरस्कार प्रदान किया है हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है तो इफको के द्वारा किसके द्वारा इफको के द्वारा नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया है हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अवैध मुद्रा घोषित किया है तो बिटकॉइन को जो अवैध मुद्रा घोषित किया है वो देश है आपका चीन चीन ने क्या किया है कि क्रिप्टो करेंसी को अवैध मुद्रा घोषित किया है हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया तो उमंग ऐप को लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आई मंत्रालय के द्वारा छब्बीस जनवरी दो को निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सौ फीसदी साक्षरता वाला जिला बन गया तो देहरादून जो है ये छब्बीस जनवरी दो हजार इक्कीस को भारत का सौ फीसदी साक्षरता वाला जिला बन गया अटल नवोनेशन मिशन अटल नवोनेशन मिशन की विभाग की प्रमुख पहल है तो अटल नवोन्वेश मिशन जो है किस विभाग की प्रमुख पहल है तो ये नीति आयोग की प्रमुख पहल है अटल नवोन्म किसने कहा था कि

तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम दूती अहमद शाह अब्दावली ने भारत पर कुल सात बार आक्रमण किया जिसमें सर्वाधिक तीन बार जो आक्रमण किया था मुगल शासक वो था शाह आलम दूती औरंगजेब और के द्वारा जब गोलकुंडा के किला पर अधिकार अधिकारिया किया सॉरी अधिकारी होगा अधिकार किया गया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था तो और, औरंगजेब ने जब गुलकुंडा के किला पर अधिकार किया था उस समय गुलकुंडा का जो शासक था उनका नाम था अबुल हसन कुतुब शाह सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था तो सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड विलियम बेंडिंग ने नगद वेतन देने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था तो नगद वेतन देने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान अल्लाउदीन खिलजी था लॉर्ड डी के राज्य में विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज हुआ तो लॉर्ड डी के समय में जो राज्य विलय सिद्धांत हुआ था उसमें सबसे प्रथम शिकार जो जो हुआ जो राज हुआ था वो राज था वो सतारा भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके किसके द्वारा शुरू किया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरन हेस्टिंग्स के द्वारा भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था वार्न हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया नादिर शाह के आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह के समय हुआ तो नादिर शाह का आक्रमण जो है ये मोहम्मद शाह के समय हुआ था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी तो गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक थे एम एस गांधी महात्मा गांधी अगला प्रश्न है माउंट वीटेन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे तो माउंट वीटेन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाड़ी कल कॉलिंसन एवं एंड डोमिनिक लेपियर लाड़ी कॉलिंस एंड डोमिक लेपियर हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट 2021 22 के अनुसार भारत सरकार को जीएसटी से कितनी प्रतिशत आय प्राप्त होती है तो जीएसटी से भारत सरकार को 15 प्रतिशत आय प्राप्त होती है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया तो विदेशी अनु ये बजट जो आया है अभी दो हजार इक्कीस केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार इंश्योरेंस सेक्टर में जो विदेशी निवेश की सीमा है उसे उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर जो कर दिया गया है वो किया गया है आपका चौहत्तर प्रतिशत अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस रैंकिंग दो में बिहार का कौन सा स्थान मिला है तो एस रैंकिंग 2020 में बिहार का जो स्थान मिला है ये मिला है आपका अट्ठाईसवा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है तो सुमेलित देखना है इसमें कौन सा सुमेलित है प्राग्वे पम्पास सही है संयुक्त राज्य अमेरिका एंडीज पर्वत ये भी सही है सॉरी मतलब सुमेलित नहीं है तो ये सब आपका गलत है प्राग्बे पम्पास संयुक्त राज्य अमेरिका एंडीज पर्वत सभी गलत है और देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक् मोरक्को एटलस पर्वत ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोरक्को एटलस पर्वत ऑस्ट्रेलिया किम्ब किम्बल्ट ये सभी जो है सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है तो किस नदी का स्रोत जो है हिम नदों में नहीं है तो ये होगा आपका कोशी का कोशी का जो स्रोत है वो हिम में नहीं है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन सी सबसे प्रायदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कथन दिया है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है सही है गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है ये भी सही है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से ये आपका सही नहीं है ताप्ती का उद्भव जो है मध्य प्रदेश से होता है तो कावेरी नदी का उद्भव कहाँ से होता है तो कावेरी नदी जो है ये कहाँ कावेरी नदी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है और ये जो है पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है तो ये आपका जो हो जाएगा सही नहीं है बाकी सभी सही दिया हुआ है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है आपका अठहत्तर नंबर सेवेंटी एट चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है इसका नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस अणु का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यान से कम होता है इसीलिए सेवेंटी सॉरी हाँ सेवेंटी देखिए कह रहा है की नदी मैदान के संदर्भ में दुआब का अर्थ क्या है तो नदी मैदान के संदर्भ में दुआव का जो अर्थ होता है ना दो नदियों के बीच के भाग को दुआब कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए अस्सी नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो मूल अधिकार जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए तो एक नवंबर उन्नीस को जो पुन, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसमें कितने राज्य बना था तो उस समय जो राज्य बना था वो वो राज्य का संख्या था चौदह राज्य और 6 संघ राज्य था अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है तो भिन्न वर्ग में देखिए इसमें से कौन सा आर्टिकल आता है अनुच्छेद 19 ये जो है सबसे अलग है भिन्न वर्ग में आता है तेलंगाना राज बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई तो जब तेलंगाना राज्य बन गया तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अट्ठाईस राज्य हो गया था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज वी आर अम्बेडकर ने कहा यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भारतीय संघ में, में एक नए राज्य का बनाया जाना होता है तो इसका संशोधन किस अनुसूची में होगा तो सबसे पहले देखिए अनुसूची कौन सा होगा तो ये अनुसूची आपका हो जाएगा प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची क्या है संघ राज्य से संबंधित है इसीलिए प्रथम अनुसूची हो जाएगा अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था तो जब प्रस्तावना हम लोग बोलते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि आज तारीख छब्बीस नवम्बर उन्नीस को है ना तो अंगीकृत कब किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छब्बीस नवंबर उन्नीस को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार के अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे सरदार पटेल संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है ये जो प्रस्तुत किए थे ये प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे अगला प्रश्न है समानता ट्यूबलाइट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है तो समानता ट्यूबलाइट में जो गैस होती है यह होती है आपका ऑप्शन नंबर बी आर्कन तथा मर्क्यूरी मर्क्यूरी वेपर निम्नलिखित में से कौन से अवयव लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव से संबंधित है तो लिक्विड पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेन प्रोपेन एवं ब्यूटेन अगला प्रश्न देखिएगा कि एक दीपक की बाती में तेल की वृद्धि किसके कारण होती है तो दीपक की बाती में जो तेल ऊपर की ओर खींचता है वो किस तरीके से मतलब किसके कारण खींचता है तो ये आपका हो जाएगा केशी कत्व लैंडेन जब हम लोग जलाते थे तो उसमें बत्ती क्या बत्ती जब जलाते हैं तो बत्ती के ऊपर तेल कैसे जाता है केशी कत्व के कारण हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं किसी सहवाल से आयोडीन प्राप्त नहीं होता है तो किस सहवाल से आयोडीन जो है ये प्राप्त नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूलेथ्रिक से यूलेथ्रिक्स जो सैवाल है इसे आयोडीन प्राप्त नहीं होता है और कह सकते हैं कि सैवाल और लाइकेन लाइकन और सैवाल ये लाइकेन जो है सैवाल का ही सहजीवी है ठीक है वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है तो वाटर जेट तकनीक का जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है खदानों के वेधन में किसमें खदानों के वेधन के लिए वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है भोजन विषकता का कारण क्या है यानी कि फूड प्वाइजनिंग का कारण क्या है तो फूड प्वाइजनिंग का जो कारण है वो होगा आपका सेलोमोनेला टाइपरियम सोलेमोलेना टाइपेरियम उसके बाद है टिटनेस नामक रोग निम्न निम नाम से जाना जाता है तो टिटनेस नामक रोग को और किस नाम से जाना जाता है तो लांग्जा लांग्जा के नाम से टिटनेस नामक रोग को भी जाना जाता है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है तो मनुष्य के अंग में जो हानिकारक विकिरण है उससे सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क अगला प्रश्न है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग तो मलेरिया से हमारा जो अंग प्रभावित होता है कौन सा अंग है पिल्हा पिल्हा या फिर तिल्ली लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का वर्ष उन्नीस सौ पैंतालीस में नाकासा की जो जापान में बम गिराया गया था उस बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम प्लूटोनियम जो था इस बम में प्रयुक्त किया गया था अब यहाँ से आपका प्रैक्टिस एट नंबर फाइव स्टार्ट हो गया है सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस एट नंबर फाइव हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2022 की स्थिति को मनाया गया तो विश्व रेडियो दिवस जो मनाया गया है ये तेरह फरवरी को मनाया गया है 2022 में नवाड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया तो नावार्ड जो है वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है और उस कार्यक्रम का नाम जीवा है और ये करेंट अफेयर में आप लोगों को हम बताएं भी हैं हाल ही में आर के द्वारा जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया वह क्या है तो हाल ही में जो आर के द्वारा जारी मौद्रिक नीति रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है वो रेपो रेट हो गया है चार प्रतिशत और अभी आज कल या परसों में फिर से रेपो रेट आर रे का मीटिंग हुआ था जिसमें रिपोर्ट दिया गया है तो उसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा लेकिन एग्जाम में अभी आपसे यही पूछा जाएगा क्योंकि वो हाल एक दो दिन का है तो क्वेश्चन तो बन चुका होगा इसीलिए अगला है हाल ही में हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कंछोट पर्व मनाया कंछोट पर्व किस राज्य ने मनाया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने कंछोट पर्व मनाया है किस राज्य ने दिवगत गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में संगीत अकादमी कॉलेज और संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के, के इंदौर शहर में जो है लता मंगेशकर के नाम पे एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा जो संगीत अकादमी होगा अगला अच्छा एक चीज और बताइएगा कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था अगला प्रश्न है कि, कि किस राज्य की विधानसभा ने एक बार फिर से निट छूट विधायक को अपनाया है जिसे पहले राज्यपाल ने वापस कर दिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य के विधानसभा ने एक बार फिर से नेट छूट विधायक को अपनाया है जिसे पहले राज्यपाल ने वापस कर दिया था हाल ही में किसने विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र यानी वी ए एस एस के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है तो विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र के जो कार्यभार संभाले हैं वो हैं आपके डॉक्टर एस उनकरण नैय्यर सॉरी उन्वी कृष्णन नैय्यर उन्नी कृष्णन नैयर उसके बाद है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अब्बल रहा है तो भारत की प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया यानी अब्बल रहा है तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है तो रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है और वो अभियान है आपका ऑपरेशन आहट ये आर के द्वारा शुरू किया गया है स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव किसकी राजकीय योजना है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यह योजना जो है बिहार की है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहा जाता है ये कहा जाता है बैकाल झील को एलिनो कहाँ प्रकट होती है तो एलिनो जो है ये पेरू के तट पर प्रकट होती है किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन बावन मिनट के विलंब का कारण है तो किसी स्थान पर जब प्रत्यक्ष ज्वार का प्रतिदिन बावन मिनट का जो विलंब होता है इसका कारण है चंद्रमा का परिक्रमण अगला है चौदह नंबर बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है तो बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ये अवस्थित है गुवाहाटी में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण जो है स्थित है गोवा में चंद्र चंद्रभागा तट किस राज्य में स्थित है चंद्रभागा तट जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है अगला प्रश्न है सत्रह नंबर सूची एक को सूची दो से मिलाइए और इसमें एक तरफ पहाड़ी दिया हुआ है दूसरा राज्य दिया हुआ है इसे मिलाना है तो गारो गारो पे कौन सी सॉरी गारो पहाड़ी जो है उस पर किस राज्य में है गारो पहाड़ी तो ये आपका हो जाएगा गारो पहाड़ी है मेघालय राज्य में मीरी पहाड़ी मीरी कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में है कोल्लाई मलाई जो है ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा और डालमा जो हो जाएगा ये झारखंड में है डालमा फिर से देखिए गारो जो है पहाड़ी मेघालय में है मेरी अरुणाचल प्रदेश में है कोल्लाई मलाई तमिलनाडु में है और डालमा झारखंड में है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है हिमालय प्रवत श्रेणी में मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार वन पाए जाते हैं पर्णपाती उष्ण कटबंधी कट्टेदार वन शीतोष्ण वन तो हिमालयी प्रवत श्रेणी में जो वन पाए जाते हैं वो वन है आपका एक तो एक तो पाए जाते हैं पर्णपाती और दूसरा पाए जाते हैं शीतोष्ण वन तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल कॉरेक्ट है नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं तो नदी के बहाव के कारण जो दिशा परिवर्तन करता है उससे जो झील बनती है उस झील को गोखुर झील कहते हैं खड़गपुर की पहाड़ी में निम्न में से किसकी प्रधानता है तो खड़गपुर की पहाड़ी में जो प्रधानता है वो है क्वाटराइज का खड़गपुर की पहाड़ी में क्वाटराइज की प्रधानता है बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं तो बिहार के कुल जो बिहार के कुल तेरह जिले जो हैं वो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न किसी राज्य के सीमा से स्पर्श करते हैं बाईस नंबर प्रश्न है सूची को मिलाना है यहाँ पे विधि दिया हुआ है संविधान संविधान की कुछ विधि दिया हुआ और इसे आपको देखना है कि कहाँ से लिया गया है तो विधि का शासन ये कहाँ किस संविधान से लिया गया है तो विधि का शासन जो लिया गया है ये लिया गया है आपका इंग्लैंड से उसके बाद दिया हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है राष्ट्रपति के विचारधारा राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखना ये जो लिया गया है आपका लिया गया कनाडा से और विस्तृत वह सूची ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से तो ऑप्शन आपका इसमें जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण जो है वो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ये दोनों ये जो है दोन ये पॉइंट जो है आपके अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान से मिलता जुलता है अगला प्रश्न है चौबीस नंबर कि भारत के संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है तो उद्देशिका ये जो लिया गया है उद्देशिका यानी प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पच्चीस नंबर प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद पच्चीस के अनुसार धर्म स्वतंत्रता धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है तो इसका करेक्ट धर्म के अधीन नहीं है अगला प्रश्न है 26 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उसके बाद प्रश्न है आपका सत्ताईस नंबर की निम्नलिखित में से किस का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है तो किसका संरक्षण जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है तो ये आपका हो जाएगा वन्य प्राणी का वन्य प्राणी का संरक्षण जो है ये मूल कर्तव्य है अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है तो अध्यादेश जारी प्रदान भारतीय परिषद अधिनियम अठारह इसके तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है भारतीय परिषद अधिनियम अठारह के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है तो अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई अप, अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है तो ये व्यवस्था जो है आर्टिकल एक में दिया हुआ है अगला प्रश्न है सुपर बाजार होता है एक सुपर बाजार जो होता है एक फूटकर विक्रय संगठन होता है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने प्राधिकरणों में विभाजित है तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जो है ये इसका कितना अधिकरण है तो टोटल इसमें पंद्रह अधिकरण है निम्नलिखित में से किस मुगल काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित है तो किस काल के प्रशासन में नायंगर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था प्रचलित है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर के काल में नायंगर और आयंगर व्यवस्था जो था ये प्रचलित था अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलाइए एक तरफ राजवंश है दूसरा राज्य दिया हुआ इसे मिलाना है तो किस राज्य से कौन से राजवंश जो है वो संबंधित है तो सबसे पहले इसमें आदिल शाह आदिल शाह का जो संबंध था ये बीजापुर से था कुतुब शाह का गोलकुंडा से निजाम शाह का ये हो जाएगा अहमदनगर से और इमाद शाही का बरार से तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है उसके बाद देखिए चौंतीस नंबर निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की भक्ति संत थे तो महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे एक मिनट एक प्रश्न लगता सर छूट गया सही है Uh, सही है उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के भक्ति संत थे तो महाराष्ट्र के भक्ति संत जो थे एक तो आपके ज्ञानदेव थे और दूसरा आपका तुक्कार थे तो ऑप्शन नंबर ए एक और तीन ही होगा महाराष्ट्र के भक्ति संत ज्ञानदेव और तुक्कार थे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है महादेव गोविंद नाडे जस्टिस पार्टी ये आपके सुमेलित नहीं है लाला हरदयाल था गदर पार्टी राजबिहारी बोझ आजाद हिंद फौज के पार्टी से थे एनी बेसेंट होम रूलिंग से तो महा, महादेव गोविंद रनाडे जो थे जस्टिस पार्टी से और महादेव गोविंद नाडे जो है ये ये क्या किए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी का जो स्थापना हुआ था उसका इन्होंने समर्थन किया था ठीक है तो ये आपका जस्टिस पार्टी नहीं होगा निम्न में से कौन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है तो महात्मा गांधी से संबंधित इसमें जो नहीं है इंडियन मिरर महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है यंग इंडिया नवजीवन हरिजन सभी महात्मा गांधी का है इंडियन मिरर जो है ये देख सकते हैं आप मनमोहन घोष और देवेंद्र टैगोर का था ठीक है जिन्होंने कलकत्ता में अठारह सौ ईस्वी में समाचार पत्र का प्रकाशित किया था तो इंडियन मीरियर किसका था देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष का तो ये आपका बाकी सभी सही है नवजीवन यंग इंडिया हरिजन सभी महात्मा गांधी से संबंधित है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है आपका सैंतीस नंबर अठारह के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा तो अठारह का जो विद्रोह हुआ था इसमें मुंगेर जो है ये अप्रभावित रहा बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था तो बिहार को सर्वप्रथम अपने में मिलाने वाला मुगल शासक जो था उनका नाम था अकबर अगला प्रश्न है उनचालीस नंबर मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था तो मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध के उद्देश्य जो था ये था आपका बकास्त भूमि की वापसी मांग वकास्त भूमि का वापसी की मांग अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित भाषाओं में से किसे मगधी के रूप में जाना जाता है तो मगधी के रूप में जो जाना जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक प्राकृत भाषा को मगधी भाषा के रूप में भी जाना जाता है उसके बाद है पौधे में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है तो पौधे में जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये होता है आपका स्ट्रोमा में कहाँ होता है स्ट्रोमा में स्ट्रोमा उसके बाद है कि पाश्चिकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है कितने कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितना मिनट का तो पाश्चिकरण की क्रिया में दूध को जो गर्म किया जाता है ये बासठ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस पर तीस मिनट तक गर्म किया जाता है सजीवों का प्रमुख लक्षण है कि सजीव में जीवद्रव जो है ये प्रमुख लक्षण है अगला प्रश्न देखते हैं चौवालीस नंबर संसार में नब्बे प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण होता है तो संसार में नब्बे प्रतिशत जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये सैवाल में होता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है तो सदिश राशि कौन सी है तो जिसमें दिशा हो ठीक है इसका परिणाम हो वो सदीस राशि होगा तो सदीस राशि कौन सा हो जाएगा इसमें संवेग जो है एक सदीस राशि है लोलक की कला अवधि लोलक की कलाअि क्या होती है तो लोलक की कलाअि जो होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है अगला प्रश्न है डब्सन का डब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो डब्सन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है डब्सन का प्रयोग रेजिफ्रेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तो सुरक्षित टेम्परेचर क्या है तो रेजिफ्रेटर यानी फ्रिज में जो हम लोग भोजन का सामान रखते हैं फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह उसे ताज़े रखने के लिए जो सुरक्षित टेम्परेचर है वो हो जाएगा चार डिग्री सेल्सियस अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रभावित होता है वाइल ऑफ विटल का रासायनिक नाम क्या है तो आयल ऑफ विल का रासायनिक नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हाल ही में आयु सिक्सटी फोर समाचार पत्र में सुर्खियों में रहा यह किससे संबंधित है आयु समाचार पत्र ये जो सुर्खियों में रहा है इसका संबंध कोविड नाइन्टीन की दवा से है आयु सिक्सटी फोर डिजिटल ओशन नामक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया डिजिटल ओशन नामक ऐप को जो मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया वो मंत्रालय है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जनवरी 2021 में पर्यावरण के थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी तो जोखिम सूचकांक जलवायु वाला में जो भारत का रैंक रहा है वो सातवां रहा है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया गया है भुवनेश्वर के राउरकेला में किया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में खोला गया है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है यह खोला जा रहा है आपका मेघालय राज्य में अगला प्रश्न देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना का शुभारंभ जो किए हैं ये किए हैं बिहार में अगला प्रश्न है संतावन नंबर कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम यू पी आई ऐप का शुभारंभ किया गया तो भीम यू पी आई का शुभारंभ जो किया गया है हाल ही में ये किया गया है आपका भूटान में भूटान और अभी आजकल में ही एक करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दूसरा देश कौन सा बन गया है जो भीम यू को अपना लिया है तो ये पाकिस्तान है ठीक है अब यही बता देते हैं तो पहले भूटान था फिर पाकिस्तान उसके बाद है और सिर्फ यू पूछे तो वो नेपाल है उसके बाद है सत्ताईस अप्रैल दो हजार इक्कीस को करेन गुड़िल्लाओ द्वारा किस देश के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा किया गया तो 27 अप्रैल 2021 को करेन गुड़िल्लाओ द्वारा जो सैन्य अड्डों पर कब्जा किया गया है वो अड्डा का मैन म्यांमार के अगला प्रश्न है अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है तो अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने जो है इसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है जो बाइडेन और कमला हैरिस को वैश्विक संगठन यूनेस्को किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मुजबुर रहमान के नाम पर संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है तो संरचनात्मक बेरोजगारी का, का मतलब है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है तो किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होगी उसके उत्पादन कार्य का योगफल होगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित करता है तो भारत का जो राष्ट्रीय आय होता है उसको अनुमानित करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सी एस ओ सी एस ओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उसके बाद है आपका कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी ये किया गया था डॉक्टर सच्दानंद सिन्हा के द्वारा पैंसठ नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान 26 नवंबर उन्नीस को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा 26 छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास को संविधान को अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है तो हमारे भारतीय संविधान में जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च है वो हमारा संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान सॉरी भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पूर्णालोकन की प्रणाली है बस इतना ही सी बात से जो है ब्रिटिश का संसदीय प्रणाली और भारत की संसा संसदीय प्रणाली से भिन्न है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी तो भारत का जो संविधान जब बना था उस समय कितनी महिला सदस्य थी तो इसमें जो महिला सदस्य पंद्रह टोटल महिला सदस्य थी वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो किस प्रेसिडेंसी से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं है तो हिंदू शब्द जो है उसमें सम्मिलित नहीं है वो है आपका पारसियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है पारसियों सम्मिलित नहीं करता है पारसी सम्मिलित नहीं करता है अगला प्रश्न है कि इकहत्तर नंबर की निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को यह मूल मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है माउंट सेमरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो माउंट सेमरू जो है ये कहाँ पे स्थित है इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट सेमेरू अमेरिका में कोलोराडो किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है तो अमेरिका में कोलोराडो जो है ये प्रसिद्ध है ग्रैंड कैनियन के लिए निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में कौन सी नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है तो गंडक कर्मनासा और घांगरा ये तीनों नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है अगला प्रश्न देखते छिहत्तर नंबर प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थल अवरुद्ध देश है केवल तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश जो है वो केवल हो जाएगा आपका लाओश जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था तो जिम्बाब्वे जो पहले जाना जाता था वो दक्षिण रोडसिया के नाम से जाना जाता था शवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो शवाना का सर्वाधिक विस्तार जो है वो अफ्रीका में है शवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है अफ्रीका में कल्हाड़ी मरुस्थल अवस्थित है तो कल्हाड़ी मरुस्थल जो है ये अवस्थित है आपका एक तो वोत हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा नाम्बिया बौद और नाम्बिया कल्हा मरुस्थल अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी इसका कॉरेक्ट आंसर है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन रायन नदी के किनारे अवस्थित है तो रायन नदी के किनारे जो अवस्थित है वो हो जाएगा आपका बैल ब्लैक फॉरेस्ट बैलक सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये रायन नदी के किनारे अवस्थित है अगला है भारत के ध्वज गीत झंडा गी, गान के रचयिता थे तो भारत का ध्वज गीत जो है यानी झंडा गान के रचयिता कौन थे तो वो होते श्याम लाल गुप्ता प्रसाद सूची एक को सूची दो से मिलाइए एक तरफ आपका ग्रंथ दिया हुआ है दूसरी तरफ रचनाकर का नाम दिया हुआ है तो गीत गोविंद के लेखक कौन है जयदेव है उसके बाद आप देखिए पवन दूत पवन दूत के लेखक कौन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके छोपी कपूर मंचरी के लेखक कौन से हैं तो कपूर मंचरी के लेखक राजशेखर हैं और ललित विग्रह राज के लेखक सोमदेव हैं तो गीत गोविंद जयदेव पवनदूत छोपी कपूर मंचरी राजशेखर और ललित विग्रह राज के लेखक सोमदेव हैं ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है बीस सितंबर दो बीस सितम्बर उन्नीस सौ बत्तीस को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किसके विरुद्ध शुरू किया था तो बीस सितंबर उन्नीस सौ बत्तीस को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था और ये जो किए थे रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांत के विरुद्ध किए थे अगला प्रश्न है चौरासी नंबर महात्मा गांधी को सबनीय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली तो महात्मा गांधी को सबनीय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी ये मिला था आपका डेविड थोरो से किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध को कर मुफ्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी तो ये जो था सात वाहन सात वाहन जो था सात वाहन के द्वारा ब्राह्मण और वदिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी किस एक गुरु ने खुद को सच्चा वादसा कहा था तो सच्चा वादसा कहने वाला गुरु हरगोविंद सिंह गुरु हरगोविंद जो थे ही अपने आप को सच्चा वादसा कहा था अगला है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी सतासी का शेष का आंसर करेक्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो है कैबल्य की प्राप्ति अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे जैन धर्म ने असोंग की धम्भ नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत है तो अशोक की जो धाम नीति है इसका मूल मंत्र है संयम रखना सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो सोनार का जो प्रयोग है वो नौ नौ चालकों के द्वारा किया जाता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है तो, तो क्यूसेक में जल की बहाव को मापा जाता है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है तो वुड स्प्रिट जो कहा जाता है ये मेथेल अल्कोहल को कहा जाता है वुड स्प्रिट पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो पोलियो का वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है ये दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है तो इंसुलिन में जो धातु मौजूद होता है वह है आपका जस्ता निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है विटामिन ए प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन का तो विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में अपने नहीं होता है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सेब जो है हृदय रोगियों के लिए यहाँ पे सेब का नहीं होना चाहिए सेब जो सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके तो ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के इसीलिए जो जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है उन्हें सेब उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंसुलिन प्राप्त होता है तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है ये डलह डहेलिया के जरो से प्राप्त होता है इंसुलिन स्प्रीन कहाँ से मिलती है तो स्प्रीन जो है ये एक जड़ से मिलती है सॉरी स्प्रीन एक पेड़ से मिलती है कहाँ से एक पेड़ से अगला प्रश्न है हंड्रेड नंबर लौंग में पाए जाने वाला शारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन है तो लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल जो है ये हो जाएगा आपका यू जी नाल यू नाल तो प्रैक्टिस सेट नंबर पांच भी आपका समाप्त हो गया अब प्रैक्टिस सेट नंबर हम देखते हैं पहला प्रश्न है कि तीस सितंबर 2021 को किसने भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया तो तीस सितंबर दो को भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं आपके चौधरी चौधरी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख बनाया गया उसके बाद देखिए चर्चा में रहे कैबरे बियांजा ज्वालामुखी कैबरे बियांजा ज्वालामुखी जो है यह स्थित है कहा स्पेन में कैबरे बियांजा ज्वालामुखी स्पेन में अवस्थित है हाल ही में चर्चा में रहा गुलाब क्या है तो गुलाब जो है एक चक्रवाती तूफान है जिसका नामकरण किसने किया था तो गुलाब का पाकिस्तान अफगानिस्तान ने अगला प्रश्न है किस राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की तो निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुरुआत जो किया है वो किया है आपका उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो मारिया रेशा और दिमित्री मुराइटोबा इस दोनों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है सुब्रमण्यम भारतीय के पुण्यतिथि पर सात नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्म नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया

तो वैश्विक संपदा सूचकांक में जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो 40वां प्राप्त हुआ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये एस एन सुब्रमण्यम को 11 नंबर प्रश्न है 13 13 रोषा का प्रारूपिक विकास उष भूभाग में होता है जिसमें चुना पत्थर होता है मिर्टक घाटी जानी जाती है इसकी मृतक घाटी जो जानी जाती है किससे तो मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए पंजशीर घाटी अवस्थित है तो पंजशीर घाटी जो है ये कहा अवस्थित है अफगानिस्तान में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत शब्द अधिक है तो किस महाद्वीप में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप यूरोप महाद्वीप में संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज्यादा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है तो प्रति व्यक्ति भूमि जो सबसे ज्यादा है यह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार का सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है तो महाद्वीप जो सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है वो हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव अटार्टिका यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर क्या होगा तो छः घंटे के बीच का समय अंतर होगा दोनों के बीच का अगर नब्बे डिग्री देशांतर का अंतर है तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित किया जाता है इसका आधार क्या होता है तो प्रधान माध्यम रेखा होता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में तीन दिन लेती है और यही पच्चीस पॉइंट जो जुड़ते चला जाता है तो चार साल के बाद हमारा लिपियर आता है तो तीन सौ छियासठ दिन बनता है अगला प्रश्न है आपका कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की जो किरणें होती है ये भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है इसीलिए निम्न में से अगला प्रश्न है इक्कीस नंबर कि निम्न में से किसने उन्नीस सौ पैंतीस के भारत सरकार अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने कि उन्नीस का जो भारत सरकार अधिनियम है वो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है 26 नवंबर उन्नीस को कुल कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए थे जो 26 नवंबर जो हमारा संविधान को अंकीृत किया गया था उस समय अनुच्छेद जो प्रभावी हुए थे वो 16 अनुच्छेद को ही प्रभावी किया गया था अगला प्रश्न है बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा कितने सुधार किए गए तो बयालीसवां संविधान संशोधन के द्वारा जो कुल सुधार किया गया वो सिक्सटी थ्री को सुधार किया गया है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि अंतराल में होना आवश्यक है तो संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन जो है कम से कम ये एक माह के अंतराल का होना आवश्यक है अगला है पच्चीस नंबर किसने कहा था कि राष्ट्रपति आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है तो ये कहे थे हृदयनाथ कुंजरू ने हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है अगला प्रश्न देखते हैं छब्बीस नंबर निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्य बनन को स्थगित अस्थकि, कर सकते हैं अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद तीन राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम लगाया जा सकता है अधिकतम पूछा जा रहा है तो तीन वर्ष तक लेकिन इसे छ माह के लिए ही लगा लगाया न्यूनतम पूछा जा रहा है छ माह के लिए लगाया जाता है और इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अगला प्रश्न है चकमा और हंजोंग लोगों को किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य ने नागरिकता देने की मांग हाल में की थी तो चकमा और हंजोंग लोगों को उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य ने नागरिकता देने की मांग की थी ये किया गया था नागालैंड में उनतीस नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय सरकार द्वारा करो और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि में से रखा जाता है यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही पालन नहीं कर रही तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है यदि अगर कोई राज्य राज के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रहा है तो आम नागरिक जो है वो किसी भी न्यायालय का सहारा ले सकता है अगला प्रश्न है इकतीस नंबर कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था तो पटना से जो प्रकाशन अखबार का होता था वो इंडियन नेशन था निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो सबसे पहले देखिए इसमें व्यवस्थित करना है फतवा ए जहादरी किताब उल हिंद पृथ्वी राजो तवाकत ए नाश्री इसे व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका हो जाएगा किताब अल अलहुंद उसके बाद आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो ये हो जाएगा दूसरा उसके बाद बात करते हैं आपका हो जाएगा तवाकत ए नासरी ये हो जाएगा तीसरा और चौथा क्रम में आ जाएगा फातवा ए जहादारी तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सूची एक को सूची दो से मिलाइए सबसे पहले एक तरफ सम्राट दिया हुआ है दूसरी तरफ वृद्ध दिया हुआ है इसे मिलान करना है तो देखिए सबसे पहले इसे मिलान करते हैं अशोक अशोक का हो जाएगा एक मिनट छोटा करते हैं ताकि दिख जाए हाँ अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शनी समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था समुद्रगुप्त को पराक्रमांक चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त प्रथम का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य ये सभी उनका उपनाम था ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है लाइफ ऑफ हेनसोंग हुई द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी और हीर ओरेलियल फिलिपकल पॉम्पेड्स ट्रोंगस उसके बाद है द हिस्ट्रीज हेरोडोडस तो देखना है सुमेलित नहीं है तो सुमेलित जो नहीं है द नेचुरल हिस्ट्री टोल्मी सुमेलित नहीं है अगला प्रश्न देखते हैं पैंतीस नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है पानीपत का प्रथम युद्ध पंद्रह सौ छब्बीस खानवा का युद्ध पंद्रह सौ सत्ताईस घांगरा का युद्ध पंद्रह सौ उन्तीस चंदेरी का युद्ध पंद्रह सौ तीस तो सुमेलित नहीं है तो सुमेलित जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंदेरी का युद्ध पंद्रह सौ तीस ये आपका सही सुमेलित नहीं है चंदेरी का युद्ध जो है ये उनतीस जनवरी उनतीस जनवरी पंद्रह सौ अट्ठाईस को हुआ था कब पंद्रह सौ अट्ठाईस को हुआ था ठीक है तो ये आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रश्न देखिए वर्ष वर्ष में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था तो दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था इसका संबंध डोमेनियन स्टेटस से था 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अधिमावादी गरम दल उभर आए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है निम्नलिखित में से किस अनु सॉरी निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना तो महिला अध्यक्ष को पहली बार जो चुना गया था वो थी कोलकाता अधिवेशन में उन्नीस में और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट को चुना गया था है ना एनी बेसेंट को चुना गया था कोलकाता अधिवेशन में और कांग्रेस की यह प्रथम महिला थी उसके बाद देखिए कि भारतीय इतिहास में बैगन ट्रेजडी की घटना किस विद्रोह से जुड़ी है तो वैगन ट्रेजडी की जो घटना है इसका संबंध हो जाएगा मोबला विद्रोह से मोपला विद्रोह से बैगन ट्रेजडी का संबंध जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाता है श्वास की गति बढ़ जाती है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो मानव की कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है यह जो करती है हृदय के बराबर करती है सल्क क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है तो सल्क क्रिया में जो अर्थोप्लास्टी है यह एक प्रकार का कुल्हे की जोर का प्रतिस्थापन है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस हेतु उपयुक्त है वह कौन सा थर्मामीटर है तो 2000 डिग्री सेल्सियस के लिए जो उपयुक्त है वह पूर्ण विकिन्न पायरोमीटर है पूर्ण विकिन्न पायरोमीटर मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है 28 कपास का प्रमुख घटक है कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है क्या है सेलुलोज अगला प्रश्न देखते हैं सैंतालीस नंबर सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए है क्योंकि बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण वहां पे कम होता है बर्फ जो होता है वो पूरा प्लेन होता है घर्षण नहीं मिलने के कारण चलना कठिन होता है लोलक की कला अवधि ये जो होती है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है अड़तालीस का बीस का करेक्ट आंसर है मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है तो घर में भी देखते होंगे कि घर में जो मक्खन मथा जाता है उसके पश्चात क्रीम अलग हो जाता है इसका क्या कारण है तो इसका जो कारण है वो है आपकेद्रीय बल आपकेद्रीय बल के कारण वो अलग हो जाता है अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है समुद्र में प्लवन करे हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है तो एक बटा दस भाग जो है ये जो होता है समुद्र के सतह से ऊपर होता है इक्यावन नंबर प्रश्न देखिएगा इक्यावन नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एल युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है तो ये जो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है जिसने एल मुक्त और धुआं मुक्त बन गया है एल युक्त और धुआं मुक्त चर्चा में रहा लोशर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है लोशर महोत्सव जो है इसका संबंध हो जाएगा लद्दाख से लोशर महोत्सव लॉ से लद्दाख लॉ से लोशर चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन दो देशों में संबंधित है त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म जो है इसका संबंध है भारत और श्रीलंका से भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जो है यह है, है आपका तो रुद्र पच्चीसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया तो पच्चीसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुण्डुचेरी में किया गया कोप्पल टाइल क्लास्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लास्टर है किस राज्य में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा कोप्पल टाइल क्लस्टर जो है भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है और ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष दस जनवरी को मनाया जाता है प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक जांच हेतु गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की है तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा में चूक हो गई थी उसके लिए एक जांच एजेंसी का गठन किया गया है और वो जांच एजेंसी सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में गठित हुआ है हाल ही में किस देश की टीम ने ए महिला एशिया कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीती है तो ये हो जाएगा आपका चीन ने अगला प्रश्न देखते हैं जमपन्ना बागू जमपन्ना बागू निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है जपन्ना बागू जो है किस नदी की सहायक नदी है तो ये गोदावरी की जो है सहायक नदी है जपन्ना बागू अगला प्रश्न देखिए इकसठ नंबर कोई जनजाति किस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोई जनजाति जो है ये हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य की जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है अगला है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वेता कृषि मिट्टी कहा जाता है तो किस देश के किस मिट्टी को कृषि मिट्टी कहा जाता है तो कृषि मिट्टी जो कहा जाता है ये मिट्टी है आपका काली मिट्टी को निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी आपदा है तो मौसम संबंधी आपदा बादल का फटना है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो नदी का जो जल प्रदूषण मापा जाता है ये मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है तो इससे देखना है कि कौन सा जो है घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से परितंत्र क्रम सही है तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो पहले मैग्रोव हो जाएगा उसके बाद घास का मैदान फिर झील और सागर ये इसका घटते क्रम में दिया हुआ है अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैबे की खाड़ी यानी कैबे की खाड़ी इसे खम्भात की खाड़ी भी कहा जाता है नहीं गिरती है तो अरब सागर में जो नहीं गिरती अभी दो नदी का नाम हम बताए थे जिसमें एक ताप्ती भी है अगला प्रश्न है छियासठ का अगला प्रश्न है सड़सठ नंबर भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है तो प्रथम रामसर साइट जो भारत की है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील उड़ीसा ये जो है रामसर साइट नहीं है सॉरी यहाँ पे ताप्ती नहीं यहाँ पे लूनी होगा क्योंकि ये ये नदी जो है यहाँ पे नहीं गिरती है ठीक है तो इसका आंसर बी हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गुजरात राज्य में अरब सागर की कैबे की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है तो लूनी इसका करेक्ट आंसर है सड़सठ नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है तो भारत की प्रथम रामसर साइट जो है ये कौन सी है चिल्का झील उड़ीसा ये प्रथम रामसर साइट है भारत की अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है यह हो जाएगा आपका चीन ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है वादे की भूमि के रूप में जो जाना जाता है किस द्वीप को तो ये मिडनाओ को मिडनाओ को जो है वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता पर हस्ताक्षर करता है अब्राहम समझौता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़राइल संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ये तीनों जो है अब्राहम समझौता पर हस्ताक्षर करता है इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन अगला है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम जो देख सकते हैं ये प्रस्तावना में कहाँ प्रस्तावना में भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार का भारत के किसी नागरिक को अन्य देश से उपाधि स्वीकार करने के लिए किसकी आज्ञा की आवश्यकता होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की भारत के किसी नागरिक को अन्य देश से उपाधि स्वीकार करने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती है तो वो है राष्ट्रपति किसी देश की नीतियों को कौन प्रशांसित करता है तो किस देश की नीति को जो प्रशांसित करता है वो है आपका देश की सरकार भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में तो इसमें दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ये कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है सूची एक को सूची दो से यहाँ पे फिर मिलान करना है तो देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया था

तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल दो जो है आर्टिकल दो इस भारतीय संविधान का आर्टिकल दो के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा स्रोत है। तो विधानमंडल तो से की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है तो गणपूर्ति जो होना चाहिए दस सदस्य का कुल सदस्यता एक वा दस भाग जो अधिक हो निम्नलिखित में से कौन ब्रेंड इंडेक्स से संबंधित है तो ब्रेड इंडेक्स से संबंधित है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कच्चे तेल की कीमत ब्रेंड इंडेक्स से संबंधित है बिरासी नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए शिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संदेश भेजता है और कोई प्रतिभूति या पैसा नहीं रखता है और शिप वट का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है तो कथन पे विचार करना है कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक स्विफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्वदेश भे, संदेश भेजता है और कोई प्रतिभूति या पैसा नहीं रखता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार किस दर्शन के विद्वान थे तो अलार कालम जो थे ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और इनका जो दर्शन था वो था आपका सांख्य से निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं तो नागार्जुन की पहाड़ी से जो मिला वो दशरथ किसके दशरथ के दशरथ शासक के गुफालेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं अगला प्रश्न है पचासी नंबर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंत या विषमकारी मिश्रण कहा गया है तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को जो है या विषमकारी मिश्रण कहा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरोजी का उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था तो दादा भाई नेरू जी के द्वारा सबसे पहले तो ड्रेन थ्योरी दिया गया था और इसमें जो विश्वास नहीं करता था वो था आपका सर सैयद अहमद खा निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था लहाना को किया था अगला प्रश्न देखते हैं एटी एट नंबर निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था तो भारत आने वाला जो यात्री था जो पुर्तगाल का नहीं था वो हो जाएगा इसका पीटर मुंडी पीटर मुंडी जो था ये पुर्तगाल देश से नहीं आया था अगला प्रश्न है ब्रिटिश उपनिष उपनिवेश बाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियों लिखने वाले कवि का क्या नाम था तो जो फिरंगी को लिखे थे उस कवि कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिंह मनोरंजन प्रसाद सिंह ने फिरिंगी कविता को लिखा था अगला प्रश्न है श्री राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो श्री राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था कहां तमिलनाडु राज्य से अगला प्रश्न है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी तो अकबर के साथ जो युद्ध किया था दुर्गावती वो रानी कहाँ की थी तो वो रानी मांडला की थी कहाँ मांडला की गोभी का खाद्य तो खाद अंश होता है तो बन्ध गोभी का जो खाद्य अंश होता है यानी खाद्य भाग जो होता है वो होता है कायिकालिक कालिका कायिक कालिका केसर में पुष्प केसर में पुष्प क्या है तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा कम ताप पर बंद तथा अधिक ताप पर खुल जाता है केसर के जो पुष्प होते हैं सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो माइकोप्लाज्मा है उसके बाद है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है तो लाल मिर्च जो तीखी होती है उसमें उपस्थित होता है कैप्सोसिन कैप्सेसिन जो है ये लाल मिर्च में उपस्थित होता है जिससे लाल मिर्च तीखी होती है अगला प्रश्न है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो है वो दिखाई देगा काली कलर की अगला प्रश्न है सबसे कम तरंग धैर्य सॉरी सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें तो सबसे कम जिसका तरंग की लंबाई होता है वो तरंग है आपका गामा किरण अगला है मरीज का एक उदाहरण है तो मरीज का किसका उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो है मरीज का एक उदाहरण है अगला प्रश्न है नाइन्टी नंबर निम्न में से कौन मिश्रण का उदाहरण नहीं है तो मिश्रण का उदाहरण इसमें से वायु गैसोलीन एल पी जल तो आशुक जल जो है ये आपका मिश्रण नहीं है अगला प्रश्न है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं तो जब किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों होती है तो उस दोनों के योग को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर सेवन सेट नंबर सात में पहला प्रश्न देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया और इसका नाम क्या रखा गया तो इससे एक प्रश्न ये बनेगा कि देश का पहला वातावरण रेलवे स्टेशन कौन बन कहाँ बना है तो बेंगलुरु में बना है और इसका नाम जो है एम विश्वसरैया के नाम पर इसे रखा गया है अगला है इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की तो इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना जो की है वो गुजरात राज्य में की है भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मंच लॉन्च किया है उस मंच का नाम है यूनाइट अवेयर यूनाइट अवेयर शांति सैनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इसे लॉन्च किया है भारत सरकार ने इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर एक डाटा तैयार करने के लिए एक पोर्टल को तैयार किया उस पोर्टल का नाम है युक्त धारा पोर्टल भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हरवल पार्क कहाँ स्थित है तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हरवल पार्क है ये स्थित है आपका चमोली उत्तराखंड में महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया तो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया 2022 में कहा भारत में किया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत, तो भारत ने किस महीने के लिए संभाला है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने के लिए संभाला है अगस्त महीने के लिए भारत ने संभाला है संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता उसके बाद है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेचू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा वुडनेल मेडल से सम्मानित किया गया है कह रहा है कि भारत की मदद से किस देश में तो किस देश की बात करें तो भूटान में भारत की मदद से भूटान में निर्मित मंगदेचू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा वुडनेल मेडल से सम्मानित किया गया 9 नंबर प्रश्न है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट टू का शुभारंभ कहा से किया गया तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट टू का शुभारंभ किया गया है महोबा से महोबा कहाँ है महोबा उत्तर प्रदेश से अगला है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन है तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश जो हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मिनट ऑप्शन इसका D हो जाएगा बांग्लादेश उरुग्वे और संयुक्त अरब ये तीनों जो है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने वाले नए सदस्य हैं उसके बाद है राष्ट्रीय प्रधान रा, सॉरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है तो राष्ट्रीय राजधानी में जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका पंजाब का भाग यानी हरियाणा का भाग राजस्थान का भाग उत्तर प्रदेश का भाग ये तीनों जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है पंजाब भाग को छोड़ के मेघालय का पठार भाग है तो मेघालय का जो पठार भाग है ये आपका हो जाएगा कहाँ प्रायद्वीपीय खंड का प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से किस किससे होकर लेह का रास्ता है तो निम्नलिखित दर्रा में से किससे ले, होकर लेह का रास्ता है तो लेह का जो रास्ता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो जोजिला जो जिला दर्रा होकर लेह का रास्ता है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा है तो हरित क्रांति में जो फसल होता है वो कौन सा फसल है वो हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं मैक्सिकन गेहूं जो है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप है अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर जल पाप सॉरी इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है तो इंदिरा गांधी नहर जो है जल कहां से प्राप्त करती है सतलज नदी से अपना जल प्राप्त करती है इंदिरा गांधी सॉरी एक मिनट से प्राप्त करती है तो ब्याज चिनाब राबी सतलज तो इसमें से देखना है कि सही उत्तर कौन सा है तो इस सही में हो जाएगा एक तीन और चार ब्यास से भी करती है उसके बाद राबी से भी करती है सतलज से भी करती है तो आपका आंसर डी हो जाएगा एक तीन चार चिनाब को छोड़ के अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो पाया जाता है ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति जो है ये आपका हो जाएगा असम और केरल में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अठारह नंबर देखिए वृत्त ज्वार आता है तो वृत्त ज्वार जो आता है ये आपका जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीधी रेखा होते हैं तब वृद्ध ज्वार आता है जो जो महासागरीय महासागरीय धारा धारा से से भिन्न भिन्न है है तो से से है वह कौन तो आपका हो जाएगा पेरोबियन उसके बाद है निम्नलिखित युगम में से कौन सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल तो इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है तो जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा डी सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल ये आपका सुमेलित नहीं है इक्कीस नंबर देखिए कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है तो किसी मंत्री के विरुद्ध जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो भारतीय संसद की संप्रभुता जो है यह प्रतिबंधित है किसमें तो यह प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से तेईस नंबर प्रश्न देखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जिसको बोलते हैं अधिनियम उन्नीस सौ नवासी के अधीन निम्न में से क्या पूर्णता निषिद्ध है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम उन्नीस सौ नवासी के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमाना जो है पूर्णता निषिद्ध है अगला प्रश्न है चौबीस नंबर कि सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार क्या है तो सूचना का अधिकार जो है एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना के अधिकार के बारे में सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार और विधिक अधिकार है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है तो राज्यपाल को जो पद की शपथ दिलाता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति शासन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता तो किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति शासन के समय निलंबित नहीं किया जाता है तो आर्टिकल जो है आर्टिकल चौदह पंद्रह बीस इक्कीस उन्नीस और बीस ये सभी आर्टिकल को जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान निलंबित नहीं किया जाता आर्टिकल चौदह पंद्रह आर्टिकल बीस इक्कीस और उन्नीस बीस ये छह आर्टिकल है इसे याद रखिएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समक्ष होता है तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होता है किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं रहती है तो किस राज्य में क्षेत्रीय दल जो है सत्ता में नहीं रहती है तो ये आपका हो जाएगा केरल केरल राज्य का जो क्षेत्रीय दल है वो सत्ता में नहीं रहती है निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है तो मजदूर संघ के सदस्य को एक दबाव समूह माना जा सकता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद उन्नीस एक सी में, then, में? तो सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है, Remember, है। तो सहकारी समिति का जो शब्द जोड़ा गया है अनुच्छेद एक के खंड सी में वो आपका हो जाएगा संतानवा संविधान संशोधन 2021 में सॉरी ग्यारह में संतानवा संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया आर्टिकल 19 के खंड एक सी में अंग्रेजी अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूसों से चलने वाली एनफ्ल राइफल कब शामिल की गई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर उन्नीस में सॉरी दिसंबर 1856 में दिसंबर 1856 में जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूसों से चलने वाली एनफ्ल राइफल को शामिल की गई थी उसके बाद देखिए संता बत्तीस नंबर प्रश्न है बत्तीस नंबर प्रश्न कह रहा है कि अठारह में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया तो अठारह को किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया अठारह में अठारह की क्रांति चिन्ह क्या निश्चित किया गया था तो अठारह की जो क्रांति हुई थी उसमें चिन्ह जो रखा गया था वो चिन्ह था आपका ऑप्शन नंबर एक मिनट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल एवं रोटी कमल और रोटी जो था अठारह की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था अगला प्रश्न देखते हैं चौंतीस नंबर मुगल राज में किस राज्य को अपनी संपन्नता का कारण भारत का स्वर्ग कहा जाता है तो मुगल राज में किस राज्य को अपनी संपन्नता के कारण स्वर्ग कहा जाता है तो बंगाल को जो है मुगल काल में संपन्नता के, के कारण उसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है बंगाल को स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तो स्वतंत्र बंगाल राज्य के संस्थापक जो माना जाता है ये मुर्शीद कुली खा को माना जाता था नैनवार कौन थे तो नैनवार जो थे ये सैब से संबंधित थे सैब से संबंधित नैनवार थे स्वैदवाद सिद्धांत है तो सैदाद का सिद्धांत जो दिया था ये किसने दिया था तो ये जैन धर्म का है सैदवाद का सिद्धांत उसके बाद है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है जैन धर्म में वो आपका हो जाएगा कैबल कैबल की प्राप्ति जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान से संबंधित है अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने चौबीस कष्टदायक करों के स्थान पर केवल चार कर लगाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो था उस चौबीस कष्टदायक कर को हटाकर चार कर लगाया था अगला प्रश्न है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन क्या हुआ कि उलमाओं ने इसका विरोध किया अगला है मोती या पर्ल एक मोलास्का के मृदु उत्तकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है और निम्नलिखित में से कौन सा मोती मुख्य घटक है तो मोती का जो मुख्य घटक हो जाएगा वो कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा मोती पर्ल मोती या फिर पर्ल एक मोलास्का के मृदु उत्तकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है जो जो कि कैल्शियम नाइट्रेट मोती का मुख्य घटक है निम्नलिखित में से किसके सदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो किसके सदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट के कारण नाइट्रेट के कारण जो है नाइट्रेट सदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तैंतालीस नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट और जल के बीच के अभिक्रिया एच टू एस फोर निगेटिव प्लस एच टू ओ से एच थ्री एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन है और एस टू फोर का पावर टू निगेटिव में जल किस तरह कार्य करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल जो है एक क्षार के रूप में कार्य करता है हाइड्रोजन सल्फेट और जल के बीच जब अविक्रिया होती है तो उसमें जल जो है एक क्षार के रूप में कार्य करता है अगला प्रश्न देखिए चौवालीस नंबर चवालीस नंबर है कि एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए सफ़ेद पदार्थ का पानी मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है और इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं तो जब एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा करने के लिए सफ़ेद पदार्थ के पानी में मिलाकर बनाया जाता पेस्ट जो है वो पेस्ट क्या है तो किस चीज़ का होता है तो वो पेस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है इसका मतलब ये हुआ कि जब पैर हाथ की हड्डियां टूट जाती है तो जो प्लास्टर किया जाता है तो वो व्हाइट कलर का होता है पेस्ट और वो पेस्ट किस चीज का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है अगला प्रश्न है पैंतालीस नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है तो सही या गलत दोनों कथन ए और बी जो है दोनों कथन आपका सही है सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है और चांदी का लैटिन नेम -ने अर्जेंटम है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है एच टू फोर का प्रयोग पेट्रोलियम के परिसंकरण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों में उपस्थित के कारण होता है तो इसमें से सही हो जाएगा आपका केवल और केवल एक कथन जो है आपका सही होगा सैतालीस नंबर है कि सब सबसे नम्ननीय या तनशील धातु कौन सा है तो सबसे और या तनशील धातु जो हो जाएगा ये आपका ए यू है उसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है अच्छा एयू ए यू ए -ए 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 क्या हो? होता है गोल्ड होता है ठीक है सोना याद रखिएगा गोल्ड है है ना एयू गोल्ड -गु? है उसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है तो मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा होता है सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है तो ये आपका हो जाएगा मज्जा मेडुला जो होता है ये मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो सांस को नियंत्रित करता है मेडुला मज्जा हिंदी में कहते हैं 49 में दिया हुआ है कि किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है तो किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है उसे दर्शाया जाता है टू स्क्वायर के द्वारा पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है तो पुष्प के मध्य में स्थित जो मादा प्रजनन भाग होता है वो अंडप होता है कार्पेल्स क्या होता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है तो इको रिट्रीट महोत्सव जो आयोजित किया जाता है ये उड़ीसा में किया जाता है हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया जाता है जनवरी 2022 निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है तो केंद्र सरकार का जो मुक, मुक किया गया है, है मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं बी आनंद नागेश्वरन भारत सरकार द्वारा किस दिन को बीरवाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है प्रतिवर्ष तो बीरवाल दिवस मनाने की घोषणा जो किया गया है ये 26 सॉरी ये गलत दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी में अगला प्रश्न है वैश्विक सूर्य नमस्कार वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया गया तो वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम जो है यह आयोजित किया गया है चौदह जनवरी दो को पचपन नंबर प्रश्न देखिए पचपन नंबर कह रहा है आपको कि पंद्रहवें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है तो यह हो जाएगा दी पावर ऑफ द डॉग दी पावर ऑफ द डॉग जो है इसे पंद्रहवें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है दी पावर ऑफ द डॉग अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था तो अखिल भारतीय पहल अभियान जो है यह संबंधित है आपका न्याय आपके द्वार से जनवरी 2022 में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया तो जनवरी 2022 में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जो है लॉन्च किया है यह किया है क्रिप्टो वायर ने क्रिप्टो वायर ने जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी एएसीपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सी का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है जनवरी 2022 में ये बने हैं विजय पॉल शर्मा और ये सब करेंट का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और ये हम करेंट में बता भी चुके हैं तो आई होप आप सभी लोग इसका आंसर मजे से कर रहे होंगे अगला प्रश्न है जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है तो ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक का हैदराबाद में किया है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है तो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये दिया जाता है आपका लोक प्रशासन के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है 61 नंबर प्रश्न है कि खाद्य कृषि संगठन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार 2020 में सर्वाधिक वन छांचित क्षेत्र विश्व में किस देश में है तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है विश्व में वो हो जाएगा आपका रूस में है जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे तो सबसे अधिक जनसंख्या में बड़े बांध जो हैं ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में कहाँ पे है महाराष्ट्र में निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है टोक्यो लंदन न्यूयॉर्क बीजिंग इस सभी समूह में से कौन सा एक अलग है इसमें न्यूयॉर्क सबसे अलग है तो टोक्यो लंदन न्यूयॉर्क बीजिंग सभी में जो सबसे अलग है वो न्यूयॉर्क है क्योंकि न्यूयॉर्क को छोड़कर सभी जो है वो राजधानी शहर है अगला प्रश्न देखिए चौंसठ नंबर चौंसठ नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है धूपगढ़ चोटी जो है ये आपके सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पे है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है तो बहासा थाईलैंड ये आपका सुमेलित नहीं है डेनिस का डेनमार्क है मंदारिन का चीन मंदारिन चीन का है और डज नीदरलैंड का है तो थाईलैंड का जो है कौन सी भाषा है तो बहासा जो हो जाएगा ना ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया का बहासा इंडोनेशिया का है और थाईलैंड का थाई हो जाएगा थाईलैंड का सिर्फ थाई होगा तो इसमें से सुमेलित आपका डी जो है वो सुमेलित नहीं होगा अगला प्रश्न देखिए छियासठ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है छियासठ नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है तो कौन तो सी जनजाति जो है वो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है तो इसमें थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए एक तरफ मिट्टी दिया हुआ है दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है तो कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है तो जलोड मिट्टी जो है ये कहाँ मिलती है जलोड मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी मिलत मिलती है महाराष्ट्र में और लाल मिट्टी मिलती है लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थल ये राजस्थान में तो ऑप्शन नंबर बी इसका कॉरेक्ट आंसर है अगला है सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए इसमें दिया हुआ है एक तरफ आपका फल दिया हुआ है दूसरी तरफ उत्पादक राज्य दिया हुआ है और इसे मिलान करना है तो सबसे पहले इसे हम मिलान करते हैं देखिए इसमें दिया हुआ है आम आम तो देखिए आम का उत्पादक राज्य कौन सा है तो आम का उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा है ना आम का उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा यानी एक का चार हो जाएगा लीची का उत्पादक राज्य बिहार है तो तीन हो जाएगा उसके बाद नारियल का देखिए नारियल का केरल हो जाएगा नारियल का केरल हो जाएगा और सेब का हो जाएगा जम्मू कश्मीर तो चार तीन दो एक देखिए चार तीन चार तीन दो एक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है तो आम का उत्पादक राज्य हो गया उत्तर प्रदेश लीची का बिहार नारियल का केरल सेब का जम्मू कश्मीर अगला देखते हैं सिक्सटी नाइन नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है तो बजट पर बहस करने की जो प्रद, ब, प्र, मतलब बजट पर जो बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है किसे विधान परिषद को ये कौन सा अधिनियम है तो ये अधिनियम आपका है भारत परिषद अधिनियम अठारह अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी जाती है तो 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां जो है ये दी जाती है आपका गवर्नर जनरल को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है भारत को एक स्थान देने का सॉरी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को भारत को संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी उन्नीस को भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान में जो कुल ए, कुल अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी बारह अधिवेशन हुए थे लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था ये अमेरिका से हुआ था भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है यह है आपका संवर्ती सूची अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे संबरती सूची में स्थानांतरित किया गया कब किया गया तो इसे किया गया था बयालीसवां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया कोहेलो केस भारत के किस संविधान की अनुसूची से संबंधित है तो कोहेलो केस जो है भारत के किस संविधान की सूची से संबंधित है तो ये हो जाएगा आपका नौवीं अनुसूची से अठहत्तर अठहत्तर नंबर देखिए संविधान की अनुसूची छ इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है तो छठी अनुसूची जो है ये मणिपुर में लागू नहीं होती है अगला आपका यहाँ पे पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और संबंधित मॉडल दिया हुआ है इसे मिलान करना है तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था इसका मॉडल क्या था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराड डोमर मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था ये महान नोविस मॉडल और तृतीय का था एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ का था अशोक रुद्र मॉडल तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है भारत में उपभोक्ता मूल्य उपभोक्ता मूल सूचकांक का आधार वर्ष क्या है तो भारत में उपभोक्ता मूल सूचकांक का जो आधार वर्ष है ये हो जाएगा आपका 2012। हजार इक्यासी निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो ये नसरुद्दीन खुचरोसा के शासन काल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा शाही महलों में होती थी मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सुबिदार था तो बंगाल मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सुबिदार था वो था मुर्शिद कुली खा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इतसिंह 679 से लेकर 664 ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है तो इतसिंह का जो कार्य इतसिंह जो भारत रहा था ये रहा था 672 से 695 है ना छह से छह का ईस्वी ईस्वी था न की और फाहियान का सही दिया हुआ है तीन सौ निन्यानवे से चार सौ चौदह ईस्वी तक हैसोंग छो उनतीस से 645 सौ पैंतालीस तक तो ऑप्शन आपका इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है अगला प्रश्न देखिए सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए युद्ध दिया हुआ है और इसे मिलान करना है चार हो जाएगा द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था ये सत्रह से सत्रह सामने सामने सही है फिर आपका हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सत्रह से सत्रह

तो दरोगा को जो है अठारहवीं शताब्दी के उत्तरांत में कंपनी बहादुर की शानी, शानी शौकात का स्थानीय कहा जाता था किसे दरोगा को ऑप्शन नंबर 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 बी अगला देखते हैं प्रश्न में है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवासी प्रतिशत जो था अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को कुल राजस्व का हिस्सा दिया जाना था ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था किसके द्वारा तो किसानों के द्वारा अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था तो अगस्त प्रस्ताव को रखने वाला जो था वो इल, लिल लिथिंगो था अगस्त प्रस्ताव को रखा था लिल लिथिंगो ने अगला प्रश्न है नवासी नंबर की निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अन्य सिख गुरुओं की कृतियां को एकत्रित कर पदांश के रूप में इसका संकलन किया तो वो सिख गुरु गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने सभी सिख गुरुओं के कृतियों को एकत्रित किया और पादांश के रूप में इसका संकलन किया नब्बे कि अंग्रेज अधिकारियों का कराया था तो पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का करम कराया था तो वो थे मीर कासिम मीर कासिम जो था अंग्रेजों अधिकारियों का कत्लेम करवाया था पटना में अम्लीय वर्षा की खोज की थी तो अम्लीय वर्षा का खोज किया था रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने रॉबर्ट अंगुम अस्थिम ने स्मिथ ने अम्लीय वर्षा का खोज किया था साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं तो साबुत अनाज जो होते हैं ये विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं आर में क्या नहीं होता है तो आर में जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है उसके बाद हीमोग्लोबिन प्लाज्मा पानी सभी होता है हिपोक्रेटिक्स विज्ञान किस शाखा से संबंधित है तो हिपोक्रेटिस विज्ञान जो है इसका संबंध हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान से पंचानवे नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें नहीं है वो आपका हो जाएगा मटर मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है तो की में होता है अवतल दर्पण का निम्नलिखित में से किस खनिज से अतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरियम में बेरियम की बेरियम में अतिशबाजी हरा रंग उत्पन्न होता है बेरियम के कारण अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है एक बाइट आठ बिट्स एक किलो वाइट दस सौ चौबीस वाइट एक गीगा वाइट दस सौ चौबीस किलो वाइट्स एक टेडा वाइट दस सौ चौबीस गीगा वाइट तो क्या संबंध सही नहीं है तो आपका एक वाइट जो होगा ना आठ बिट्स ये आपका गलत संबंध है क्योंकि दस सौ चौबीस यहाँ पे होना चाहिए बिट्स ये गलत दिया हुआ है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइनटी सॉरी एक मिनट सॉरी यहां पे मैं गलत आंसर बता दिया आपको देखिए एक वाइट बराबर आठ व्हीट सही है एक किलो वाइट दस सौ चौबीस वाइट्स ये भी सही है एक की एक गीगा वाइट दस सौ चौबीस किलो वाइट्स ये जो संबंध है आपका सही नहीं है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये संबंध नहीं है क्योंकि एक गीगा वाइट बराबर तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना दस सौ चौबीस नहीं होगा सात सौ सॉरी पाँच सौ छिहत्तर होता है किलो वाइट है ना किलो वाइट एक गीगा बराबर होता है पाँच सौ छिहत्तर किलो वाइट इसलिए आपका सी जो है ये गलत आंसर है इसमें दिया हुआ और एक ट्रेडा वाइट दस सौ चौबीस गीगावाइट ये भी सही है और इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को हंड्रेड परसेंट मिलेगा नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है नाइन्टी नाइन नंबर कह रहा है कौन सा प्रश्न जो आपका कथन जो है वो सही नहीं है तो मनुष्य का कान एक हजार हज पर सबसे सुगराही होता है मनुष्य का आंख लाल रंग के सबसे अच्छे अधिक सुगराही होता है सुनने की धृष्टा एकवटा दस सेकेंड होती है और दृष्टि की धृष्टता एकवटा सोलह सेकेंड होती है तो सही नहीं है तो मनुष्य का आंख जो होता है लाल रंग के सबसे अच्छे अधिक सुगराही होता है ये आपका गलत दिया हुआ है तो मनुष्य का आंख जो होता है वो लाल रंग का नहीं अधिक हरा रंग का ज्यादा सुगराही होता है हरे रंग का होता है ना तो ये आपका कथन गलत दिया हुआ है निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडा अंडा जो है सभी खाद्य पदार्थों में अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है तो पे प्रैक्टिस सेट नंबर आपका समाप्त हो गया है अब प्रैक्टिस सेट नंबर आता है आपका देखते हैं एट नंबर प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट नंबर एट में पहला प्रश्न है आपके सामने कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकू ओका ग्रैंड नंबर प्रैक्टिस सेट में देखिए दिया हुआ है पहला प्रश्न आपका कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका का ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया तो फुकुओका का ग्रैंड पुरस्कार जो है जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे वी नाथ को जो है सम्मानित किया गया 2021 में हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है अनफिनिश पुस्तक जो है यह किसकी आत्मकथा है तो ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखिएगा भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है ये 850 मेगावाट की इसकी क्षमता है और भारत सरकार जो है इसे चिनाब नदी पर निर्माण कर रही है उसके बाद है आपका कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो मिजोरम दूसरा त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखिए अंतरिक्ष परिवहन स्पेस एक्स की ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए तो अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने सेटेलाइट को लॉन्च करके अपना रिकॉर्ड बनाया है तो ये आपका हो जाएगा चौदह ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए टोटल चौदह जो है सेटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने और अपना रिकॉर्ड बनाया है अगला प्रश्न है आपका कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना तो लीज कह तो यानी रेंट पे देने वाला तो ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उत्तराखंड उत्तराखंड जो है कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना भारत के छ लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा तो भारत के छ लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का जो लक्ष्य है यह रखा गया है २०२४ तक कब का है 2024 तक का आठ नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है तो प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत सबसे बड़ा नेवल बेस जो बना रही है ये बनाया जा रहा है कारवार कर्नाटक में आर्थिक समीक्षा 2021 हजार इक्कीस में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध किससे है तो ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध जो है इसका संबंध हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर से आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध जो है रविंद्रनाथ टैगोर से है हाल ही में प्रकाशित प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है तो नो द एंटी नेशनल के लेखक जो है ये हैं आर एस एन सिंह आर एस एन सिंह इसके लेखक हैं अगला प्रश्न ग्यारह नंबर कि निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है तो अफगानिस के साथ अफगानिस्तान के साथ रूस की सीमा जो है वो नहीं मिलती है बारह नंबर है कि निम्न में से किसे ओसेनिया के नाम से अवहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है तो ओसेनिया के नाम से अवहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है वो है आपका इंडोनेशिया पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है तो पृथ्वी का जो है ये सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है किसका तो अटकामा मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है पृथ्वी का चौदह नंबर प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं क्या तो पृथ्वी पर पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंचिया पैंचिया जो है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है उसका नाम है पैंचिया जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है तो जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र जो है ये अवस्थित है पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर एक कॉरेक्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है तो चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में जो प्रयुक्त उपयुक्त करता है उपयोग करता है ये है सीमेंट कौन सा उद्योग यानी सीमेंट उद्योग जो है ये चीना चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है सत्रह नंबर प्रश्न है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है तो तपोवन और विष्णुगढ़ जो है जल विद्युत परियोजना ये अवस्थित है कहाँ उत्तराखंड में ऑप्शन नंबर सी इसका कॉरेक्ट आंसर है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है तो ग्रीन गोल्ड जो है ये चाय की किस्म है भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो भोजपत्र वृक्ष मिलता है ये मिलता है आपका हिमालय में भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है हिमालय में यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर निकेश ने यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है इक्कीस नंबर प्रश्न है बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या बढ़ती है इसीलिए बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है ये करता है एन एस एस ओ एन एस एस ओ अगला प्रश्न देखिएगा बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के से प्रदत्त है तो जो व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसके जो मौलिक अधिकार की रक्षा होता है किस अनुच्छेद में प्रदत्त है तो आर्टिकल बाईस में उपराष्ट्रपति के उसके पद से निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है तो राज्य परिषद राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है अगला है भारत का प्रधानमंत्री होता है तो भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार छब्बीस का आंसर ए हो जाएगा जब पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किसके पास है बिहार के पास है बिहार राज्य में है अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद दो का के जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए निर्वाचन मन... निर्वाचन का संचालन करता है आर्टिकल दो के के तहत अट्ठाईस नंबर प्रश्न है एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है तो एशिया की धुरी विदेश की रणनीति ये जो दिया हुआ है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यूएसए की एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है यूएसए ए की अगला प्रश्न है रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी रॉ का निम्नलिखित में से किसका भाग है रॉ जो है किसका भाग है तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिवालय का रॉ जो है ये भाग है अगला प्रश्न है किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा तो अनुसूचित जन जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है तो ये हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की करने हेतु शक्ति उनके पास है उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध जो है यह मुख्यतः है आपका सुरक्षा परिषद से किसे सुरक्षा परिषद से बत्तीस नंबर प्रश्न है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया तो लिखित संविधान लिखित लिखित संविधान की जो अवधारणा है सबसे पहले यह जो जन्म लिया था ये अमेरिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1920 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंकीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1920 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने के संकल्प को अंकीकृत किया था अगला है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्रास्ता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए रॉल्फ फिज ने किन नगरों को लंदन से बड़ा नगर बताया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दो और चार एक तो लाहौर हो जाएगा और फतेहपुर सिकरी रॉल फिज ने बताया कि लाहौर और फतेहपुर सिकरी ये दोनों जो हैं, ये लंदन से भी बड़ा नगर है अगला है कश्मीरी कश्मीर में ऋषि आंदोलन के संस्थापक थे तो कश्मीर में ऋषि आंदोलन के जो संस्थापक थे ये शेख निरुद्दीन थे मेवाड़ का कौन सा राना विक्षि को है सॉरी मेवाड़ का कौन सा राजा होगा यहाँ पे राजा विक्षिप्त हो गया तथा पुत्र द्वारा मार डाला गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा जो था यह मेवाड़ का राजा था जो विक्षिप्त हो गया तथा पुत्र के द्वारा मारा गया दारा दारासिको ने किस गुरु से सहायता मांगी थी तो दारा दारासिको ने गुरु हरिराय से जो है सहायता मांगी थी निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर की सॉरी निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है तो ईश्वर को अभिशाप ईश्वर का अभिशाप जो अपने आप को कहता है वो चंगेज खा है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से सबसे उचित है तो छाते में जो रंग होता है वो किस किसके लिए होता है ताकि धूप से बचा जा सके गर्म कम हो तो उसमें लिए उसके लिए कौन सा कलर होता है तो ऊपर उजला नीचे काला एक मिनट देखिए ये गलत दिया हुआ आंसर आपका ये हो जाएगा ऊपर काला नीचे उजला होना चाहिए है ना छाता में नीचे क्या होता है उजला होता है और छता के ऊपर क्या होता है ब्लैक होता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में किसके किस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है बयालीस का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए तैतालीस नंबर प्रश्न देखिए एक रेडियोधर्मी तत्व जिस जिसके भारत वर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो वो हो जाएगा आपका थेरियम थेरियम जो है या तत्व है जिसे भारत वर्ष में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है तो केल्विन के मान से जो मानव शरीर का समान ताप है ये हो जाएगा तीन पैतृकता सिद्ध करने के लिए कौन सहायक है तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए जो सहायक होगा वो डी एन ए अंगुली छिपा हो जाएगा क्या हो जाएगा डी एन ए अंगुली छाप उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या से लोगों के प्राण लेने वाला रोग है तो विश्व डब्ल्यू एच ओ के द्वारा कहा गया है कि आज के समय में जो सबसे अधिक मौत होती है उसका कारण जो होता है कौन सा बीमारी होता है यक्षमा यानी टीबी सैतालीस नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है तो पोटेशियम अल्पता से संबंध जो है यह आपका हो जाएगा निम्न रक्त चाँप निम्न रक्त चाँप जो है ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है तो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है थर्मोस्टेट स्टेट अड़तालीस नंबर प्रश्न हो गया उनचास नंबर देखिए उनचास में कहता आयोडीन प्राप्त होता है तो आयोडीन जो है ये लेमिनेरिया से प्राप्त होता है ये अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्वित होते हैं वो क्या कहलाते हैं तो जो अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्वित तत्व होते हैं उसे कहा जाता है हाइड्रोसिस हाइड्रो सॉरी हाइड्रासिस या ऑनेक्सी अम्ल भी कहा जाता है एसिड्स या फिर ऑनेक्सी अम्ल भी कहा जाता है इंग्लिश में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है मिसप्रिंट लिखा हुआ है तो अम्ल है या फिर हाइड्रो एसिड कह सकते हैं इसे अगला प्रश्न के के बढ़ावा देने उद्देश्य से देश का प्रथम कहां बनाया गया। तो यह बनाया, बढ़ावा, बढ़ावा बनाया, तो बनाया गया है आपका त्रिपुरा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस मिशन का शुभारंभ हाल ही में किया है तो मनसुख मंडाविया के द्वारा जो मिशन का शुभारंभ किया गया है वो मिशन है सघन मिशन द इंद्रधनुष फोर पॉइंट जीरो उसके बाद है कि किस कि मंत्रालय द्वारा पावरथॉन दो हजार बाईस हाल ही में लॉन्च किया गया तो पावरथॉन दो हजार बाईस जो ये लॉन्च किया गया है ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में किस फिल्म ने एन एच आर सी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है तो एन एच आर सी की लघु फिल्म पुरस्कार की प्रतियोगिता जो जीती है वो हो जाएगा आपका स्ट्रीट स्टूडेंट अगला प्रश्न देखिएगा हाल ही में किसे यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एम जगदीश कुमार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आई ने ओमिक्रेन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है या कौन सा है तो स्वदेशी किट जिसे टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा घर पे ही उसका नाम है ओमियस्ोर एम ओमिश्योर अगला देखते हैं जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला एक देश कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीगुआ और वारबुडा ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाला एक देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया तो देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया है ये किया गया है दस से लेकर सोलह जनवरी तक जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई तो डेल्टा क्रोन की जो पहचान किया गया है ये किया गया है आपका साइप्रस में कहाँ पे साइप्रस में लोशांग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया तो लोशांग महोत्सव भारत के सिक्किम राज्य में मनाया गया लोशांग महोत्सव इकसठ नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है तो मृदा से संबंधित है इडेफिक इडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जो है ये अवस्थित है हैदराबाद में बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो बिहार में डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है तो मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है वो है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना ये कहलाता है मिश्रित ऊत... मिश्रित खेती अगला प्रश्न है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है तो करेवा भू आकृति जो पाई जाती है ये पाया जाता है आपका कश्मीर हिमालय में कहा पे कश्मीर हिमालय के भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकार नामक सूचक था तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकार नामक सूचक था यह था आपका हिंद महासागर का सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से सर्वाधिक सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है लहरों से होता है संकोष नदी किसकी सीमा बनाती है तो संकोष नदी जो है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच अपनी सीमा बनाती है संकोष नदी भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है भारत में अगला प्रश्न है सत्तर नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है तो पक्षी के पंजे की आकृति वाला जो डेल्टा बनता है ये आपका मीसी में कहाँ पे मीसी ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकहत्तर नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का नाम भारत का संविधान होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल तीन सौ तिरानवे भारतीय संविधान का नाम भारत का संविधान होगा ये आर्टिकल तीन सौ तिरानबे में वर्णित है समाज में समानता होने के समानता होने का एक निह निहितार्थ यह है कि उसमें समाज में समानता होने का एक ही निहितार्थ नि, है कि उसमें क्या होगा तो इसमें हो जाएगा विशेषाधिकार का अभाव उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रभुता किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका संप्रभुता है अगला प्रश्न है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में संसदीय परना, संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है इसीलिए अगला प्रश्न है पचहत्तर नंबर संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहा है निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है तो सुशासन की विशेषता जो नहीं है जवाबदेही कानून का नियम पारदर्शिता और लाल फिताशाही तो लाल फिता जो है ये सुशासन की विशेषता नहीं है बाकी तीनों है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो हमारे भारत के संविधान के उद्देशिका में जो शब्द नहीं है वो हो जाएगा लोक कल्याण लोक कल्याण का चर्चा हमारे प्रस्तावना में उद्देशिका में नहीं है गणराज अखंडता और बंधुता ये तीनों हमारे उद्देशिका में शामिल हैं इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है बाद में या सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है अगला है संविधान पांडुलेखन संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एच सी मुखर्जी संविधान पाण्डुलेखन समिति एच सी मुखर्जी सदस्य नहीं थे उसके बाद है निम्न में से कौन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का संवैधानिक प्रक्रिया है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है ये है राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर इसे हटाया जा सकता है इक्यासी नंबर प्रश्न है कि भारत के किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी तो सिविल सेवा की शुरुआत चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट सत्रह के तहत हुआ था स्वतंत्रिक सॉरी स्वतंत्रता किस धर्म का संप्रदाय था तो स्वतंत्रता जो था ये आपका बौद्ध धर्म का संप्रदाय था गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था तो गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में हाली पद्धति संबंधित है हाली पद्धति जो है ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है अगला प्रश्न है पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके उस समय जो वायसराय थे ये आपके लॉर्ड इरविन थे कौन लॉर्ड इरविन तो लॉर्ड इरविन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पहले गोलमेन सम्मेलन कब हुआ था 1930 में हुआ था पहला फिर 1931 में हुआ था उन्नीस में तीन गोलमेन सम्मेलन हुआ था और इसका रीडिंग था उस क्रम था अगला प्रश्न देखिए छियासी नंबर छियासी नंबर प्रश्न है कि वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है तो बड़ा की जो पंच सिध... पंच सिद्धांतिका है ये आधारित है आपका यूनानी ज्योति विधा पर विजयनगर के किस शासक के चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा तो विजयनगर का कौन सा शासक था जो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था तो वो बुक्का प्रथम था बुक्का प्रथम था जो विजयनगर का शासक था और ये चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत को भेजा था गुजरी महल किसने बनवाया था तो गुजरी महल जो बनवाया था मानसिंह ने बनवाया था सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी तो सरजामी प्रथा जो है इसका संबंध मराठा भू राज्य व्यवस्था राज्य प्रथा प्रथा से था मराठा भू राज्य प्रथा से था सरजामी प्रथा का संबंध नब्बे नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है नाइन्टी वन नंबर प्रश्न है क्रिसमस वृक्ष है तो क्रिसमस वृक्ष जो है वो एरोकेरिया है क्या है एरोकेरिया सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है तो मूल तत्व पूछा जा रहा है तो इसमें हीरा जो है ये मूल तत्व है अगला प्रश्न है पंचानवे नंबर दस दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है अगर दस दिन तक आप फास्ट में रहते हैं तो लीवर में क्या होगा ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है नाइन्टी सिक्स नंबर है कि तुलसी के पौधे का औशुधी महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो फिनॉल एवं फ्लोनोवाइड्स के कारण फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स इसकी उपस्थिति के कारण तुलसी को एक औषधीय पौधे का महत्व दिया गया है प्रोजेस्टोन और इस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है तो प्रोजेस्टोन एवं इस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये स्रावित होता है आपका कर्पस ल्यूटियम से कर्पस ल्यूटियम से प्रोस्टेस्टोन और इस्ट्रोन जो है ये दोनों श्राबित होता है लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होता है तो लार में पानी का मात्रा निन्यानबे दशमलव सत्ताईस प्रतिशत होता है कोलेस्ट्रोम में अधिक मात्रा होता है तो कोलेस्ट्रोम में जो अधिक मात्रा होता है विटामिन ए होता है एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है तो एक पूर्ण हृदय की एक पूर्ण हृदय चक्र की जो अवधि होती है वो जीरो पॉइंट आठ सेकेंड होती है अब है आपका प्रैक्टिस नंबर नाइन पहला प्रश्न है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क जो है ये स्थापित किया जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में और देश का यह पहला होगा अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है तो हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी की सुविधा में विस्तार के लिए जो है मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है किसने केंद्र सरकार के द्वारा मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो की गई है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति की शुरुआत की गई है अब्दुल रजा गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया उनका संबंध किस देश से है तो अब्दुल रजा गुड़नाह को जो दो का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इनका संबंध जो है ये से है? से. है. कहां से है राजस्थान से ऑप्शन नंबर सी इसका सीक्ट आंसर है अब्दुल रजा गुड़ा कहाँ से है राजस्थान से देखिए सबसे पहले दिया है अब्दुल रजाक गुड़ना को वर्ष 2021 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था उनका संबंध किस देश से है देखिए ना कि इसमें राजस्थान हoga, ना होगा ना तजाकिस्तान होगा ना तस्मानिया होगा ना पंजाब वो कहाँ से थे उनका संबंध तंजानिया से है है ना तंजानिया से है और तंजानिया के जांजीवार जांजीवार में इनका जन्म हुआ था तो ये वहीं से संबंधित है तो पता नहीं ये ऑप्शन किस लिए ऐसा दिया हुआ है मेरे को कन्फ्यूजन है थोड़ा सा इसमें बट इसका राइट right आंसर तंजानिया ही होना चाहिए ठीक है तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगला प्रश्न है अगर आप लोगों को इसमें से कुछ सही लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस राज्य से है तो अवनी लाखेरा का संबंध ये हो जाएगा आपका राजस्थान से ऑप्शन नंबर सी इसका कॉरेक्ट आंसर है भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है एक से लेके सात सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 हज़ार इक्कीस की थीम निम्नलिखित में से क्या है तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष का मनाया जाता है तो इसका आंसर एक से सात सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या था तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो एक से लेकर सात सितंबर सितंबर तक मनाया गया और 2021 में इसका थीम जो था यह था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट फीडिंग स्मार्ट राइट फॉर स्टार्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त 2021 को आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया था तो 31 अगस्त 2021 को जो आर्थिक आपातकाल लगाया गया था ये श्रीलंका में लगाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकांगो विश्वविद्यालय में के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकांगो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है यह है आपका भारत ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दस नंबर देखते हैं दस नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दस नंबर आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विशेष आहरण अधिकार का आवंटन अगस्त 2021 में बढ़ाकर कितना कर दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विशेष आड़न अधिकार का आवंटन यानी एस डी आर का आवंटन अगस्त 2021 में बढ़ाकर जो कर दिया है ये कर दिया है बारह दशमलव संतावन अरब एस डी आर उसके बाद बात करते हैं ये जो एस डी आर क्या है ये एस डी आर जो है ना आई एम एफ की मुद्रा है ठीक है आई एम एफ की मुद्रा का नाम है एस डी आर सॉरी आई एम एफ है ना उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो सॉरी निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है तो सिंधु नदी से जो सीधे मिलती है वो आपका हो जाएगा सतलुज नदी सतलुज नदी जो है वो सिंधु नदी से सीधे मिलती है बारह नंबर प्रश्न है भारत के संदर्भ में डिडाम्बना कुचामन सरगोल और खाटू किनके नाम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवन झील का लवन झील का नाम है कुचामन शारगोल खाटू भारत के संदर्भ में डिडामना कुचामन शारगोल और खाटू किसका नाम है लवन झील का अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है एक तरफ झील दिया हुआ है दूसरी तरफ देश का नाम दिया उसे मिलान करना है कि कौन सा इसमें मिलान जो है ये आपका सही नहीं है तो देखते हैं इसे तो देखिए सबसे पहले कह रहा है सुमेलित है तो वल खास यानी वालकाश ये जो है कजाकस्तान ये सही दिया हुआ है कजाकस्तान देश में है झील टीटिकाका झील बोलविया पेरू में है ये भी सही है इडी यूएसए या फिर कनाडा में है और बैकाल यूक्रेन ये आपका सुमेलित नहीं है बैकाल झील जो है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में है ठीक है अगला प्रश्न है आपका चौदह नंबर चौदह नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ सहायक नदी का नाम दिया हुआ है इसे मिलान करना है तो गोदावरी गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है तो गोदावरी की सहायक नदी जो हो जाएगा वो पेनगंगा है महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है दामोदर की बराकर है और कावेरी का भवानी है तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौदह का पंद्रह नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है तो दिया हुआ इसमें से सही सुमेलित है वॉक लोह दगा ये सही सुमेलित है बॉक्साइड जो है वो लोह दगा ये सही सुमेलित है राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में स्थित है उमियाम झील उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है उमियाम झील या बारापानी झील जो है ये मेघालय प्रदेश में स्थित है कहाँ पे है मेघालय में निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्फेयर में जो पानी है वो गैस तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है उन्नीस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी, नदी, तो नदी, नदी।, नदी, नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है वो है आपका बांगछू नदी बांगछू नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है तो भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है वो नीति आयोग है भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है तो भारत में गरीबी गरीबी रेखा के निर्धारण का जो आधार है वो है उपभोग का आंकड़ा उपभोग आंकड़ा संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरानवे संविधान संशोधन के द्वारा जो है पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थान के प्रवेश हेतु सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण दिया गया मंडल आयोग जिसके सॉरी मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुन् विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरारजी देसाई जो थे वो मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूतनी विवाद एवं सूत्रपात किया मुरारजी देसाई को गठित करने वाले थे अगला प्रश्न है 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था यह किया गया था आर्ट के 123 के तहत संसद द्वारा संकटा काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है तो एक माह के द्वारा संकटा काल की घोषणा का अनुमोदन एक माह की अवधि के में होना प्रश्न छब्बीस जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे तो जेवी मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत सरकार के भारत सरकार के विधि सलाहकार है अगला है अट्ठाईस नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेता तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं राज्य की विधानसभा जो है वे राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में तो भाग लेते हैं लेकिन जब उसी पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसके अधिकरण में भाग नहीं लेते हैं संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा तो संविधान को पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने कहा था संविधान सभा के समुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा तो संविधान की सभा के समुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो है भभूति हस्तिमल तथा क्षमेश्वर प्रसिद्ध थे क्योंकि वो नाटककार थे कौन थे नाटककार थे अगला प्रश्न है बत्तीस नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो देखते हैं कौन सा कथन आपका सही है अजंता गुफा बघोरा नदी के घाटी पर स्थित है अजंता की गुफा ये जो कथन है आपका सही है सांची का स्तूप मंदिर नर्मदा घाटी पर स्थित है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी पर स्थित है तो ये देखते हैं इसमें कौन सा देखिए यहाँ पे बघूरा दिखा हुआ है कहीं कहीं आपको ना बघोरा नहीं वगुरना भी दिखेगा ठीक है इस तरीके से लिखा हुआ भी दिखेगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा ये इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर तैंतीस नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा झिंग का नग नगड़ा ये जो है मौर्यकालीन मूर्तियाँ मणिभद्र या फिर यक्ष के नाम से अंकित मूर्ति जो जो प्राप्त हुआ है ये झिंग का नगर से प्राप्त हुआ है अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता है तो कौटिल्य अर्थ के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था क्या कहा जाता था धर्म धर्मस्थाई धर्म दीवानी दीवानी कचहरी को कहा जाता था अगला प्रश्न है पैंतीस नंबर कि अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत जो देश सम्मिलित था वो आपका कर्नाटक था ऑप्शन नंबर डी इसका कॉरेक्ट आंसर है अगला देखते हैं थर्टी सिक्स नंबर प्रश्न थर्टी सिक्स में कह रहा है कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है तो इसका करेक्ट आंसर इंडिका हो जाएगा मौर्य काल की पुस्तक जो है इंडिका इसमें जहाज़ निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है सैंतीस नंबर प्रश्न देखिए कौटिल्य ने किसको सेना भर्ती होने की छूट दी तो कौटिल्य ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश और शूद्र को सेना में भर्ती होने की छूट दी थी भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही निम्नलिखित सॉरी निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था तो इसका कॉरेक्ट आंसर वो जेवी मावलंकर जो थे ये ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाले कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जो थे ये कांग्रेस के नेताओं में से एक थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे अगला प्रश्न देखते हैं इकतालीस नंबर स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है तो ये ध्वनि की बहुप्रावर्तन द्वारा अगला प्रश्न देखते हैं बयालीस नंबर एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग धर के बराबर होती है तो एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग धर जो होती है ये तरंग बेग के बराबर होती है ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो हो जाएगा आपका रीनोवायरस पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो है रीनोवायरस मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है तो मलेरिया तथा डेंगू इस दोनों में जो उभयनिष्ठ नहीं है ये हो जाएगा आपका मच्छर की प्रजाति एंथोफोविया निम्न का डर है तो एंथोफोविया जो है किससे डर लगता है तो एंथोफोविया में जो है डर लगता है वो आपका पुष्पों का किसका पुष्पों का अगला प्रश्न है पुष्प से इंथोफोविया में डर लगता है अगला प्रश्न देखिएगा छियालीस नंबर मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है तो मच्छर भगाने वाली दवाइयों में जो सक्रिय रसायन होती है वो एलिथ्रीन होती है शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है तो शुष्क धुलाई में पेट्रोल व्यंजिन एल्कोहल सभी सभी का प्रयोग होता है अगला है निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है अगला प्रश्न है फोर्टी नाइन नंबर एक कार्बन क्रेडिट समतुल है एक कार्बन क्रेडिट समतुल है एक हजार किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अगला प्रश्न है पचास नंबर पचास नंबर प्रश्न देखते हैं निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है तो जंगल की आग ब्यूटिया को कहा जाता है मोनोस्पार्मा म, ब्यूटिया मोनोस्पार्मा को जंगल की आग कहा जाता है अगला प्रश्न देखते हैं इक्यावन नंबर इक्यावन नंबर में है ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी किस सशस्त्र बल या समूह मैनुअल है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ब्लू बुक जो हाल में खबरों में थी वो जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बल्का शमू मैनुअल है अगला प्रश्न है मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है तो मिताली एक्सप्रेस जो है ये ढाका और सिल्लीगुड़ी के बीच चलती है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण को वृद्धि करना विकलांग के कल्याण वृद्धि करना हैदरपुर नम भूमि को भारत की सैंतालीसवीं रामसर नम भूमि के रूप में चिन्हित किया गया और यह नम भूमि किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में हैदरपुर नम भूमि को भारत की सैंतालीसवीं रामसर नम भूमि के रूप में चिन्हित किया गया यह नम भूमि जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है चौवन पचपन देखते हैं शेबी के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है तो सेबी के अध्यक्ष के पद पर जो नए अभी बने हैं वो कौन बने हैं तो ये आपका हो जाएगा माधवीपुरी बुच्छ भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग वांग चुक ने 17 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च नागरिक सम्मान न्यागदाग पेल्गी खोरलो न्यागदाग पेल्गी खोर्लो निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है तो भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग ने 17 दिसंबर 2021 देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान न्याग दंग पेलेगी खुरलो प्रदान करने की घोषणा की है ये किया जाएगा नरेंद्र मोदी को भूटान का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है अगला प्रश्न है संतावन नंबर कि किस राज्य की कैबिनेट ई कचरे का निपटारा करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी तो ये जो है दिल्ली दिल्ली जो है वो कैबिनेट ई कचरे का निपटारा करने हेतु देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान किया है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलन भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया है मिलन किस में मिलन में अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है तो आईआईएससी बेंगलुरु ने एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है और इसका नाम रखा है परम प्रवेग निम्न में से किसे पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है संजीव सन्याल संजीव सन्याल को पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है अगला देखते हैं इकसठ नंबर इकसठ नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन यूक्रेन के पड़ोसी देश नहीं है तो यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया है हंगरी है स्लोवाकिया है साइबेरिया नहीं है भारत को वर्षा का अधिवाक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है इसका कारण क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्षा के पानी का तेज से बह जाना तेजी से बह जाना वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना तो ये सभी कथन जो है सही है भारत के वर्षा अधिवक्त होते हुए भी यह देश प्यासी धरती कहलाती है इसके कथ इसके संदर्भ में अगला प्रश्न है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है का चिन्हित करिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोमती गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदान में है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है तो किसके उत्पादक से गेहूं से तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश पहला है उसके बाद पंजाब है फिर मध्य प्रदेश है ऑप्शन ए इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है तो खड़ी फसल जो इसमें से है उसे देखते हैं तो एक तो आपका मूंगफली है दूसरा मक्का भी है और धान है मसूर नहीं है तो ये तीन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छियासठ नंबर प्रश्न है कि मालच मालज खंड किस उत्पादन से संबंधित है तो मालज खंड जो है इसका संबंध है तांबा से निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है तो कौन सा राज्य जो है सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो ये है आपका राजस्थान राजस्थान जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं तो हेलोफाइट्स जो है ये क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करती है निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है तो पेरियार झील जो है ये लैगून झील नहीं है अष्टमुडी चिल्का पुलिकट सभी लैगून झील है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये जो है झांसी में भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है झांसी में इकहत्तर नंबर प्रश्न देखिए कि एक बाज़ार जहाँ सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं उसे कहा जाता है पूर्ण प्रतियोग प्रतियोगी बाजार वर्ष उन्नीस की वटलर कमेटी का उद्देश्य था तो वटलर कमेटी जो उन्नीस में आया था उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ऑप्शन नंबर डी इसका कॉरेक्ट आंसर है काला विधायक किसे कहा जाता है तो काला विधायक रॉलेट विल को कहा जाता है उन्नीस ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष थे तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान में जो अधिवेशन हुआ था वो कुल बारह अधिवेशन हुआ था अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका है यह कथन जो है आपका आइजवर जेनिक्स का है आइजवर जेनिक्स का कथन है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आँका है अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो यह किया गया है कनाडा के संविधान से राज्यों की संघ की संकल्पना भारत भारत में में प्रजातंत्र प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया तो भारत में दल जो है इसे महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया उनासी नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है तो ये जो हो जाएगा इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है यह निर्धारित करता है कि भारत संविधान परिसंघीय है भारतीय संविधान के शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू करने की बात किस अनुच्छेद में वर्णित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर तीन सौ चौरानबे आर्टिकल नंबर तीन सौ चौरानवे जो है इस अनुच्छेद में छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू करने की बात की गई थी भारतीय संविधान के कुछ अनु अनुच्छेद को अगला प्रश्न है इक्यासी नंबर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो ये हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण मृत तो भांड सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृत भांड भारतीय इस इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे तो ये हो जाएगा आपका मैत्रेय भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैत्रेय जो है भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित है निम्नलिखित में से कौन सही काल क्रमानुसार है तो सबसे पहले इनका कालक्रमानुसार सही व्यवस्थित करना है तो देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले आपका हो जाएगा शंकराचार्य फिर रामानुज फिर चैतन्य ये आपका क्रम सही है निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजियाकर को समाप्त किया था तो जजियाकर को समाप्त किया था जैन उल ने सबसे पहले भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे के गोखले जी के गोखले जो है भारत के कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर अर्थर कार्टन को निम्न में से कौन भारत में उपनिषेद उपनिवेशवाद का या फिर के आर्थिक आलोचक था थे तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक तो दादा भाई नेहरू जी दूसरे आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त ये तीनों जो हो जाएंगे भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे अठारह के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैनिक को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिक को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना नवासी नंबर प्रश्न है कि पाग, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था तो यह विद्रोह कैसा विद्रोह था तो ये, तो ये गारो के द्वारा किया गया विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बाबा ने किया था और आदिवासी का इस देवता भी ठक्कर बाबा को ही कहा जाता है अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर अगर एक स्वस्थ व्यक्ति 24 फोर आवर में 1.5 लीटर जो है वो मूत्र निष्कासित करता है कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रस जो डैस से ग्रसित होते हैं तो कम प्रोटीन युक्त आहार जो है उस उन रोगियों को दिया जाता है जिन्हें जो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीलिया जो पीलिया से ग्रसित होते हैं उन्हें प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है कम दिया जाता है माँ के दूध अगला प्रश्न है माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है तो माँ के दूध में प्रोटीन का लैक्टोफेरिन पाया जाता है दाल में कौन सा एमिनो अम्ल नहीं होता है तो दाल में उसके लिए जानना होगा कि कौन सा एमिनो होता है तो ल्यूलियोसिन लियो, तो होता है मिथियोनिन होता है आइसो लियो, आइसोल्यूशिन होता है यानी कि लाइसिन नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पारावैग्निक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक यानी पिगमेंट है तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलोरोफिल लिटमस प्राप्त किया जाता है तो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है अगला देखिए जहाज़ों जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो जहाज़ों में समय मापने के लिए जो उपकरण का यूज किया जाता है वो क्रोनोमीटर का निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय बे की सही इकाई हैं तो कोणीय बे की सही इकाई रेडियन सेकेंड पर सेकेंड है किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी आव प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए एंड लास्ट प्रश्न है आपका इस प्रैक्टिस शीट का ध्वनि के बेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो ध्वनि के बेग पर प्रभाव जो नहीं पड़ता है ये दाब का दाब का दाब का जो है ध्वनि के बेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है अब अगला प्रैक्टिस शीट देखते हैं अगला प्रैक्टिस शीट आपका प्रैक्टिस शीट नंबर दस है पहला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस वर्ग की प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैक एवं फील्ड टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 में हुआ था इसमें ट्रैक एवं फील्ड वाले वर्ग में प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग के एक भाग को आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन 925A राजस्थान ये जो है भारत का राष्ट्र भारत के एन एच ए जो है राजस्थान में इसे एक भाग के आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया है एन एस ए राजस्थान इसे याद रखिएगा वर्ष 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान हंगर इंडेक्स में दिया गया है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार जिसमें भारत का स्थान दिया गया है भारत का स्थान एक सौ है ऑप्शन नंबर सी इसका कॉरेक्ट आंसर है सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच टू प्लस टू वार्ताएँ संपन्न हुई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो हुआ है भारत और दूसरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टू प्लस टू वार्ता जो है वो संपन्न हुआ अगला प्रश्न है पाँच नंबर निम्नलिखित में से किस देश की सरकारी संस्थाएं दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए नगद धनराशि का प्रलोभन दे रही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन चीन जो है वो अपने चीन जो है वो देश की सरकारी संस्थाएं के दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए नगद धनराशि का प्रलोभन दे रही है सेवा और समर्पण अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से है सेवा और समर्पण अभियान का संबंध तो ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से सेवा और समर्पण अभियान का संबंध है सेना के लिए गोला बारूद वस्त्र वाहन आदि का उत्पादन एवं वितरण करने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी ओ को भंग कर उसका कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को सरकार ने आवंटित किया है तो सरकार ने टोटल कितनी कंपनी को आवंटित किया है सात कंपनियों को सरकार ने आवंटित किया है आठ नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन 2021 से बंद कर दिया गया है तो किस ए, किस रिपोर्ट का प्रकाशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है 2021 से बंद कर दिया गया है नाइन नंबर प्रश्न देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर दो में प्रदान किया गया तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है वो कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2021 में प्रदान किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र 2021 का नोबेल तुल्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल तुल्य पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है डेबिट कार्ड को जेसवर एंग्रिस्ट को और गुंडो एम्बेंसिस को सभी को दिया गया अगला प्रश्न है ढोला सादिया, ढोला सादिया पुल यानी भूपेन हजारिका सेतु देखिए इसका नाम एक ही है ढोला सादिया पुल या फिर भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया तो यह लोहित नदी पर किया गया है भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण क्वाटराइज कायांत्रित होता है तो क्वाटराइज जो है यह कायांत्रित होता है बलुआ पत्थर से अगला प्रश्न देखते हैं तेरह नंबर भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र है तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र जो है ये हो जाएगा धारवाद तंत्र भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है तो भारत की प्रथम रामसर साइट जो है ये हो जाएगा आपका चिल्का झील उड़ीसा का जावा शा, जावा सागर तथा हिंद सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है जल संधि वो जल संधि है आपका सुंडा जल संधि। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि सुंडा जल संधि है निम्नलिखित गलत जोड़े का चयन कीजिए ड्राई केसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका सही है ए पी नाइन पर्वत इटली में इटली में पेरिनीज पर्वत जर्मनी ये आपका सुमेलित नहीं है माउंट कुक न्यूजीलैंड सभी सही है आपका को छोड़ के तो इसका करे तो इसमें दिया हुआ है कि ये पेरिनीज पर्वत जर्मनी ये आपका कथन गलत है पेरिनीज पर्वत कहाँ है पेरिनीज पर्वत आपका यूरोप में होगा यूरोप में होगा और यूरू, यूरू जो है, ये जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है तो ऑप्शन इसका आपका सी करेक्ट हो जाएगा सत्रह नंबर प्रश्न देखते हैं सत्रह नंबर प्रश्न है कि, कि निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो हो जाएगा ये होगा उत्तरी अमेरिका भारत के किस बंदरगाह को पोत प्रांगण सबसे बड़ा है पोत प्रांगण सबसे बड़ा जो है भारत के बंदरगाह का वो है आपका कोचिन बंदरगाह अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है निम्नलिखित में से किस सॉरी किसे होगा यहाँ पे किसे माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है तो माइका सिटी ऑफ इंडिया जो कहा जाता है कोडरमा को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी अब देखिए बीस नंबर सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए घास का मैदान है और देश दिया हुआ इसे मिलान करना है तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इसे मिलाना है बीस नंबर प्रश्न है इसे मिलाते हैं सबसे पहले तो देखिए इसका हो जाएगा पम्पास पम्पास का कहाँ हो जाएगा अर्जेंटीना पम्पास में है सॉरी पम ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं और उसके बाद हो जाएगा एमेजोन बेसिन की घास के मैदान सिलवाश है शवाना कहाँ के घास के मैदान का नाम है तो शवाना जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा केन्या तंजानिया और विल्ड आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल कॉरेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर 21 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल 2015 से 17 में भी रहे थे आंसर तो हो जाएगा बिहार वर्तमान में राष्ट्रपति के, में, में के लिए पेंशन प्रदान करती है किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल इकतालीस के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति के निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है तो राज्य के निर्देश तत्व की विशेषता नहीं है वो हो जाएगा आपका न्यायोग प्रकृति ये जो है राज्य के नीति निर्देश तत्व की विशेषता नहीं है अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिहत्तरवा संविधान संशोधन के द्वारा जो है महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया पंचायती राज संस्था में निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया तो दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव जो दिया यह जयप्रकाश नारायण ने दिया भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल दो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके समान है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के समान अगला प्रश्न देखिए अट्ठाईस नंबर कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी बिट्टो कहा गया तो जेबी विट्टो आपका ऑप्शन नंबर ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी विटो कहा जाता है अगला प्रश्न है उनतीस नंबर कि संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओवीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो ओवीसी को जो आरक्षण दिया गया है आर्टिकल सोलह का खंड, और का, खंड, का, खंड चार और का खंड चार के तहत किलो आपका और सोलह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका कॉरेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखिए तीस नंबर भारतीय संविधान में समता का अधिकार पांच अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है और ये आर्टिकल है आपका ऑप्शन चौदह से लेके अठारह के बीच निम्नांकित में से कौन सा वायसराय था जिसका साहित्यिक ज्ञान का अत्यंत समृद्ध था यद्यपि कि वह घानघोर साम्राज्यवादी था तथा साहित्य जगत में ओवे मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था तो ओवे मेरिड के ओवे मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था जो साहित्य जगत में वो थे लिटन लिटन जो थे इन्हें साहित्य के जगत में ओवे मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था अगला प्रश्न है निम्नकित में से कौन अठारह ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं था तो आशाफ खां मौलवी अहमदुल्ला खा, अमर सिंह लक्ष्मीबाई सभी थे बस आपस उल्लाह खान जो है ये अठारह ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं था महात्मा गांधी के राम राज्य के दो सिद्धांत थे तो महात्मा गांधी के राम राज्य के जो दो सिद्धांत थे वो कौन था सत्य और अहिंसा अगला प्रश्न है हाल ही के संख्या के आधार पर कौन सा मुगल बादशाह राजस्व की वसूली करता है तो राजस्व की वसूली करता है अकबर किस सुल्तान की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई तो जौनपुर का स्थापना जो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्ध सहिता आर्यभट्ट ये जो है सुमेलित नहीं है बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं मुद्रा रक्षक विशाक दत्त वृक्ष अश्वघोष मुद्रा राक्षक विषाक दत्त वृक्षकटकम सुद्रक और वृद्ध संहिता आर्यवट की नहीं है ये जो वृद्ध संहिता हो जाएगा ये बड़ा मिर की है किसकी बड़ा मिर की है जयचंद का किला कहाँ अवस्थित है तो जयचंद का किला जो है ये अवस्थित है आपका कन्नौज में में पलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला था तो सत्रह संतावन में पलासी का युद्ध हुआ था किसके सिराज उद्दौला के साथ और सिराज उद्दौला के साथ जो विश्वासघात किया था वो था मीर जाफर अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या पर किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर में आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से वह प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसका चालीस विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है तो वो हो जाएगा आपका पंचतंत्र पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की पुस्तक है इसके उपन्यास है इसमें जो है इसे 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र को एंजाइम एक क्या है तो एंजाइम जो है एक प... क्या है एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सी है विटामिन सी जो है वो घाव भरने वाली विटामिन है किश के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है तो किश के अवशोषण में विटामिन सी जो है वो मदद करता है तो ये हो जाएगा आपका लौह के लौह के में जो है विटामिन सी मदद करती है अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यता उसका रक्त दाब क्या हो जाता है तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट कहते हैं तो हाइड्रोफाइट जो है किसे कहते हैं हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहा जाता है हेलोफाइट हेलोफाइट कहा जाता है वैसा पौधा जो मिट्टी में नहीं उगता है मिट्टी युक्त जमीन में उगते हैं अगला प्रश्न सॉरी नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वैसे हेलोफाइटा उसे कहते हैं ठीक है मानिक और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं तो मानक और नीलम जो है ये अल्मोनियम ऑक्साइड के रूप में रासायनिक रूप में जाने जाते हैं समय मापक विज्ञान है समय मापक विज्ञान कौन सा हो जाएगा हैरोलॉजी हैरोलॉजी जो है वो समय मापक विज्ञान है कमरे में लगा हुआ वतानुकूल व नियंत्रित करता है तो एसी जो होता है वो लगा होता है वो किसे किसे सॉरी वतानुकूल क्या नियंत्रित करता है यहाँ पे सट गया है तो मुझे स्पेस नहीं है तो इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया कमरे में लगा हुआ वतानुकूल क्या नियंत्रित करता है तो जो एसी लगा होता है रूम में वो किस चीज को नियंत्रित करता है तो जो नियंत्रित करता है वो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल इंडिया लिमिटेड को जो है वो भरोसेमंद कंपनी के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह भारत की कंपनी है भारत सरकार ने किस देश में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए बहुयामी ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उन सभी को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया है हाल ही में किस संस्था ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा आईटीआई रुड़की ने किसानों के लिए एक किसान किसान ऐप को लॉन्च किया है उसके बाद है कि निम्न में से किसे युवा गणितज्ञ को वर्ष दो किस युवा गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो नीना गुप्ता को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये मनाया जाता है कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है चौबीस फरवरी को अगला है छप्पन नंबर कि निम्न में से किस राज्य में अपातानी सॉरी अपतानी कपड़ा उत्पादक के लिए जी टैग की मांग की गई है अपतानी कपड़ा उत्पाद के लिए जी टैग प्रदान की मांग की मांग गई है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है तो ये नाओमी ओषा का जो है वो फोवर्स के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी है अगला प्रश्न है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है तो बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष स्थान पे जो देश है वो हो जाएगा आपका नॉर्वे अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य को लुप्त प्राय हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है तो यह जाएगा हिमाचल प्रदेश इकसठ नंबर प्रश्न है कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है तो गहरी खंड भूमि के लिए जो विख्यात है नदी घाटी वो हो जाएगा आपका चंबल नदी घाटी अगला है भारत के किस जल प्र जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है तो ये है आपका चित्रकूट प्रपात चित्रकूट प्रपात जो है इसे नियाग्रा जलपात जल प्रपात के तौर पर जाना जाता है कयाल किसे कहा जाता है तो कयाल केरल के लैगून को कहा जाता है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है तो अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है फिर भी उसकी जलवायु में भिन्नता है इसका कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता कौन सा, कौन सा बांध कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है तो सिंचाई के लिए शिव समुद्र बांध नहीं है नंबर प्रश्न देखिए हरित क्रांति में सन्नाहित है है तो हरित क्रांति में जो सन्हित है वो है सामेकित कीट प्रबंधन सामेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं सामेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है तो भारतीय कृषि की उत्पादकता का जो कारण नहीं है यह आपका सहकारी कृषि अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी अल्मूनियम नहीं बनाती है तो अल्मोनियम जो नहीं बनाती है वो टेलको है टेलको कंपनी अल्मोनियम नहीं बनाती है नालको बालको और हिंडालको सभी अल्मोनियम की कंपनी है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है तो दिया हुआ है इसमें बेलग्रेड ग्रेड नदी ब्राति स्लोवा डान ये आपका सही सुमेलित नहीं है वार्षास चूल्हा कीव नीपर सभी सुमेलित है ऑप्शन नंबर वी को छोड़ तो ब्राति सिला किस नदी पर है डान नदी पर है डेनव्यू नदी पर है किस पे है डेनव्यू नदी पर है ब्राति सिला ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है सत्तर नंबर कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एक तरफ प्रदेश या क्षेत्र दिया हुआ है दूसरी तरफ जलवायु का प्रकार दिया इसे मिलाना है तो कैलिफोर्निया में कैसी जलवायु होती है तो कैलिफोर्निया की जलवायु होती है ये हो जाता है आपका भूमध सागरी सही है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा उष्ण मरुभूमि बांग्लादेश का हो जाएगा उष्ण कटबंधी मानसून और साइबेरिया का हो जाएगा सीत, तो ऑप्शन बी इसका कॉरेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं इकहत्तर नंबर कह रहा है सॉरी अठहत्तर एक, न... एक मिनट हाँ इधर दिया हुआ इकहत्तर नंबर कि भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदे के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान में व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को प्रदान करता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है तो ये आर्टिकल सत्रह के तहत जो यह अधिकार दिया गया है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद उन्नीस के ए डी को अनुच्छेद इक्कीस से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है तो ये हो जाएगा विदेश यात्रा का अधिकार इसे उन्नीस वन डी के अनुच्छेद को इक्कीस के साथ मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है अगला प्रश्न है चौहत्तर नंबर चौहत्तर नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25, जो कृपान धारण करते हैं सिख इसके लिए आर्टिकल 25 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो दिया हुआ है बंदी प्रतिक्षिक्रण टू बॉडी ऑफ परमादेश परमादेश कमांड प्रतिषेध टू वी सेटिस्फाइड ये जो है ना आपका कह रहा है कि सुमेलित नहीं है तो सेवेंटी फाइव का ऑप्शन सी प्रतिषेद टू वी सेटिस्फाइड ये सुमेलित नहीं है अधिकार परीक्षा वाई वाइट ऑथॉरिटी सभी सुमेलित है ऑप्शन सी को छोड़ के अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत है और वो है आपका अनुच्छेद चौदह से लेकर अट्ठारह अगला प्रश्न है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य परछाई का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई का अधिकार ऑप्शन बी हो जाएगा अठहत्तर नंबर प्रश्न है कि निम्न मूल निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में असम असंप्रियता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समता का अधिकार जो है ये मूल अधिकारों के समता के अधिकार को समविष्ट किया गया है कि असम्प्रियता के रूप में विवेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल तैंतालीस का खंड ए आर्टिकल तैंतालीस खंड ए जो है यह जो है बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के अनुच्छेद तैतालीस ए के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई अस्सी नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी बाईस राय था तो भारत का एकमात्र यहूदी बाईस राय जो था वो लॉर्ड रीडिंग था उसके बाद अठारह के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस शाह ए आलम बहादुर खाका किताब दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी वक्त खान जो है अठारह के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह बहादुर का खिताब दिया था वक्त किसे माना जाता है तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो माना जाता है ये राजा राम मोहन राय को इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो दिया है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी सही है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था और नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की सभी सही है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था तो इसमें कथन सही नहीं है तो ये जो कथन आपका डी होगा ये सही नहीं है अगला प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन था तो भारत संघ के संस्थापक जो थे ये थे सुरेंद्र नाथ भारत संघ के संस्थापक जब उसने राजत्व राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशकों से पूर्णतः स्वतंत्र था वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कथन जो है जब उसने राजतत्व प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था यह कथन कहा था ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के किस साहित्य का स्वर्ण युग था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु युग का साहित्य युग था विश्वविद्यालय स्थित था विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में अगला है बुद्ध की मृत्यु बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कहां पे महाकश्यप के द्वारा जो बुद्ध की मृत्यु बौद्ध संग, संगति की अध्यक्षता की गई थी अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है तो वह स्थान जो हो जाएगा आपका आदमगढ़ है। है अगला यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुप हो तो तीसरा ध्रुप कहलाता है क्या अगर किसी चुंबक का तीसरा ध्रुप होता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है परिणामी ध्रुप वैसे तो चुंबक का धुई ध्रुप होता है अगला है बेल किसकी इकाई है तो विल जो है ये तीव्रता की इकाई है विल तीव्रता की इकाई है तीव्रता की इकाई कौन सी है विल है जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है तो स्वर्ण आभूषण की सफाई हेतु जो एसिड का प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रिक एसिड है अगला प्रश्न है कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है यह दर्द किस अम्ल के श्राव से होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथेनाइक अम्ल के कारण मैथेनाइक अम्ल के कारण जो है नेटल के पौधे को अगर टच कीजिएगा तो उसे उस चुभ जाता है और उसे पेन होता है जैसे कि किसी कीड़ा ने डंक मार दिया हो वो इसलिए क्योंकि उसमें मैथेनाइक अम्ल होता है अगला प्रश्न है नाइन्टी सिक्स केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो केचुए के बारे में दिया है कि केचुआ जो है वो त्वचा तो से सांस लेता है अगला सही है बी नंबर 97 सेवन देखिए कोलोरोफिल एक यौगिक है जिसमें होता है तो कोलोरोफिल एक यौगिक है और इसमें मैग्नेशियम और नाइट्रोजन होता है नीचे दिए गए हेलोजन है के किस गुणधर्म के लिए क्रम फोलोरिन कोलोरिन ब्रोमिन और आयोडिन लागू होता है तो ये हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक के लिए यह लागू होता है अगला प्रश्न है हेनली लूप पाई जाती है तो हेनले लुप जो है ये पाई जाती है किसमें ब्रिक में ऑप्शन नंबर डी अगला है पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रस्तावित किया तो पारिस्थितिक तंत्र को शब्द को प्रस्तावित किया था सबसे पहले टेंस लेने तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर भी यहाँ पे समाप्त होता है अब प्रैक्टिस सेट नंबर ग्यारह देखते हैं अब है आपका ग्यारह नंबर इसे देखते हैं ग्यारह नंबर प्रैक्टिस शेट में तो पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अक्टूबर दो हजार इक्कीस में समाप्त आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी किसकी तो आई की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी 2021 में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवो वीवो जो था ये किसका आई की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 17 अक्टूबर को जो है निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है तीन नंबर प्रश्न देखिए कि मानव पूंजी मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैप्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है तो मानव पूंजी सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय अनुसार अगले पाँच वर्ष में भारत में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे तो भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक निर्णय के अनुसार अगले पाँच साल में पीएम मित्र पार्क जो स्थापित किया जाएगा ये टोटल सात स्थापित किए जाएंगे एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड किसके द्वारा यह परियोजना का शुभारंभ किया गया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा ये परियोजना को शुरू किया गया है 28 अक्टूबर 2021 को किए गए बदलाव के परिणाम स्वरूप मेटा किस अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया साइट का नाम ब्रांड है तो मेटा अभी जो फेसबुक आप लोग चलाते होंगे तो मेटा आता होगा तो वो मेटा जो है फेसबुक का है अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में नई दिल्ली में हुए चौबीसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी तो सबसे पहले कि 2021 में जो चौबीसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस मनाया गया है और इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का Tota वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किस समाजवा समाज, समाज सेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम प्रथम एक संस्था है जिसे समाज सेवी संस्था के रूप में सम्मानित किया गया है और इसे इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से समाज सेवी संस्था को सम्मानित किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण दो में पटना को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौवालीसवां स्वच्छता सर्वेक्षण दो में पटना को देश में चौवालीसवां स्थान प्राप्त हुआ है अगला प्रश्न है दस नंबर इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहले स्थान पर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश ग्यारह नंबर प्रश्न देखिएगा कि स्वेत नील नदी किस झील से निकलती है तो स्वेत नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रेडिडिय उत्तरी अमेरिका वुशमैन दक्षिणी अफ्रीका कांगो विशिन के बेल्जियम और ये जो इश्कीमो कांगो विशिन, बेल्जियम ये आपका सुमेलित नहीं है तो स्कीमो पे होती है तो स्कीमो जो है तो स्कीमो ये कांगोवेन बेल्जियम ये आपका कथन जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि कांगोवेशन जो है ना ये कांगो का, सॉरी कांगोवेनो जो है ये आपका हो जाता है कनाडा के उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित सिद्ध प्रदेश अलास्का में भी पाया जाता है कौन स्कीमो तो ये आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रश्न देखिए तेरह नंबर तेरह नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है तो समुद्री धारा में जो हिंद महासागर की धारा नहीं है वो है बेंगुएला धारा ये हिंद महासागर की धारा नहीं है तो बेंगुएला धारा जो है किसकी धारा है तो बेंगुएला तो बेंगुआला एक ठंडी जलधारा है है ना तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पूछ रहा है कि समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है तो जो नहीं होगा वो आपका डी हो जाएगा बेंगुअला यह ठंडी जलधारा है अगला है अधोलिखित महा अधोलिखित अधोलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है तो अधोलिखित सागरों में से जिसमें तट रेखा नहीं है वो है सारेसो सागर जिसमें तट रेखा नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब अरल सागर के किनारे अरब सागर होगा निम्नलिखित में से कौन सा देश युग अरब सागर के किनारे है तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान रूस तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान देश का जो युग्म है ये दोनों युग मतलब जोड़ा जो दिया हुआ है ये अरब सागर के किनारे है अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है तो किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलती है तो वो चाड चार्ड की जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलती है अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है तो म्यांमार के जो सीमावर्ती हैं ये हो जाएगा थाईलैंड लाओस और बांग्लादेश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया इथोपिया और जिबूती नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है तो नीलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है तो ये पटना में सबसे लंबी है अगला प्रश्न है इक्कीस नंबर भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष भारत संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं अगला प्रश्न है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है तो यदि सरकार जो है राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है न प्रधानमंत्री अपना त्याग त्यागपत देता है ना संसद भंग होती और न राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है अगला प्रश्न है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है तो लोक निधि का अभिभावक जो कहा जाता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जो थे जो कभी अपने अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे अगला प्रश्न है मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है तो मनमोहन सिंह के बारे में दिया है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे सही है उसके बाद दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये जो कथन सही नहीं है मनमोहन सिंह के बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व पूर्व प्रतिनिधि सभी सही है ऑप्शन सी को छोड़ के अगला है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो दिया हुआ है कि वह एक स... वह संसद का एक संगठक भाग है सही है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है ये आपका सही नहीं है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन में वह दोनों सदनों में भाग लेता है ये कथन सही नहीं है बाकी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और उन्हें वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश को लागू कर सकते हैं सभी सही है ऑप्शन बी को छोड़ के सत्ताईस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता तो ये हो जाएगा अवांछनीय आलोचना अवांछनीय आलोचना के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है तो यह आर्टिकल आपका हो जाएगा इक्कीस ऑप्शन नंबर बी भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो भारत साम्यवादी जो है साम्यवादी राज्य ये जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है अगला प्रश्न है सल्तनत काल में दीवान अर्ज किस विभाग सल्तनत काल में दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज और दीवाने अर्ज किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये भी बताइएगा कमेंट करके अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है तो कौन एक पुरुषार्थ नहीं है तो वो मृत्यु एक पुरुषार्थ नहीं है धर्म अर्थ काम ये सभी पुरुषार्थ है अगला देखते हैं जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिलोम ऑप्शन नंबर ए जब कोई हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम कहा जाता है क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है तो क्रय के द्वारा जो किया गया हिंदू विवाह है उसे अशुर विवाह कहा जाता है अगर देखिए कांग्रेस के, के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कांग्रेस के नेताओं में से एक थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को सात वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जिन्हें सात वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था वो थे रसीद अली अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है वो बारह नवम्बर उन्नीस को मनाया गया था और बारह दिसंबर से बारह नवम्बर को मनाया जाता है अगला है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की तो बाबर बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की तो राजा बिरल की उप राजा बीरवल की उपाधि किसे दी गई तो राजा बीरवल की उपाधि जो है ये महेश दास को दी गई चालीस नंबर प्रश्न है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के काल में लोलक की अवधि किस पर निर्भर करती है तो लोलक की अवधि उसके उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पंद्रह सौ डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो ये पायरोमीटर का उपयोग जो है वो पंद्रह सौ डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है क्योंकि बर्फ में जो घर्षण का अभाव होता है इसीलिए सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरो क्लोरोक्विन क्या है क्लोरोक्विन रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है वो मार्क्यूरिक सल्फाइड है अगला है पसीने का मुख्य उपयोग है तो पसीने का जो मुख्य उपयोग है वो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है अड़तालीस नंबर प्रश्न है थर्मस बोतल थर्मस जो बोतल होता है उसमें पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न पर लगाई जाती है तो थर्मस में जो हम लोग गर्म पानी करके रखते हैं वो बहुत देर तक ही गर्म ही रह जाता है या फिर गर्म ही रहता है तो उसके परत में क्या होता है तो उसके परत में जो होता है वो रजत परत चढ़ा होता है जिसके कारण उसमें वायु नहीं जा पाती और ठंडा नहीं होता वो गर्म हो जाता है गर्म ही रहता है मतलब जिस स्थिति में उसे रखते हैं उसी स्थिति में ही वो रहता है अगला है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी मां को प्रावर्तित कर देता है इसीलिए सांप का जहर क्या है तो सांप का जहर एक अम्ल है ऑप्शन नंबर सी इक्यावन है भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया तो भारतीय ऊर्जा का सर, सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बीना में स्थापित किया गया हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया गया हाल ही में कौन सी खिलाड़ी पैरा तिरंद चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय बनी पहली भारतीय बनी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूजा खन्ना पूजा खन्ना जो है ये खिलाड़ी हैं जो पैरा तिरंदिबाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अगला प्रश्न है जन औषोधि दिवस सप्ताह कब से कब मनाया गया तो जन औषोधी दिवस सप्ताह जो है ये मनाया गया आपका एक से लेके सात मार्च तक हाल ही में हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा देवायतन शैली पर अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकपाल ऐप को यूजीसी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है तो भारत का स्थान जो है वो तैंतालीसवां है अगला है हाल ही में असम सरकार ने किस योद्धा के नाम पर योजनाओं को मंजूरी दी है तो असम सरकार ने जिस योद्धा के नाम पर योजना को मंजूरी दी है वो है आपका लज्जित बार फुक्कन हाल ही में खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखने का विवाद उत्पन्न हुआ तो ये जो है नर नरसी मेहता के नाम पर रखने के लिए विवादित हुआ हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिनमें कितने खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षक को अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस खिलाड़ियों को अगला प्रश्न देखते हैं इकसठ नंबर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा टोंगा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यह या, या ओशेनिया का भाग है सही है यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दिशा में है ये भी सही है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है स्थित है यह गलत हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बासठ नंबर है निम्न में तांबा सोना कोयले का सही क्रम ढूंढे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतरी कोलतार केंद्रमुखी और झाड़िया ये जो है तांबा सोना कोयले का सही क्रम है अगला प्रश्न है तिरसठ नंबर निम्नलिखित में से कौन एक भू आवंध देश नहीं है तो भू आवंध देश अजर नहीं है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एक तरफ जलवायु है दूसरी तरफ प्रदेश का नाम दिया हुआ है अत्यधिक गर्म अत्यधिक गर्म कहाँ होता है तो ये आपका हो जाएगा सहारा रेगिस्तान में अत्यधिक ठंडा ये हो जाएगा आपका अटार्कटिका में अटार्कटिका में और अत्यधिक वर्षा ये हो जाएगा चेरापुंजी में और अत्यधिक सूखा ये हो जाएगा चिली में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार चार जो है भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया अगला देखते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए जनजाति और देश देखने से मिलाना है एश्किमो कनाडा हो जाएगा मसाई ये आपका मसाई कहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका केन्या वू ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब और वुषवैन बोथ साहब ना हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट है अगला है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है आपका धौलाधर एवं पीर पंजाल कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षानुमा तेजावी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइम का यूज़ किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आई एस ए का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है तो आई एस ए का सचिवालय जो है वर्तमान में ये स्थित है आपका गुरुग्राम हरियाणा में संविधान के किस संशोधन संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए हैं तो संविधान संशोधन तिहत्तरवा के द्वारा राज्यसभा के राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है जो चुनाव प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है तो ये हो जाएगा आर्टिकल दो के तहत केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस आयोग या परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जो है वो वित्त आयोग का ना तो अध्यक्ष होता है और ना सॉरी प्रधानमंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं संसद द्वारा चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है तो समय की अध्यक्ष संसद द्वारा चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य समाय की अध्यक्ष करते हैं अगला है 77 सेवन नंबर की भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसके व्यादे है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा अठहत्तर नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस समिति में सभी सदस्यों लोकसभा के सदस्य होते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रांकलन समिति प्रांकलन समिति के सदस्य होते हैं वो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे यह कथन संबंधित है तो यह कथन जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे निम्नलिखित में से कौन संविधान के बयालीसवें संशोधन द्वारा नीति तत्वों में जोड़ा नहीं गया तो ये हो जाएगा आपका समान आचार संहिता ये बयालीसवां संविधान संशोधन के निधि तत्व के द्वारा नहीं जोड़ा गया समान आचार संहिता को मौरेत्तर काल का प्रसिद्ध बंदरगाह बेड़ी गाजा स्थित था तो ये बेड़ी गाजा सबसे पहले मौरेत्तर काल का प्रसिद्ध बंदरगाह है और ये जो है अवस्थित है कहाँ पे तो खम्भा की खाड़ी कहाँ है गुजरात में फतेहपुर सिकरी में निर्मित भवनों को कौन एक हिंदू शैली से निर्मित नहीं है तो फतेहपुर सिकरी में निर्मित भवनों में कौन एक हिंदू शैली से निर्मित नहीं है तो वह है आपका जहांगीर महल जो यह हिंदू शैली से स्थित हिंदू शैली से निर्मित नहीं है हिंदू पदशाही की नीति किस पेशवा द्वारा आरंभ की गई थी तो हिंदू पदशाही की नीति जो है यह पेश किया था बाजीराव प्रथम ने अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलाएं संस्थाएं और संस्थापक दिया हुआ है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू केशव चंद प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद तत्वबोधिनी समाज का हो जाएगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा ये हो जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी और सर्वेंट ऑफ इंडिया सॉरी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले तो इसका फिर से हम एक बार बोल देते हैं प्रार्थना समाज का हो जाएगा केशवचंद्र सेन तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश समाज दादा भाई नेरोजी और सर्वेंट ऑफ <ोपेंगा> इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था तो ये जो था आपका तुगलकबंद सबसे ज़्यादा किया था शासन महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो ये कुशीनगर में स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है तो जैन साहित्य का आरंभिक भाग्य नहीं था ये आपका थेरीगा था अठारह संतावन के विरुद्ध के बाद कौन सा आंदोलन भारत में हुआ तो अठारह के पश्चात जो है आंदोलन भारत में हुआ वो था आपका और एक तो था नील क्रांति फिर उसके बाद दक्कन कृषकों के दंगे फिर बिरसा मुंडा तो दो तीन और चार ये आपका कर्म सही होगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मिनट इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एटी नाइन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भार की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया नब्बे नंबर प्रश्न देखिए कि एम के गांधी समर्थक थे तो महात्मा गांधी किसके समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे कौन महात्मा गांधी एक्स किरण क्षेत्र के मध्य आता है तो एक्स किरण क्षेत्र के मध्य कौन सा आता है तो ये गामा किरण और पर्यावैग्निक क्षेत्र आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है तो आरडीएक्स का अन्य नाम जो हो जाएगा वो साइक्लोनाइट है साइक्लोनाइट आरडीएक्स का अन्य नाम है अगला प्रश्न है 93 नंबर कह रहा है कि जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है तो ये हो जाएगा आपका 280.73 केल्विन पर स्टेथोस्कोप इस किस सिद्धांत पर काम करता है तो स्टेथोस्कोप इस जो है यह काम करता है आपका ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर निम्नलिखित में ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच वित्वान रहती है तो बाल्य ग्रंथि यानी थाइमस जो है ये फेफड़ों के बीच वित्वान रहती है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं वो गंध से पहचानते हैं निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो चींटी जो होता है उसके शरीर से ज़्यादा बड़ा उसका मस्तिष्क होता है निम्न में से किसके पितासन नहीं होता है तो पितासा जिसमें नहीं होता है वो ऊँट है प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं और ये जो है उपापचय के हैं डी को कितने अंत डीएनए को किसने अंतपात्र में बनाया अंतापात्र में बनाया तो ये बनाया था अर्थर कौनवर्क ने डीएनए को अर्थर कौनवर्क ने बनाया था तो ये आपका प्रैक्टिस सेट ग्यारह भी समाप्त हो गया अब प्रैक्टिस सेट नंबर बारह करेंगे पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है इस एक्सप्रेस वे का क्या नाम है तो भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है इसका नाम जो है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रखा है अगला प्रश्न है कि 30 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 के मध्य जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन आयोजित हुआ है तो ये जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2021 में ये कहाँ आयोजित किया गया तो ये इटली में आयोजित किया गया 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 हज़ार इक्कीस कहाँ संपन्न हुआ तो क्वाड लीडर समिट लीडर समिट ये जो आयोजन किया गया था ये दो का किया गया है वाशिंगटन डीसी में कहाँ किया गया है वाशिंगटन डीसी में अगला प्रश्न है कि 8 से लेकर 16 जनवरी 2022 के मध्य तीसवा नई तीसवा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा इसका थीम क्या है तो पुस्तक मेला का जो थीम रखा गया है यह रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी आज़ादी का अमृत महोत्सव ये इसका थीम रखा गया है अगला प्रश्न है छठा नंबर कि सितंबर 2021 में के संस्थापक शतोषी नाकोमोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया यह प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है तो यह प्रतिमा जो है स्वीडन में स्थापित की गई है 26 से लेके 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया तो यह किया गया है कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन अगला है 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 के मध्य पंद्रहवा पंद्रहवा भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण संपन्न हुआ तो ये जो संपन्न हुआ है सूर्य किरण ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी पिथौरगढ़ में कहा पिथौरागढ़ में अगला प्रश्न है अगला है नाइन नंबर बाईस सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड 19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ है तो ये जो हुआ है कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में तो 22 सितंबर 2021 को अमेरिका देश की मेजबान अमेरिका देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड 19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से, से संपन्न हुआ है योर वेस्ट डे इज टूडे पुस्तक के लेखक कौन हैं तो इस पुस्तक के लेखक अनुपम खैर हैं योर वेस्ट डे इज टूडे कोकन रेलवे जोड़ता है तो कोकन रेलवे किसको जोड़ता है तो ये कोकन रेलवे जो जोड़ता है ये रो से मंग, मंगलुरु को जोड़ता है कोकर रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ये आपका लेनी ग्रार्ड ब्लाडी वोस्टक है अगला देखते हैं भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है तो ये हो जाएगा आपका अजंता अजंता जो है भारत की पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो विक्टोरिया जो है तंजानिया और युगंडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन सा राज्य नेपाल को स्पर्श नहीं करता है तो नेपाल को स्पर्श असम जो है वो नहीं करता है प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कोडाइकनौल किस राज्य में स्थित है तो कोडाइकनैल जो है ये तमिलनाडु में स्थित है अरावली एवं विंध्यांचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन मध्य कौन सा पठार स्थित है अरावली और विंध्यांचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मध्य कौन पठार स्थित है तो ये पठार जो स्थित है आपका मैकाल का पठार स्थित है ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्याचल श्रृंखला के मध्य जो है वो मालवा का पठार स्थित है उन्नीस नंबर प्रश्न है अठारह नंबर की निम्न में से कौन सी राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है तो सबसे पूर्व में जो स्थित राजधानी है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोहिमा निम्न में से किस घास के मैदान का क्षेत्र भूमध्य तो रेखा पर स्थित है तो भूमध्य रेखा पर स्थित घास के मैदान कौन सा है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप बी सिल्वाश जो भूमध्य रेखा की घास के मैदान है अगला प्रश्न है नेपाल से बिहार के कितने जिलों की सीमा लगती है तो नेपाल से जो बिहार की सीमा लगती है वो केवल सात लगती है अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त नहीं है वो है सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है किसका कथन है तो यह कथन जो है सरोजनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल जो होता है वो पिजरे में निवास करने वाली सोरी सोने चिड़िया के समतुल्य है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है तो ये आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है अगला प्रश्न है विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होती अनि, होना अनिवार्य है तो विधान परिषद में एक वर्ष में कम से कम जो है वो दो बैठक होना आवश्यक है अगला प्रश्न है सत्ताईस नंबर की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो है राज्य के मद उत्पन्न विवादों की जांच करना उन परामर्श पर देना दूसरा कुछ या सभी राज्यों अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना और तीसरा कि सभी विषयों पर विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना ये सभी अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित हो होने वाली प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति निर्वाचन लर, निर्वाचन लड़ने लर, वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी अगला प्रश्न है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया तो दल बदल पर जो प्रतिबंध लगाया ये संविधान के बावनवा संविधान संशोधन कानून के द्वारा अगला प्रश्न है तीस नंबर कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है तो ये है सकल घरेलू उत्पाद यानी जी अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल से चांदी का मुकुट मिला है तो सिंधु घाटी के सभ्यता से जो चांदी का स्थल का मुकुट मिला है ये मिला है आपका कुणाल कहां से, कुनाल से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य को वेदांत भी कहते हैं तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है मगध के शासक ने पंचाल कौशल कुरु सूर्यसेन महाजनपदों को, महा को मगध साम्राज्य में मिला लिया तो वो कौन था तो वो महापदम नंद था सुमेलित करें इसे देखते हैं सुमेलित करना है ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सीरिया ये हो जाए सीरिया किसका है सीरिया का हो जाएगा आपका आ, का प्रथम मिस्र किस मिस्र के मिस्र जो हो जाएगा टॉलमी दूतीय मिस्रोडोनिया के मिसोडोनिया के कौन थे तो ये हो जाएगा आपका एंटीगोनस और एपिरस एलेक्जेंडर तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है थर्टी फोर का आगे देखते हैं अगला प्रश्न है चोलों के किस अभिलेख से उनके स्थानीय स्वत्व के, तो के, के बारे में जानकारी मिलती है तो ये उत्तर मेरुअर चोल के जो उत्तर मेरुअर अभिलेख है इससे स्थानीय स्वात्व के बारे में जानकारी मिलती है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था तो अमीर खुसरो का मूल नाम जो था अबुल हसन था अगला प्रश्न है किस किताब को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं तो मुग़ल साम्राज्य का गजेटियर जो कहा जाता है ये मासिरर ए आलमगिरी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की परिक्रमा करने, तो करने वाला प्रथम की यात्री था तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम की यात्री जो था उनका नाम था मैंकलेन फर्डिडेंड थे ये समुद्री पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले समुद्री यात्री प्रथम थे पहले पहले थे अगला प्रश्न है। 19वीं सदी के चौथे व पांचवें दशकों के दौरान इंग्लैंड में मजदूरों की वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक जन आंदोलन हुआ उसका क्या नाम था तो उस जन आंदोलन का नाम चार्टेड आंदोलन था किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खलसा पद की नींव रखी थी तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खलसा पद की नींव रखी गई थी और यह कब रखा गया था तो सोलह सौ निन्यानबे ईस्वी में एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है तो एक फूल के नर भाग को जो कहा जाता है पुंकेसर कहा जाता है जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है तो गुणसूत्र जीन के बहन करने वाले को क्या है? को कहते हैं अनुवांशिक इकाई को गुणसूत्र कहते हैं ओरिजन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी तो ओरिजिन ऑफ और स्पेसी जो थी डार्वन की पुस्तक थी अगला प्रश्न है नई जाति की उत्पत्ति का कारण क्या है तो नई जाति की उत्पत्ति का कारण जो है वो जनन पृथककरण चयन एवं उत्परिवर्तन भिन्नता एवं संस्करण सभी जो है सही है लेजर खोजकर्ता हैं तो लेजर के खोजकर्ता कौन थे तो ये थे थियोडर मैन मै मेमन मेमन जो थे थियोडर मैनन ये लेजर के खोज करता है चांदी हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है तथापि इसके काले होने के लिए जिम्मेदार है तो ये हो जाएगा आपका सल्फर इसके काले होने का जिम्मेदार कौन है चांदी के तो सल्फर है अगला प्रश्न देखते हैं एलपीजी के बारे में सही कथन नहीं है तो एलपीजी जो है इसके गंध से इसका पता लगाया जाता है ये कथन जो है सही नहीं है दो तत्वों के परमाणु संख्या समान है किंतु उसके गुण भिन्न भिन्न होते हैं ये कथन जो है इसे आइसोटॉप कहते हैं अगला प्रश्न है पित्तल निम्न की मिश्र धातु है पित्तल जो है वो किसकी मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मान क्या है तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का जो मान है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी थ्री 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 पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी जूल और एक किलो वाट पर आवर और एक यूनिट ये सभी जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मान है हाल ही में आरोग्य वनम आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो आरोग्य वनम का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो विश्व वन्यजीव दिवस हर साल जो मनाया जाता है तीन मार्च को अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में में किया किया जाएगा तो ये किया जाएगा तो वियतनाम फसलों को बीमारी से बचाने के लिए किसने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है तो फसलों को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो विकसित किया है ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य से प्रोजेक्ट वैशाखी को लॉन्च किया है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैसाखी को लॉन्च किया है यह किया गया है उड़ीसा से अगला प्रश्न है छप्पन नंबर की सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने वाला पदक वोल्ड मेडल वोल्ड मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय बने हैं प्रोफेसर दीपक धर निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गार्ड्स है तो ये लाई हरोवा पर्व का अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई गई तो यह वर्षगांठ नीदरलैंड की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई गई हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है अम्मा और बहिनी तो यह पहल का शुरुआत जो किया है यह किया गया है किसके द्वारा सिक्किम के द्वारा अम्मा एवं बहिनी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है अरोमा मिशन का संबंध किससे है तो अरोमा मिशन का संबंध जो है ये हो जाएगा आपका लेवेंडर की खेती से है अगला प्रश्न है केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री किसाई परियोजना में शामिल किया गया यह किस राज्य में स्थित है तो ये जो है आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में किस जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है तो कौन सा ज़िला जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला ज़िला नहीं है तो रोहतास जिला जो है वो जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर हिंद महासागर तीनों मिलते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है तो ये हो जाएगा राजस्थान अगला प्रश्न है पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है तो पालघाट जो स्थित है ये स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी पर अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो हो जाएगा ये साल सेठ है कौन साल सेठ भारत सरकार द्वारा कितने प्राचीन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है तो भारत के प्राचीन भारत सरकार द्वारा प्राचीन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा तो दिया गया है टोटल कितने भाषा को तो टोटल छ भाषा को निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां जो है वो दामोदर है निम्न में से कौन बालकन देश की सीमा यूक्रेन से लगती है तो ये आपका रोमानिया हो जाएगा अगला प्रश्न है कि कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरोसिया में पाए जाते हैं तो कौन से घास के मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं तो स्टेपिस जो है ये यूरेशिया में पाए जाते हैं अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत किसको माना जाता है तो ये टी एच ग्रीन को माना जाता है हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाला विचारधारा थी किसका फांसीवाद का अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है तो ये निहित होती है किसमें प्रधानमंत्री में, प्रधान में। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक होने चाहिए तो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए जो प्रस्तावक होने चाहिए कम से कम पचास होने चाहिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है तो भारत के विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल जो है वो आर्टिकल इक्यावन है निम्नलिखित में, तो, में, में से कौन एक राज्य नीति निरक्षक तत्व नहीं है तो चौदह वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व में नहीं है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं तो ये हो जाएगा आपका एक तो आर्टिकल बत्तीस हो जाएगा दो सौ छब्बीस और आर्टिकल दो तीनों जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का मौलिक ढांचा घोषित किया गया है आर्टिकल दो और सत्ताइस किसी आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समक्ष होता है तो यह होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए किसके द्वारा आयोग का गठन किया जाता है तो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अगला प्रश्न देखिए इक्यासी नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस शासक के काल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी तो शेरशाह सूरी के समय जो है न... जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी अगला प्रश्न देखते हैं बेरासी नंबर कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहकर पुकारा करता था उसके मुस्लिम प्रजा जो थे अगला प्रश्न है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तकसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी तो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले थे चरक वर्तमान नगर पालिका प्रशासन को कौन मौरिकालिक जारी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो था भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी लोगों ने आरंभ की थी डज के साथ अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था तो बहावी आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था और इसका मुख्य केंद्र था और पटना में बहावी आंदोलन का महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी तो ये एक नवंबर उन्नीस सौ एक अठारह को की थी अठारह के समग्र निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था तो दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया था अंग्रेजों ने अठारह के समग्र केंद्र के रूप में अगला प्रश्न देखते हैं उन्नासी नंबर बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने वाला कारण था तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि बिहार जमींदारों के सॉरी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार तो ये था अगला प्रश्न देखते हैं नब्बे नंबर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी गवर्नर जनरल और घटना में सुमेलित है तो सुम्मेलित है देखते हैं तो सबसे पहले सुम्मेलित जो है इसमें लॉर्ड एलन बरो सिंध काबिल है ये स, बिल्कुल सुमेलित है बाकी सभी सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी इसका आंसर है अगला है प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है किससे तो प्रकाश का संबंध जो है वो किससे है चुंबकीय क्षेत्र से है इंद्रधनुष किस रंग का विच्छेपण अधिक होता है तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विच्छेपन सबसे ज्यादा होता है निम्नलिखित में कौन एक अनु परमाणु कण नहीं है तो ड्यूट्रॉन जो है ये परमाणु का अनुकरण नहीं है दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किस उपयोग में लाया किसे उपयोग में लाया जाता है दर्पण बनाने में तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है और सटाइवा और सॉरी और सटाइवा जिसे गोल्डन राइस के नाम से भी जाना जाता है इनमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है गोल्डन राइस में यानी ओराइवा सटाइवा धान का ही नाम है साइंटिफिक नेम है धान का तो अगला प्रश्न देखते हैं नाइन्टी सिक्स नंबर नाइन्टी सिक्स नंबर प्रश्न है कि मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है जिसका कारक क्या है तो इसका कारक क्या हो जाएगा प्रयांश हो जाएगा प्रियांश अगला प्रश्न है कोवाल्ड सिक्सटीन आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है यह जो उत्सर्जित करता है गामा किरण को कोवाल्ट सिक्सटीन निम्न में से कौन पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो नहीं बढ़ाता है वो है प्रकाश संश्लेषण हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है तो पोटेशियम जो है हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है धड़कन को अगला है लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस शीट का कि शरीर के जोरों में गठिया रोग यानी अथराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है तो ऑथराइटिस यानी गठिया रोग जो है ये यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है आप प्रैक्टिस नंबर तेरह देखते हैं भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया तो तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण जो सम्पन्न हुआ ये अरब सागर में संपन्न हुआ है अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ शहीद भगत सिंह का स्मारक का उद्घाटन किया तो 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह का स्मारक का उद्घाटन किया है ये किए हैं नई दिल्ली में पुस्तक उसने गांधी को क्यों मारा के लेखक कौन है तो पुस्तक जो है उसने गांधी को क्यों मारा इसके लेखक अशोक कुमार पांडे हैं पुस्तक वन अरेस्ड मर्डर पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन हैं तो इसके लेखक चेतन भगत हैं सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के 10 किलोमीटर परिधि को तीर्थस्थल घोषित कर मांस एवं मंदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी तो ये हो जाएगा आपका मथुरा मथुरा में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 किलोमीटर की परिधि में क्या किए जो स्थल घोषित करके वहाँ पर मांस मंदिरा की बिक्री को प्रतिबंध प्रतिबंधित कर दी एक सितंबर 2021 को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने किसी स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन को दो क्लिनिकल प्रशिक्षण को मंजूरी प्रदान की है तो वो है आपका कॉर्बीवैक्स बाद है 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी फजाई द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया और इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे बड़े राज्यों में प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है ये गुजरात को प्राप्त हुआ है जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई तो डॉक्टर सायरस को कोविड 19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस पुस्तक के लेखक आगे ग्यारह नंबर में मिलान करना है देखते हैं यहाँ पे मिलान में क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है यामो यामो का हो जाएगा जापान कौन से देश में स्थानीय यामो कहाँ की स्थानीय हवा है जापान की ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका की स्थानीय हवा है बाइज फ्रांस की स्थानीय हवा है हबूब सूडान की स्थानीय हवा है ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न भागों में पीडू बिबार पेंडा स्थानीय नाम किस प्रकार की खेती को दर्शाता है तो यहाँ पे जो हो जाएगा स्थानांतरण खेती को दर्शाता है विश्व का सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल है तो विश्व का सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा हो जाएगा अटाकामा अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए उपनाम और राज्य दिया हुआ इसे मिलान करना है द फाल्कन कैपिटल किसे कहा जाता है तो द फाल्कन कैपिटल जो है नागालैंड को द स्टेट द स्टेट अरुणाचल प्रदेश को द गेटवे टू द ईस्ट द गेटवे टू द ईस्ट ये कहा जाता है मणिपुर को और द लैंड ऑफ द हिलाल पीपल मिजोरम को तो ये ऑप्शन अपना एक बिल्कुल करेक्ट है अगला देखते हैं यूकाटन स्ट्रीट किन दो देशों को जोड़ता है तो यूकाटन स्ट्रीट जो है ये जोड़ता है मैक्सिको एंड क्यूबा को भारत में किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है तो ये जो स्थित है, है हैदराबाद में नीलगिरी पर्वत श्रेणी में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में जो जनजाति पाई जाती है वो टोंडा पाया जाता है मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो तांबा के लिए मध्य प्रदेश का बालाघाट प्रसिद्ध है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है तो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है भारतीय वन्यम संस्थान कहाँ स्थित है तो भारतीय वन्यव संस्थान जो है ये स्थित है देहरादून में अगला प्रश्न है इक्कीस नंबर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा उस राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ अगला प्रश्न है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं तो संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित हैं वो एक तो हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के सभापति सभी सम्मिलित हैं अगला प्रश्न है चौबीस नंबर किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस ऑफ अनुमोदन होना आवश्यक है ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है ये हो जाएगा आपका राज्य की विधायिका के द्वारा सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए किसकी समीक्षा करने के लिए तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकार आयोग गठित किया गया था निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है तो आर्टिकल 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम बर्ड्समैन बनाने का सुझाव दिया तो ये था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अःम बर्ड्समैन बनाने का सुझाव दिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया गया तो आर्टिकल एक सौ बारह के तहत जो है वो केंद्रीय बजट पेश किया गया अगला प्रश्न है नंबर किस पंचवर्षीय योजना को राव और मनमोहन योजना भी कहा जाता है तो राव और मनमोहन आठवीं पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है तो आरबीआई का जो कार्य नहीं है वो सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोला ये आरबीआई का कार्य नहीं है अगला प्रश्न है 1902 के किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड कर्जन के समय इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट नरेश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तो एल एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कौन करवाया था तो कृष्ण प्रथम ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्र हस्ती संहिता के नाम से जाना जाता है तो ये हो जाएगा आपका महाभारत को सह के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न देखते हैं धर्म महापात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा हुई तो धर्म महापात्र की अशोक के द्वारा सूची एक और सूची दो से मिलाइए। देखिए पहली काउंसलिंग दिया हुआ और राज्य दिया हुआ है पहली काउंसलिंग कहाँ पे हुई थी तो पहली काउंसलिंग जो हुई थी ये राजगीर में यानी प्रथम बैठक राजगीर में हुआ था दूसरा कहा हुआ था तो दूसरा आपका वैशाली में तीसरा हुआ था कुंडल ग्राम में तीसरा आपका सॉरी ती, कुंडलग्राम में नहीं तीसरा आपका पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडल ग्राम में हुआ था तो ये जो काउंसिल क्या है तो ये जो है संगति है बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अगला है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श ले लेते और सम्मान देते थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन प्रभा कृषि को शनमुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में चौदहवीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक का होने का श्रेय दिया जाता है किसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक को श्रवणबेल गोला में गोविन्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी तो श्रवणबेल गोला में गोविन्तेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी ये चामुंडराय ने निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू चालीस नंबर प्रश्न है किस सिंधु घाटी सेवता स्थल ने चावल की खेती के पुरातात्न साक्ष्य दर्शाए तो ये हो जाएगा रंगपुर से एलईडी का पूर्ण रूप क्या है तो एलईडी का पूर्ण रूप हो जाएगा लाइट इमेडिंग डायोड किसी सरल लोलक की लंबाई चार प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव हाँ पड़ेगा तो उसका आवर्तकाल दो, दो प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा अगला प्रश्न है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो तो उनका क्या होगा तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होगा तो वह होगा कि विपरीत चक्रण होता है अगला प्रश्न देखिए चौवालीस नंबर फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है तो ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट पी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित होते हैं कौन सा तत्व इसका अपवाद है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीलियम जो है यह अपवाद है जीव के किस भाग पर हम स्वाद कलियों को जो खट्टे का ज्ञान कराती है वो पाई जाती है तो हमें पाश्च भाग पे जो है जीव जीवकलियाँ पाई जाती है जो घट्टे का खट्टे स्वाद को पहचान में, में मदद करती है अगला प्रश्न है डारबिन बाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्नताओं की कमी थी हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए हीमोग्लोबिन के बारे में तो दिया है कि हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है ये तो सही दिया है उसके बाद दिया है कि हीमोग्लोबिन यह लौह युक्त यौगिक है ये भी सही है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है ये गलत है यह रक्त को लाल प्रदान करता है हीमोग्लोबिन तो एक दो और चार आपका सही है अगला प्रश्न है भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाली रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं तो भोजन के साथ शरीर में जो जीवाणु रोग जीवाणु जो जाता है उसे कैसे नष्ट किया जाता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एस सी एल के एस सी एल द्वारा मारकर उसके बाद है डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया तो डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल जो प्रस्तुत किया था किसने किया था वाटसन एंड क्रिक ने किया था इक्यावन नंबर है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है तो फियरनेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक जो है वो डॉक्टर किरण वेदी है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत दर बढ़ाने की संभावना है तो ये हो जाएगा आपका आठ दशमलव जीरो से लेकर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत बढ़ाने की संभावना है सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है तो सेहत पहल रक्षा मंत्रालय से संबंधित है निम्नलिखित में से किस राज्य की होशला मंदिर को वर्ष 2022 23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन तौर पर शामिल किया गया तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में है कौन सा मंदिर होशला मंदिर उसके बाद है वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता तो वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड्स पुरस्कार जो जीता है वो पी आर श्री जेस ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पे है तो भारत का स्थान जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पे भारत है वर्ष 2022 के लिए विश्व आद्रभूमि दिवस का थीम क्या है तो वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि मनाया गया था उसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यनम आंध्र प्रदेश रिस्पुतक गास्टर फेस्टिवल स्पुतक गास्टर है स्पुतक गास्टर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया तो स्पुतक गास्टर फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया गया फरवरी 2022 में खिजादिया और वखीरा वनजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया अब भारत में कितने रामसर स्थल है तो ये भारत में अब रामसर स्थल है कितना पचास अगला है इकसठ नंबर देखिए कि एक्सेप्ट नंबर है फोन एक स्थानीय पवन है तो फोन एक स्थानीय पवन है किसका स्विट्जरलैंड में साफ रात में घी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होने का कारण क्या है तो विकिरण इसका अधिक कारण है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन जो है ये स्थित है आपके कोलकाता में अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वो नाम है आपका भारती अगला प्रश्न है पैंसठ नंबर सूची एक को सूची दो से मिलाइए जनजाति और निवास दिया हुआ है संथाल जनजाति ये कहाँ पाई जाती है तो ये पाया जाता है संथाल झारखंड में भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान में टोड़ा जनजाति तमिलनाडु में और जरावस अंडमान निकोबार में ऑप्शन बी इसका कॉरेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाएगा हिमाद्री की श्रेणी हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है तो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है आपका बंगाली निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल है का मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है तो ये लूनी नदी में भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी कौन पाराद्वीप पारादीप जो है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदु बंदर बंदरगाह है अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा और केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल स्थित है यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा भी गठित हो जाए तो क्या होगा तो इस क्या होगा कि संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है तो व्यय का अनुमान जो है ये रखा जाता है अनुदान और अनुदान का अनुरोध के समक्ष है ना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु परंतु जो हो जाएगा निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता से छोड़नी होगी अगला प्रश्न है राजनीतिक बहुलता के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है तो राजनीतिक बहुलता के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है ओटवे वी गिरकी को भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल चौदह छिहत्तर प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में सिक्के समान है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद बेरासी के अनुसार लोकसभा सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उन्नीस के जनगणना के आधार पर है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो उसे अगर वह वैध मतों का वटा छ भाग अगर नहीं प्राप्त होता है तो वह अपनी जमानत खो देता है अगला प्रश्न है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया तो ये हो जाएगा आपका 1980 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निरोधक अधिनियम उन्नीस सौ नवासी के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चौदह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित प्राची राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वैले सॉरी इसका सी हो जाएगा ये गलत बता दी यहाँ पे सी हो जाएगा एक तो झांसी हो सॉरी सबसे पहले आपका सतारा हो जाएगा फिर संबलपुर हो जाएगा फिर झांसी हो जाएगा एक दो और तीन उल्टा लिख दीजिएगा हो जाएगा ये क्रम आपका बिल्कुल करेक्ट है एटी वन का अगला प्रश्न है अट्ठारह सौ सन्तावन में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यता बनाया तो मुख्यालय बनाया इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय अठारह सौ सन्तावन में जो बनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र अठारह के विद्रोह से प्रभावित नहीं था तो अठारह से विद्रोह से प्रभावित नहीं था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी चित्तौर। निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरे और टेरा कोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक गाय का निम्नलिखित किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी तो ये उल्लेखित है इंडिका में कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था तो अफगानिस्तान का बामियान जो प्रसिद्ध था ये किसके लिए बुद्ध प्रतिमा के लिए निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने चार अश्मेह अश्मेहों का संपादन किया तो प्रवचिन प्रथम ने चार अश्मेह का संपादन किया हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था तो हिंदू शब्द का प्रथम ने, तो ने अपने मकबरे का निर्माण करवाया था आर्थिक तौर पर उन्नीसवी शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था तो भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण ये अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक पर आर्थिक तौर पर भारत का परिणामी कारण था अगला प्रश्न इक्यावन नंबर यदि मूत्र में एल्बुन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग फेल हो जाते हैं हो जाने से होने की संभावना होती है तो अगर एल्बुन आ रहा है मूत्र से तो इसका मतलब है कौन सा बीमारी होगा तो इससे मतलब है कि ब्रिक की बीमारी होगी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है तो सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है ये हो जाएगा ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन अब अगला प्रश्न है आपका कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए सबसे पहले यहाँ पे सूची देखिए वॉशिंग सोडा 94 94 में आपको मिलान करना है वॉशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट है ना सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा का हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा का हो जाएगा न, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड थोथा का हो जाएगा कॉपर सल्फेट और हाइपो का हो जाएगा सोडियम था सल्फेट ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है जल के उपचार में फिक्टी फिक्टी फिक्टीरी सॉरी फिटकड़ी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है तो जल के उपचार में फिटकड़ी का प्रयोग जो है किस प्रक्रिया की मदद में किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा निस्ंदन निसंदे फिल्ट्रेशन के लिए अगला प्रश्न है कि कोल गैस किसे कहते हैं तो कोल गैस जो है ये एच टू प्लस सी एच फोर प्लस कोबाल्ट को कहते हैं समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है तो ये प्रक्रिया जो होता है उत्क्रम प्राशरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो, हो जाती है कोई वस्तु अधिकतम भारसीन हो जाती है कब जब वह निर्वात में होती है अगला है 99 नंबर पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है तो पृष्ठ तनाव पैदा होने का कारण अणुओं के भी तेज तेज रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसीलिए तो प्रैक्टिस नंबर तेरह भी आपका समाप्त हो गया अब प्रैक्टिस चौदह बचा और पंद्रह चौदह नंबर प्रैक्टिस में है लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है तो लूसी मिशन का संबंध जो है नासा से है सितंबर 2021 में किलाउआ ज्वालामुखी किलाउआ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था यह स्थित है कहाँ पे अमेरिका में किलाउआ ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है सितंबर 2021 में किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ है तो नट कीर्तन उत्सव जो है ये शुरू हुआ है मणिपुर में सितंबर 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया तो शाहीन चक्रवात जो है अरब सागर में आया था और इसका नामकरण किया था कतर ने पाँच नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर का घोषित किया गया वो है चाचा चौधरी चाचा चौधरी जो है इन्हें नामांकर नमामि गंगे का शुभांकर घोषित किया गया प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाई जाती है तो 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जयंती के दिन उसके बाद है अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया तो अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया ये फहराया गया कहाँ पर लेह में कामधेनु दिवाली 2021 अभियान का संबंध था रामधेनु दिवाली 2021 अभियान का संबंध जो था ये गायों के गोबर से बने दिए मूर्तियों के निर्माण से अगला प्रश्न है किस राज्य के तीन जिलों को सशस्त्र बल अधिनियम अफसपा अफसपा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया तो अरुणाचल प्रदेश को 31 मार्च दो तक अशांत दो तक अशांत घोषित कर दिया गया उसके बाद है अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ आई ड्रोन का संबंध किससे है तो आई ड्रोन का संबंध जो होगा ये हो जाएगा वैक्सीन डिलीवरी से अगला प्रश्न है कि बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया कब किया गया तो 2002 में बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत में रखा गया पूर्वी समुद्र की श्वावमणि का नाम क्या है कि श्वावमणि का नाम क्या है पूर्वी समुद्री की स्वावमिनी का नाम क्या है तो ये इसका नाम श्रीलंका क्या नाम है इसका श्रीलंका अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है तो जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है वो आपका जिब्राल्टर खनावदोस जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो खनावदोस क्षेत्र जनजाति के जो लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा उस शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है तो काकेशियाई जनजाति के प्रजाति के लोग की संख्या सबसे ज़्यादा है काकेशियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है तुंग्या कृषि कहाँ की जाती है तो तुंग्या कृषि जो है ये की जाती है म्यांमार में निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है चालीस कबीलों का, का देश तो इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान किर्गिस्तान जो है इसका इसके नाम का मतलब होता है चालीस कबीलों का, का देश निन्नवे से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है धूपगढ़ चोटी स्थित है तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुरा रेंज में स्थित है अब आपको दिया हुआ है सागर पुलिन और राज इसे मिलान करना है तो देखते हैं सबसे पहले इसमें दीघा दीघा क्या है पश्चिम बंगाल में गोपालपुर ये हो जाएगा उड़ीसा में कालाकुंड कलांगकुंड ये हो जाएगा आपका गोवा में और मरीना ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है अगला है इक्कीस नंबर इक्कीस नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है तो विधायी सदन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद दो संबंधित है तो आर्टिकल दो का संबंध जो है ये राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है अब है निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है तो ले एवं लद्दाख में संघ विधानसभा नहीं है अगला प्रश्न देखते हैं नीचे चार युग दिए गए हैं जिनमें से वह सभी युग बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और आर के नारायण ये दोनों उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर भी रहे थे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है तो आर्टिकल सत्तावन अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है तो मूल कर्तव्य जो इसमें नहीं है वो लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है अगला प्रश्न है किस वर्ष में जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था तो जनगणमनगण को भारत का राष्ट्रगान कहा जाता माना जाता है मतलब के नाम सॉरी राष्ट्रगान जो है हमारा जनगणमनगण है और इसे कब अपनाया गया था ये पूछा जा रहा है तो इसे अपनाया गया था 1950 में अगला 28 नंबर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का यह प्रमुख स्रोत है उसके बाद है कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है तो वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है वो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना है तीस नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर करार कर ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थी ने पुलिस से छुड़ा लिया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती देवी सरस्वती देवी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को भागलपुर कराकर जिले जाते समय सरस्वती देवी स्वतना सेनाली को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था तो ये पटना में हुआ था पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था तो वो था अलवरुणी सिरर ए अकबर के लेखक कौन थे तो सिरर ए अकबर के लेखक जो थे वो दादा शिको थे दारा शिको सिरर ए अरब अकबर के लेखक निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोन्तर काल में प्रचलित हुई तो चतुष्टय वेदोन्तर वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी वो प्रथा थी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम ग्रिहस्त, वानप्रस्थ और संन्यास छत्तीस नंबर है संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है तो संस्कारों की कुल संख्या सोलह होती है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है तो महाभारत को जय सहिता के रूप में जानी जाती है कलहन की राज तरंगणी को किसने आगे बढ़ाया तो कलहन की राज तरंगणी को आगे बढ़ाया था जोन राज एवं श्रीवर ने उनचालीस नंबर है निम्नलिखित में से किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है राज्य से खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था तो राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था फिरोज तुगलक था वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान है क्या है तो ये हो जाएगा आपका सिल्वी कल्चर वनों का प्रबंधन रख रखाव विज्ञान सिल्वी कल्चर है अगला प्रश्न देखते हैं सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है जबरों में प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन कभी सीमाकारी कारक नहीं होता है तो यह आपका हो जाएगा ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु कभी सीमाकारी कारक नहीं होता है राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रीय उद्यान जो है है सुरक्षित रखता परिस्थितिक तंत्र को लाल रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है जल में पौधे का उगना निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है तो दिया है एंसेफिलाइटिस मस्तिष्क में होता है एपटाइसिस लीवर को प्रभावित करता है कोलाइटिस वृद्धांत को और पिलिया गला को ये गलत है पिलिया लीवर को करता है ना जोडिस पिलिया को ही बोला जाता है सुमेलित करें इसमें मिलान करना है देखते हैं कोल गैस कोल गैस आपका हो जाएगा एच टू प्लस सी एच प्लस सी एच सी टू एच टू प्लस कोवाल्ट और भापड़ अंगार गैस ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट प्लस हाइड्रोजन उसके बाद है वायु अंगार गैस ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट प्लस नाइट्रोजन ऑक्स नाइट्रोजन उसका तेल गैस का हो जाएगा मिथेन प्लस सी टू एच टू तो आपका मिलान सी बिल्कुल करेक्ट है अगला है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा फ्लोरीन होगा गलन वाष्वन शघनन हिमानयन, आश्वन उर्धवातन किस प्रकार के प्रवर्तन है ये सभी जो हैं यह भौतिक परिवर्तन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है मतदाताओं में जागरूकता फैलाने मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शुभांकर रोश का अनावरण किस राज्य में किया गया तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब में किया गया गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया तो यूपी के झांकी को लगातार दूसरी बार उसके बाद हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है तो वो हो गया आपका टीम का नाम भारत फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किस लेखा महानियंत्रक किसे महान लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया केंद्र कि सरकार ने फरवरी 2022 में तो सोनाली सिंह को महान लेखा नियंत्रक घोषित के नियुक्त किया गया है चंद्रयान थ्री मिशन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है चंद्रयान थ्री के संदर्भ में तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया सही है इसके एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा या चंद्रयान टू का उत्तराधिकारी मिशन है सभी सही है दिया है लता मंगेशकर संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है तो 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकलाल लता मंगेशकर का निधन हो गया सही है उन्हें उन्नीस में पद्म भूषण उन्नीस में पद्म विभूषण और सम्मानित किया गया उन्नीस सौ नवासी में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और 2011 में भारत रत्न ये कथन गलत है 2001 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था है ना तो ये प्रश्न आपका ये ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं और प्रशिक्षण परिषद यानी एन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो एन का नया निदेशक विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है तीन दशक के बाद तितली की दुर्लभ प्रजाति सदरन डफर को कहाँ पर देखा गया है तो नीलगिरी में सदरन डफ़र जो तितली की एक प्रजाति है इसे तीन दशकों के बाद देखा गया है फरवरी 2022 में वन वोशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया तो वन वोशन समिट का आयोजन जो किया गया ये फ्रांस में किया गया इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है उपयुक्त में से सभी हरित क्रांति से नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से अगला है समानांतर फसल का उदाहरण है तो समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूँ और सरसों दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथ यानी भगवान वेंकट वेंकटेश का मंदिर कहाँ स्थित है तो विलगिरी रंगा पहाड़ी पर भगवान रंगानाथ की मंदिर स्थित है अगला है निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है तो ये हो जाएगा सीमेंट ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है तो ये हो जाएगा कमार कौन सी महाद्वीपीय सागर का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है तो ये हो जाएगा आपका अरब सागर जो है ये महाद्वीपीय सागर का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करती है विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है नवीन मुरदार पर्वत पर विश्व की सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत पाई जाती है सड़सठ हो गया अब अड़सठ नंबर देखते हैं निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है तो भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है तो ये हो जाएगा इंडो आर्यन निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तो कृष्णा की सहायक नदी जो नहीं है वो है तेल नहीं है भीमा डान तुंगभादरा सभी कृष्णा की सहायक नदी है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी में अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है तो भारत के जो राष्ट्रपति होते वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद एक निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है तो संसद का अन्य भाग उपराष्ट्रपति नहीं है भारत में जनजातीय के निर्धारण का क्या आधार है तो भारत में जनजातीय के निर्धारण का जो आधार होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ये हो जाएगा विविधिक अधिकार किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में आठ प्रतिशत वोट प्राप्त करता है तब उसे जो है मान्यता दी जाती है दल के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है तो ये संशोधन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवासी संविधान संशोधन के द्वारा अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल ये जो है प्रशासनिक प्राधिकारी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है तो तीन वर्ष का होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया तो ये दिए थे एम वी माथुर ने निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जी सेवन का अस्थायी सदस्य नहीं है तो भारत जो है वो जी सेवन का अस्थायी सदस्य नहीं है सोलह महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी तो मथुरा जो राजधानी थी वो सुरसेन की थी सुरसेना की राजधानी कहाँ थी मथुरा थी निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो है वो गौतमीपुद सतकर्णी को कहा गया है कौन एक अष्टकांग योग का अंश नहीं है तो अष्टकांग योग का अंश अनुस्मृति नहीं है ऑप्शन नंबर ए किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तो मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम आक, मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है इब्न बतूता ने सतासी नंबर है सुमेलित करना सतासी नंबर में सुमेलित करना है तो देखते हैं इसमें दी है अकबर अकबर जो हो जाएगा आईने ए दह साल मोहम्मद बिन मोहम्मद तुगलक ये हो जाएगा प्रतीक मुद्रा इल्तुतुतमिश चहलगानी अमीर और सरक ए आजम ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देखिएगा अठासी नंबर की दक्कन सभा का संस्थापक कौन था तो दक्कन सभा का संस्थापक जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले थे बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था तो इसका उत्खनन डॉक्टर एस ने करवाया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान कितना होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान जो होता है वो दस होता है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर प्राप्त अवक्षेप किस रंग का होता है तो ये अपक्षेप सफेद रंग का होता है पौधे के प्रोह गति प्रदर्शित करते हैं और उसे निम्नलिखित में से किसे किया जा सकता है तो यह हो जाएगा आपका ऋणात्मक गुर्त्वा, एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं तो एक ही जीन के जो विभिन्न प्रारूप होते हैं उसे कहा जाता है युग्मिकल्पी भौतिक विज्ञान के मूलत नियम में क्या अपक्षेपित है तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इधर नहीं दिया हुआ है डी ऊर्जा संवेग और आवेश का संरक्षण उसके बाद है एम कोश यानी एम सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो एम सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या अठारह होती है अगला है कि मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया क्या है तो मानव नेत्र में जो कॉर्निया है यह एक प्रकार के प्रोटीन और कुश्काओं से बना होता है ऑप्शन नंबर डी आंत्र जीवाणु निम्नलिखित में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है आंत्र जीवाणु तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी ट्वेल्व का जो है मुख्य स्रोत है अनुरनन यानी रिवेपरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित परिघटना है तो अनुरन अनुरन जो है अनुरन ये किससे संबंधित परिघटना है तो ये होगा ध्वनि का बहुप्रावर्तन नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है इस सेट का मोल्डस एवं मशरूम किसका उदाहरण है तो मोल्डर एवं मशरूम जो है वो फर्जाई का उदाहरण है तो प्रैक्टिस सेट नंबर चौदह भी समाप्त हो गया है एंड लास्ट प्रैक्टिस सेट आपका पंद्रह बचा हुआ है इसे हम समाप्त करते हैं जल्दी से फिर ये वीडियो आपका अब आप समाप्त हो जाएगा तो सबसे पहले इसे देखते हैं हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी डी बिरला पुरस्कार नामित किया गया है तो जी डी बिरला पुरस्कार जो है ये दिया गया है नारायण प्रधान को यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का जो स्थान है वो मिला है एक सौ छत्तीस किसमें हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है भारत में मातृ मृत्यु दर में कौन सा राज्य अब्बल रहा है तो भारत में मातृ मृत्यु दर में जो राज्य अब्बल रहा है वो आपका केरल रहा है और भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है ये हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है हाल ही में लापसुस डॉलर ग्रुप किस काम से संबंधित खबरों में है तो इसका संबंध हो जाएगा हैकिंग से लैपस डॉलर ग्रुप जो है ये हैकिंग से संबंधित है अगला प्रश्न है कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है तो प, कल्पना चावला की जयंती जो है सत्रह मार्च को मनाई जाती है आर गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है तो बेंगलुरु शहर में जो है शक्तिकांत दास के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है तो गुजरात पहले स्थान पे है कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है तो केरल जो है पहला राज्य बना है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान न्यू डेवलपमेंट बैंक निम्नलिखित में से किस समूह का पहल है तो ये जो है ब्रिक्स समूह का पहल है निम्नलिखित में से किसे सतपुरा की रानी कहा जाता है तो सतपुरा की रानी जो कहा जाता है ये पंचमढ़ी को कहा जाता है जल प्रदूषण का एक मुख्य कारक क्या है तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक है औद्योगिक अवशिष्ट निम्नलिखित में से भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर स्थित है चेन्नई में उसके बाद है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को कहा जाता है पम्पास विश्व में काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो ब्राज़ील है उसका अम्लीय वर्षा क्या होता है जिसमें वनस्पति नष्ट हो जाती है तो अम्लीय वर्षा जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है बादल फटने का अर्थ क्या है तो बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से ब्रसात निम्नलिखित में से किस शहर को डूब रहा शहर भी कहा जाता है तो डूब रहा शहर के नाम से जागृता इंडोनेशिया को कहा जाता है भारत का दूसरा बड़ा नदी नदीवेशन कौन सा है तो भारत का दूसरा नदी नदीवेशन जो है वो गोदावरी वेषिन है हमारे शौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है हमारे शौर परिवार के बारे में तो हमारा सौर परिवार सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है ये आपका सही है इक्कीस नंबर देखिए फ्लाई एस प्रबंध और उपयोग मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया तो फ्लाई एस जो है यह प्रबंधित किया गया था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है तो कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है मांग का नियम क्या कहता है तो मांग का नियम जो है यह कहता है कि कीमत वृद्धि से मांग घटती है चौबीस नंबर है वी के आर वी राव संबंधित है तो वी के आर वी राव का संबंध किससे है राष्ट्रीय आय से है वी के आर वी राव का संबंध करों का उद्देश्य क्या है तो करो का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का नियमन किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत देना पड़ेगा तो ये हो जाएगा लोकसभा मंत्री लोकसभा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जब बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत देना पड़ेगा भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है तो आर्टिकल 324 किसी अनुच्छेद के तहत अंतर राज्य नदी जल विवाद के संबंध में उपबंध किए गए हैं तो अंतर राज्य नदी जल विवाद के संबंध जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल दो कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित होता है तो ये हो जाएगा आपका राज्य में विधान परिषद का सृजन और निर्वाचन क्षेत्रों का प्रशीमन एक और तीन सही है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता यह युक्ति किस पर लागू होती है तो यह युक्ति जो है राष्ट्रपति पर लागू होती है अगला प्रश्न है इकतीस नंबर हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था तो हिंदू विधि द्वारा उपज का छठवां भाग मान्य कर था ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है तो अधन्य शब्द का मतलब होता है कि गाय जिसे न मारा न मारे जाने वाला उसके बाद है स्वतंत्रता पूर्व भारत में पूर्व निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वतंत्र राज दल का समर्थन किया था तो स्वतंत्र राज दल का समर्थन एम ए जिन्ना ने किया था तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने किया तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किया था ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पंचमहल आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं तो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो कहा जाता है वो हेनरी बेबियोन डेरियोजियो को कहा जाता है अठारह के विद्रोह में बरेली से किसने नेतृत्व किया था अठारह की क्रांति को अठारह की क्रांति जो हुआ था उसमें बरेली के नेतृत्वकर्ता कौन थे तो वो थे खान बहादुर खान कौन सा आयोग मिशनरी शिक्षा विकास के लिए गठित हुआ था तो से आयोग और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था तो धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ना पूछा जा रहा तो वो कुमार था अगला प्रश्न देखते हैं परितंत्र का गति हृदय कहलाता है तो परितंत्र का गति हृदय जो है ये कहलाता है क्या ऊर्जा प्रवाह खनिज ऊर्जा पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था किसके द्वारा हिटेकर के द्वारा टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग का कारण है भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर केसी मेहता प्राकृतिक अनिशेचक जनन यानी पार्थियोजेनेसिस किसमें होता है तो प्राकृतिक पार्थियोजेनेसिस होता है ये होता है आपका मधुमक्खी में एथेजिट्स फूड नामक बीमारी किसके द्वारा होती है तो एथेजिट्स फूड नामक बीमारी जो है ये कवक के द्वारा होता है किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता जो है ये पहले एक से चार तक बढ़ती है और फिर चार से एक घट जाती है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो दिया था ये कोसले तथा लुइस ने चालक का प्रतिरोध 440 ओम है यदि उसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जा जा जाए तो इनमें कितनी धारा प्रभावित होगी तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीरो दशमलव पच्चीस ए जूल या किलोग्राम मात्रक किसका है तो जूल या किलोग्राम जो है ये मात्रक है गुप्त उषमा का उसके बाद देखिए इक्यावन नंबर भारत के सहयोग से किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट वार्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है तो ये शुरू किया गया है किसके सहयोग से? सेल्सियस के सहयोग से उसके बाद है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया है तो मिशन वसुंधरा असम ने शुरू किया है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया तो बर्मी गम में कॉमनवेल्थ गम का आयोजन किया गया उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा तो रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से चर्चा में रही अंशु मल्लिक का संबंध किस खेल से है तो अंशु मल्लिक का संबंध रेसलिंग से है चर्चा में रही चेरेक्सिक्स वैक्सीन मॉक्सिक्यूरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है तो मैक्सी क्यूरिक्स वैक्सीन जो है ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है हाल ही में किस फिल्म के एक हिस्से को अंतरिक्ष के वास्तविक माहौल में फिल्माने हेतु निर्देशक और अभिनेत्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस इस स्टेशन पहुंचे थे तो यह था आपका चैलेंज प्रथम मूवी है जिसे अंतरिक्ष में बनाया गया है तो चैलेंज है अगला है अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्भट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अगला है इंडियन ए स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो इंडियन इस, इंडियन एसोसिएशन इस, का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जयंत पाटिल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है बी ऑप्शन सही है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है बिहार का कौन सा एकमात्र जिला जिसकी सीमा झारखंड तथा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है तो वो रोहतास है उसके बाद है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है तो छपरा में गंगा नदी घाघरा में मिलती है बिहार में डोलामाइट पाया जाता है तो बिहार में जो है ये डोलामाइट कहाँ पाया जाता है तो रोहतास में ऐसी मृदा जो भारी वर्षा एवं उच्च आद्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा दक्षिण चीन, चीन सागर को स्पर्श करने वाला देश ये हो जाएगा आपका चीन बुणे इंडोनेशिया ताइवान मलेशिया निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र लॉ और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है तो नहीं जाना जाता है तो रेणुकूट जो है ये नहीं जाना जाता है लॉ और इस्पात उद्योग के लिए डाडेली वंजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तो ये कर्नाटक में डाडेली वंजीव अभ्यारण स्थित है निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है तो एमराल्ड द्वीप अंडवान और निकोबार द्वीप को जाना जाता है विसंजर का जंगल विसंजर विसंजर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्रशासित क्षेत्र में अवस्थित है तो ये अवस्थित है आपका उत्तराखंड में अगला है एफ ए टी एफ में ए का मतलब क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का मतलब एक्शन हो जाता है उसके बाद आर द्वारा बैंकिंग लोकपाल कब लागू किया गया था तो आर के द्वारा बैंकिंग लोकपाल उन्नीस में लागू किया गया था अगला प्रश्न है तिहत्तर नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है तो ये आठ के लाभ का हो जाएगा एक सौ समान कार्य के लिए वेतन को संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक क्या है ये तो यह एक राज्य के नीति सिद्धांत का अंग है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो लोकलेखा समिति का जो होता है वो मित्र एवं मार्गदर्शक होता है अगला प्रश्न देखते हैं जनहित याचिका यानी पी आई एल कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है तो पी आई एल जो प्रस्तुत की जाती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है आर्टिकल तीन सौ बावन में भारतीय संसद की लोग लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है तो भारतीय संसद की लोग लेखा समिति के अध्यक्ष को जो मनोनीत करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं भारतीय संविधान के इक्कीस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल एक के अनुसार उसके बाद कौन सी संसदीय समिति वित्तीय समिति नहीं है तो वित्तीय समिति इसमें से प्रवर समिति वित्तीय समिति नहीं है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन विहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एक तो अंगुत्तर निकाय भी है पिनय पिटक भी है और दिग् निकाय भी है सभी हो जाएगा नालंदा के सराय टिल्ला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है तो नालंदा के सराय टिल्ला से उत्खनन से जो प्राप्त हुआ है वो पालकाल का बौद्ध विहार है उसके बाद है अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब तो सत पंद्रह सौ में अगला है ऋग्वेद में कुछ जगहों पर कहा गया है कि गाय का वध नहीं करना चाहिए इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है तो अधन्य शब्द का उपयोग किया गया है अगला है पोरस का राज्य निम्नलिखित किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है तो पोरस ये जो है झेलम और राबी के मध्य स्थित है उसके बाद है कि किसके समय सैयद बंधुओं का अंत हुआ था तो सैयद बंधुओं का अंत जो हुआ था ये हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था तो कर्नाटक का अभियान ये शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीब की अंग्रेज मित्र कौन थे स्वाधीनता आंदोलन के समय चार्ली एंड्रयूज थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय जो था वो एम एन राय थे 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था तो इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों के वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव एंड 91 नंबर है अगर माता का रक्त समूह ए बी पिता का ए बी तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा तो बच्चे का ए होगा बी होगा या ए भी हुई हो सकता है अगर माँ हीमोफीलिया बाहक है और पिता निरोगी होंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे तो उनके बच्चे जो होंगे वो हो जाएंगे हंड्रेड उसके बच्चे जो होंगे वो पचहत्तर प्रतिशत संतान रोगी होंगे है ना तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ओनली थ्री होगा अगला प्रश्न देखते हैं हृदय से संबंधित गड़बड़ी की जांच पद्धति क्या है तो हृदय से संबंधित जो जांच की जाती है इसका संबंध हो जाएगा किससे एक और तीन एक तो हो जाएगा ईजीसी और दूसरा हो जाएगा एजियोग्राफी दोनों से हो जाएगा तिलचट्टे श्वास किससे लेते हैं तो तिलचट्टे जो हैं सांस लेते हैं ये किससे उपचर्म से उपचर्म से तिलचट्टा जो है वो सांस लेते सॉरी उपचर्म से नहीं श्वास नाल से है ना उपचर्म नहीं होगा श्वास नाल हो जाएगा उसके बाद है पंचानवे में कि निम्न में से कौन वास्तविक मछली है तो वास्तविक मछली इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्युत मीन यानी टारपीडो गन्ने का रासायनिक रूप क्या है तो गन्ने का रासायनिक रूप हो जाएगा सुक्रोज एक पिकोग्राम ग्राम बराबर होता है दस पर पावर बारह ग्राम के प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है तो ये हो जाएगा द्रव्यमान उसके बाद है एक परितंत्र में शवाल का स्थान होता है तो एक परितंत्र में शवाल का जो स्थान होता है वो उत्पादक होता है एंड लास्ट प्रश्न है आपका 15 में प्रैक्टिस नंबर का कि इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है और सूर्य किसी एक फोकस पर होता है ये जो है केपलर का प्रथम नियम है तो ये हमारा 500 प्लस 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस था जो समाप्त यहाँ पे होता है 15 प्रैक्टिस सेट है तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में देख सकते हैं कि अभी का टाइम कितना बज रहा है और मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है एक बार ज़रूर इसे रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद